Subscribe to Successes and press the bell icon to get all the latest videos. आप सभी का स्वागत है और आज हमारा सॉइल का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं हम। तो सभी लोग हम आज का लेक्चर शुरू करें इससे पहले सभी लोग मुझे बताएंगे कि कैसे हैं सभी लोग, और सभी लोग अपनी प्रेजेंस को यहाँ पे शो करेंगे। अनिमेश जी गुड आफ्टरनून। मैं देख रहा हूँ लाइक्स तो हमारे बढ़ रहे हैं लेकिन वेटिंग कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, तो अनिमेश जी बाकी सभी लोगों को भी बोलिए कि जल्दी जल्दी यहाँ पे इकट्ठे हों ताकि आज जो हमारा लेक्चर है उसको शुरू कर सकें। तो CBD 2 की तैयारी के लिए अब हमें ज़ोरों शोरों से लगना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके लिए आज एक नया बिल्कुल रिकी जी गुड इवनिंग रिकी जी, मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिकी जी आज क्या बात काफ़ी लेट हो गए हैं, और पूजा जी भी नहीं है आज क्या बात। तो विकास कुमार जी कह रहे हैं गुड इवनिंग वेरी लॉन्ग टाइम बिल्कुल। तो सभी लोग ये भी बताएंगे कि उनका CBD 1 का एग्ज़ाम कैसा हुआ, जो कि मैं एक बार पहले भी मैं एक आपके लिए वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है CBD 2 के लिए। उसमें हमने डिस्कशन भी किया है, जिसने देखा हो वो बिल्कुल वो जानता है और जिसने नहीं देखा है वो विजिट करके देख सकता है। चैनल पर अभी भी हमारा जो वीडियो है वो प्रेजेंट होगा। तो सभी लोग मैं देख रहा हूँ गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून। रितिका जी बिल्कुल, रितिका जी भी काफ़ी रेगुलर रहती हैं। मोनिका जी गुड इवनिंग न्यू टेक्नोलॉजी हेलो। चंदन जी, प्रतीक जी, प्रदीप जी, सुमन सौरभ जी बिल्कुल, सुनील शुक्ला जी बिल्कुल, रिकी शर्मा जी बिल्कुल। आपको भी मुझे देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है, रितिका जी को भी। विजय गुप्ता जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रदीप कुमार पाटिल जी गुड इवनिंग बिल्कुल। तो सभी लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। अब देखिए आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल JCB का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो JCB से आज हम सॉइल शुरू करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए सॉइल भी लेके आया हूँ ये, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसा भी कह सकते हैं कि ये उसी JCB से खोदी हुई मिट्टी है, तो बिल्कुल। तो दीपिका खरे जी गुड इवनिंग सॉइल मैकेनिक्स बिल्कुल। शिवा प्रसाद जी गुड इवनिंग। अमित राय जी गुड इवनिंग। वैभव अरोही जी CBD 2 के बारे में बोलिए बिल्कुल। वैभव जी अगर आपने CBD 2 का जो हमने डिस्कशन किया है उसका लेक्चर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखें। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये लाइक आप जल्दी जल्दी 50 पहुँचा दें ताकि मैं लेक्चर्स को शुरू कर सकूँ। नकुल जी हेलो, दीपिका जी हेलो, गोविंद, अमित, विनीत बिल्कुल। विनीत जी भी रेगुलर स्टूडेंट है बिल्कुल। रिकी शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने CBD 1 में 82 अटैम्प्ट किए हैं, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। रिकी जी बिल्कुल आपका तो क्लियर है, हम तो आपसे पहले दिन से ही हमारी ये बात चल रही है कि आप बहुत कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन तो मैं मान के चल रहा हूँ कि CBD 2 में आप बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। और मैं आपको स्टूडियो पर बुलाऊँगा और मेरी तरफ से आपको एक पार्टी दी जाएगी बिल्कुल। कुशवाहा जी, साहू जी बिल्कुल। कुलदीप लांबा जी कह रहे हैं उनकी पहली क्लास है, कोई बात नहीं। प्रकाश कुमार जी गुड इवनिंग, ठीक है। तो जल्दी से इसको लाइक को जो है हमारा 50 पहुंचा दें ताकि हम आगे लेक्चर को शुरू कर सकें। आज सॉइल के बारे में पढ़ चुके हैं ताकि, क्योंकि जो सॉइल मैकेनिक्स है हमारा बेसिक सब्जेक्ट है। सॉइल जिसको हम जियोटेक भी बोलते हैं, जिसे हम जियोटेक भी बोलते हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये तो हमारी क्या है, नींव है पूरे सॉइल इंजीनियरिंग की, कि सॉइल मैकेनिक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में ये मान के चलिए कि कुछ नहीं आता है, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो मिट्टी पे ही आपको बनाना है, और जब तक आप मिट्टी के बारे में नहीं जानते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते सिविल इंजीनियरिंग में। तो बिल्कुल चलिए, तो जल्दी मैं चाहूँगा कि ये अभी मैं देख रहा हूँ कि 50 लाइक्स अभी तक नहीं हुए हैं, 45 हो गए हैं। चलिए जल्दी 50, चलिए ठीक है। तो आज के लिए मैंने एक, अब CBD 2 के लिए हमें बहुत जोरों शोरों से तैयारी करनी है, तो एक एंथम बनाया है, थोड़ी एनर्जी दिखानी है। और एनर्जी दिखाने के लिए अब से मैं आपको जब भी लेक्चर शुरू करूंगा मैं बोलूंगा सिविल, आप बोलेंगे रॉक्स। तो बिल्कुल आज से शुरू करते हैं इसको, सिविल तो आप क्या, आपको क्या बोलना है, रॉक्स बिल्कुल। कमेंट करके रॉक्स, मैं देखना चाहता हूँ कम से कम 50 कमेंट होने चाहिए बिल्कुल। सिविल रॉक्स बिल्कुल। मंडल जी प्रणाम, विशाल शर्मा जी बिल्कुल। और हमारा स्केड्यूल है अब 4 बजे आपको रोज़ रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी, आप सीरीज़ भी हम बनाने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलती रहेंगी। तो रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ पे बने रहना है। बाकी टेलीग्राम के लिए मैंने आपको बताया था कि टेलीग्राम पर भी हमारा जो ग्रुप है वो चल रहा है, बच्चे उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, आप भी इंक्लूड होइए ताकि जो भी डिस्कशन उसमें होता है आप उस तक भी पहुँच सकें बिल्कुल। चलिए बिल्कुल 50 क्रॉस हो गया है, तो चलिए आप शुरू करते हैं लेक्चर को। बिल्कुल सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स जो है यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सॉइल मैकेनिक्स में द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स किसे कहा जाता है, एक सिंपल सवाल पहले बन जाता है। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हमेशा पता होना चाहिए, कार्ल तरज़ागी को बोला जाता है। कार्ल तरज़ागी एक बहुत पहुँचे हुए साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सॉइल में काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई है और इनको फादर ऑफ मैकेनिक्स सॉइल मैकेनिक्स बोला जाता है। बिल्कुल कार्ल तरज़ागी। अब देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट हैं, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट रहे हैं काफ़ी। तो कार्ल तरज़ागी इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ कह रहे हैं सर टेलीग्राम, दीपिका खरे जी मैंने आपको बताया था कि ये 9650229359 ये नंबर है टेलीग्राम का, इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो जिसको नहीं पता है वो इस पर मैसेज करके अपना एडिशन ले सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब सॉइल की बात करें तो सॉइल जो है, जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है इसको क्या कहा जाता है ये भी पता होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स जो है कार्ल तरज़ागी हैं और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। पेडोजेनेसिस बहुत सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है। तो पेडोजेनेसिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सॉइल कैसे बनता है, किससे बनता है सॉइल? तो सॉइल आप जानते हैं, सॉइल जो है आपके रॉक्स के टूटने से बनता है। अब ये रॉक्स कैसे टूटते हैं, सवाल ये बन सकता है कि जो रॉक्स हैं ये टूटते कैसे हैं। तो रॉक्स जो हैं आपके दो तरह के एजेंसी से ब्रेक हो सकते हैं, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो फिजिकल एजेंसी भी हो सकती है और साथ के साथ वो केमिकल एजेंसी भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? केमिकल एजेंसी भी हो सकती है फिजिकल एजेंसी। जैसे बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल एजेंसीज की, जैसे हम बात कर सकते हैं विंड। ठीक है, हवा चली, पत्थर पे बहुत जोर जोरों से हवा चल रही है, पत्थर टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर गया और उसी को हम क्या बोल देते हैं, सॉइल बोल देते हैं। तो वाटर भी तो हो सकता है, पानी से बहता बहता आया, पानी ने इतनी फोर्स लगाई कि उस वो टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया। आइस भी हो सकती है, विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, आइस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल जैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, कार्बोनेशन हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, केमिकल एजेंसीज से। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सॉइल है उसको आप नंबर ऑफ तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो पहली क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से द एजेंसीज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल। तो मैं टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ठीक है, कि किस तरह की सॉइल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। बिल्कुल बात करेंगे, सभी लोग बने रहें। बहुत लोग हैं, सिर्फ 29 लाइक हैं। बिल्कुल, तो कोशिश करिए सभी जगह देखते हैं। बिल्कुल, दानिश जी गुड आफ्टरनून, नियमत अंसारी जी हेलो। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपको मैं स्क्रीन पे एक मैप दिखाने जा रहा हूँ, उस मैप को आप देखेंगे और उसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को मेंशन करके आया हूँ। तो वो देखना है हमें कि भाई ये कौन कौन से टाइप के सॉइल्स हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे हो जाती है, यही समझने का हमारा एक टॉपिक है। बिल्कुल, तो आपके स्क्रीन पे एक मैप दिखाई देगा। बिल्कुल, तो देखें, बिल्कुल एक मैप दिखाई दे रहा है बहुत खूबसूरत सा। तो इस मैप की अगर हम बात करें तो इस मैप में आप देखें तो सबसे टॉप में मैंने ग्लेशियल सॉइल मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा मैप को थोड़ा इनलार्ज कर देंगे, हो सकता है थोड़ा सा मैप बड़ा हो सकता है। चलिए तो कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास नंबर ऑफ टाइप के सॉइल्स हैं और उन सॉइल्स को मैं अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूं। जैसे कि एक ग्लेशियल सॉइल है, अगर आप मैप के सबसे ऊपर के हिस्से में देखें चलिए ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो वहां पे ग्लेशियल सॉइल थोड़ा सा मेंशनड है। ठीक है, ये ग्लेशियल सॉइल क्या है? ठीक है, जो इसकी फॉर्मेशन है वहां पे आप जानते हैं कि क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, बड़े बड़े आइसबर्ग्स ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं। तो ग्लेशियर्स के वहाँ पर भी कुछ मिट्टी होगी, तो जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ रॉक्स आते हैं और उनके पिघलने के साथ साथ जो रॉक्स हैं वो टूटते रहते हैं, छोटे छोटे फॉर्म में आते रहते हैं, तो कुछ एक सॉइल बनती है। तो मैं कह सकता हूँ वो कैसी सॉइल होती है, ग्लेशियल सॉइल। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसमें आइस इन्वॉल्व है। तो ट्रांसपोर्टेड बाय आइस लिख देता हूँ, ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। तो जो सॉइल है वो मैं फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, और वो उसमें पहली टाइप की सॉइल डिफाइन कर रहा हूँ, कौन सी? ग्लेशियल सॉइल। ठीक है सर, ऐसा करिए ये राइट साइड में लगा दीजिए मैप को। आरसीसी के लेक्चर भी टेक में बहुत यूजफुल आया। बिल्कुल अमित राय जी, आरसीसी के लेक्चर्स में मैंने आपको ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी कि वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा रहे। इसको थोड़ा शिफ्ट करिए सर मैप को। बिल्कुल। केशव साहू जी गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा ग्लेशियल सॉइल था। बचपन में आप जब 9th-10th क्लास में थे अराउंड, तब आपको एलुवियल सॉइल एंड क्लूवियल सॉइल बताया जाता था। लेकिन ये एलुवियल सॉइल होता क्या है ये भी आज समझने की बात है। एलुवियल सॉइल ये भी देखना है आज, एलुवियल सॉइल क्या है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल अगर आप ध्यान दें तो मैप में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश एंड बिहार के एरिया में मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है और उसमें एलुवियल सॉइल लिखा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कौन सी रिवर्स एग्जिस्ट करती हैं? नर्मदा, गंगा। ठीक है, तो ये जो गंगा रिवर है ये भी क्या कर रहा है, उसमें पानी जो बह रहा है उसके साथ जो रॉक्स फ्लो करके आ रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ जो रॉक्स टूट टूट के छोटे फॉर्म में बिखर जाते हैं और उन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कह देते हैं? सॉइल कह देते हैं। तो एलुवियल सॉइल किससे बनता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की वजह से। तो इसमें कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है? वाटर इन्वॉल्व है, ध्यान देने वाली बात। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल ये आपको कहाँ मिलेंगे जनरली? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगा रिवर में आपको मिल सकते हैं। चलिए मोनिका सिंह जी, आरसीसी की क्लास की क्या टाइमिंग क्या है? मोनिका सिंह जी, आरसीसी क्लास तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और अगर आपने विजिट नहीं की है तो उनको विजिट करिए, हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैंने उसको पढ़ा दिया है। लेकिन अगर आपको उसमें कोई भी आज भी डाउट आता है तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे पास टेलीग्राम को जो चैनल मैंने बताया है उसमें आप कमेंट करके बता देंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। दीपिका खारे जी, फ्लोइंग वाटर की वजह से। तो एजेंसी यहाँ पे एलुवियल सॉइल में क्या है? वो है फ्लोइंग वाटर। दूसरे टाइप के सॉइल पे आ जाते हैं, लैकोस्ट्रीन सॉइल। ठीक है, तो लैकोस्ट्रीन सॉइल पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लैकोस्ट्रीन सॉइल जो है मैप में आप देखिए सेंटर में बिल्कुल लैकोस्ट्रीन सॉइल दिया है, हार्ट ऑफ इंडिया के वहाँ पे, और वहाँ क्या एग्जिस्ट करता है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कुछ फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं, और लेक्स के अंदर कैसा पानी होता है? स्टिल वाटर होता है। तो मैं कह सकता हूँ इट इज फाउंड इन फ्रेश स्टिल वाटर लेक्स। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर लेक्स में हमें मिलता है कौन सा सॉइल? लैकोस्ट्रीन सॉइल, ध्यान देने वाली बात है। चलिए नेक्स्ट सॉइल पे आ जाते हैं जो कि है हमारा मरीन सॉइल। नाम में लिखा हुआ है मरीन, जो मरीन इन्वायरमेंट में होता हो, मतलब जो समुद्र के किनारे पे मिलता हो। जैसे कि आप ध्यान दें जहाँ पे गोवा है, गोवा तो सभी जानते होंगे, घूमने का सभी को शौक रहता है। ठीक है, अभी तो आजकल लोग, मैं देख रहा हूँ छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल के बच्चों की, तो वहाँ जाते ही होंगे। तो मरीन, बिल्कुल गोवा चले जाइए अभी। ठीक है, तो गोवा में देखिए वहाँ पर मैंने मरीन सॉइल को मरीन इन्वायरमेंट में मैंशन किया हुआ है। तो मरीन सॉइल, तो बिल्कुल मरीन के वहाँ पर देखिए तो सॉइल फाउंड नियर सी। तो यहाँ पे जो फिजिकल पैरामीटर है वो क्या है? सी है। जो वहाँ पे पानी है, उस पानी जो सी में जो वाटर है उसकी वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं उसे क्या कह रहा हूँ? मरीन सॉइल कह रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है। सी साइड्स, बिल्कुल ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे अटेंटिव है, लेकिन मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि हम जानते हैं। आई एम न्यू, मैं आपके एस्टिमेटेड कॉस्टिंग के वीडियोस देख रहा हूँ, इट वाज रियली हेल्पफुल। बिल्कुल ठीक है, वैष्णवी जायसवाल जी, बिल्कुल। तो कोशिश करिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके या मेल करके बोल सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फॉलो करते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हमें करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एवोलिन सॉइल। एवोलिन सॉइल बहुत बढ़िया। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, यह आपको राजस्थान साइड के एरिया में मिलेगा। आप राजस्थान चले जाइए, मैप में आपको दिख रहा होगा एवोलिन सॉइल, मैंने राजस्थान के एरिया में मार्क किया हुआ है और उसके बगल में लिखा है सैंड। तो ये एवोलिन जो सॉइल है ये एक तरह की क्या होती है? सैंड होती है, सैंड ड्यून्स होती हैं एक्चुअली। ठीक है, अब जो एवोलिन सॉइल है इसमें ये किसकी वजह से बन रही है? विंड की वजह से, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। ठीक है। तो जब वहाँ पे तेज तेज हवाएं चलती हैं, जो वहाँ पे पत्थर प्रेजेंट हैं वो टूट के किस के फॉर्म में, छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और उसी छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे हैं, सैंड ड्यून्स बोल रहे हैं या फिर एओलिन सॉइल बोल रहे हैं। बिल्कुल, एओलिन सॉइल। एओलिन सॉइल के बाद एक और सॉइल है जो कि वहीं पर एग्जिस्ट करता है, और वो कौन सा है, वो है लोएस्ट सॉइल। कौन सा सॉइल है, लोएस्ट सॉइल। अब जो कि आपने देखा कि एओलिन सॉइल कैसा था, सैंड थी, लेकिन ये एक सिल्ट होती है, ठीक है। लोएस्ट सॉइल क्या है, एक सिल्ट है। ये एक फाइनली मतलब सिल्ट है तो इसका पार्टिकल का साइज और छोटा होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूं इट इज फाइनली ग्रेडेड सिल्ट, ठीक है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि इसके अंदर कुछ कैल्शियम के कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से ये सीमेंट की तरह मतलब सीमेंटेस प्रॉपर्टी भी दिखाती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि जब ये क्या हो जाती है, वेट हो जाती है। वेट, जब ये वेट हो जाती है तो वेट के टाइम ये अपनी सीमेंटेस प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देती है, लूज कर देती है और आसानी से कोलैप्स हो जाती है, बहुत कंप्रेसिबल इन नेचर हो जाती है, ठीक है। व्हेन वेट becomes collapsible, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, जितनी बातें भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारी बातें अपने पास नोट करके रखिएगा, क्योंकि यही मेरी बातें एग्जाम में एक क्वेश्चन की तरह आपसे पूछ ली जाएंगी, ठीक है। दीपिका जी गेट क्लियर हुआ कि एओलिन एयर के थ्रू, बिल्कुल। ध्रुव चौहान जी बिल्कुल, अगर आप गेट का पेपर देना चाहते हैं, आप किसी पीएसयू का पेपर देना चाहते हैं, आप किसी जेई लेवल का पेपर देना चाहते हैं, सब जगह यही बातें काम आने वाली हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए शुरू करते हैं, मूव करते हैं आगे। लियो सॉइल भी आप जानते हैं। इसके बाद एलुवियल सॉइल तो आपने देख लिया था, लेकिन हमें क्लोवियल सॉइल भी तो देखना है, तो क्लोवियल सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। थोड़ी एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो बिल्कुल एनर्जी दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्लोवियल सॉइल, अब देखिए एलुवियल सॉइल में तो क्या था, पानी रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो क्लोवियल सॉइल, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आप देखिए मैप में देखेंगे क्लोवियल सॉइल जहां पे ये उत्तराखंड का एरिया है, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं देहरादून, ठीक है, वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो क्लोवियल सॉइल, वहां पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ से क्या होता है, अंडर ग्रेविटी बड़े बड़े पत्थर गिरते नीचे चले आते हैं, और अंडर ग्रेविटी वो छोटे छोटे फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं और सॉइल का फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो मतलब ये क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो पैरामीटर इन्वॉल्व है इनकी फॉर्मेशन में, क्लोवियल सॉइल की फॉर्मेशन में, वो क्या है, ग्रेविटी है। और ये कहाँ देखने को मिल जाते हैं, ये देहरादून जैसी जगह में। देहरादून बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया मौसम है। आजकल दिल्ली में बड़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो देहरादून में तो बड़ा अच्छा मौसम है, और वहाँ पर अगर जब भी देहरादून जाएँ तो एक बात याद रखें कि यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से किस टाइप के फॉर्मेशन के सॉइल की फॉर्मेशन होती है, क्लोवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल, तो क्लोवियल सॉइल, ग्लेशियल सॉइल की भी आप बात कर चुके हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा माल सॉइल की। नाम में लिखा हुआ है माल सॉइल, मतलब जिसमें बहुत माल हो, ठीक है। अब अदरवाइज नहीं लेना है इसको, ठीक है। यहाँ पे माल जो है बहुत नेगेटिव शब्द भी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो बिल्कुल माल सॉइल जिसमें माल हो, मतलब कैल्शियम के कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो माल सॉइल, अब कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है अगर आप देखें, फॉर्म्ड ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे जो बेकार हो जाते हैं और जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनके डिके से जो सॉइल बनता है, क्योंकि उनकी हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो क्या बन जाता है, माल सॉइल बन जाता है। बिल्कुल, अब आप जानते हैं कि माल सॉइल किसे कहते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं हम। बिल्कुल संकल्प सिंह जी, बिल्कुल ये क्लास डेली होगी। चलिए, मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे थोड़ा सा अपने में व्यस्त हैं, लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, और बातें तो चलती रहती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बेंटोनाइट सॉइल पे। बेंटोनाइट ठीक है। अब बेंटोनाइट, फिर से हम ग्राफ में चले जाते हैं। देखिए मैंने एक आइलैंड बनाया है इंडिया के कॉर्नर पे, ठीक है। ये वहाँ पे क्या है, वॉल्केनो प्रेजेंट है, और वहाँ पे जो वॉल्केनो से जो क्या निकलती है, सॉइल निकलती है। बेसिकली क्या है, ये वॉल्केनिक ऐश है, क्या है, वॉल्केनिक ऐश है, सॉरी बेंटोनाइट, हाँ ठीक है, वॉल्केनिक ऐश है। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ, इसकी एक खास बात भी है बेंटोनाइट सॉइल की, कि इसको ड्रिलिंग ऑपरेशंस में एज अ लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया जाता है। बहुत एक क्वेश्चन आ सकता है बहुत सिंपल सा, कि बताइए किस टाइप का, चार ऑप्शन दे देगा और कहेगा किस कौन सा इसमें से एक सॉइल है जिसे ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसमें ढूंढ लीजिएगा बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल का एक यूज़ ये है कि इट कैन बी यूज, इट इज़ यूज इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस, मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशंस, ठीक है। और ये बेंटोनाइट जो है ये एक्चुअली में क्या है, एक तरह की क्ले है, और जब ये क्ले है तो ये क्या होगी, हाईली प्लास्टिक इन नेचर होगी। तो बेंटोनाइट सॉइल इज हाईली प्लास्टिक इन नेचर, और प्लास्टिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये क्ले है बेंटोनाइट सॉइल, जो कि हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज भी दिखाती है। अब ये हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि जब इसमें पानी आ जाता है तो ये काफ़ी सारा फूल भी जाती है, और जब पानी नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये इसके मिनरल्स की वजह से होता है, क्योंकि इसमें मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल होता है। क्ले मिनरोलॉजी में इसके बारे में हम बात करेंगे कि मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल एक्चुअली में होता क्या है, और किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ अगर वो किसी एक सॉइल में प्रेजेंट है तो शो करता है। उसका एग्जाम्पल हमारे पास बेंटोनाइट सॉइल है, जिसकी वजह से हाईली प्लास्टिक इन नेचर है, साथ में हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज़ हमें क्या करती है, दिखाती है, और उसी का एक कारण है कि हम इसे ड्रिलिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशन कुमार जी, बिल्कुल रोज़ हमारी 4 बजे की टाइमिंग है। सर हाउ मच सब्जेक्ट विल यू टेक। ध्रुव चौहान जी, हमारा तो कोशिश यही है कि हम आपका CBT 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। ऑलरेडी हम कुछ सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करा चुके हैं और हम आगे भी बढ़ रहे हैं सॉइल में, तो कोशिश करिए कि रेगुलर बने रहिए। मोहित साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव मंडल जी वेस्ट बंगाल से हैं, बिल्कुल। आशीतोष जी, बिल्कुल सर्वे तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और जीपीएस उसमें एक जीपीएस भी मेंशन है, तो जीपीएस के लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो आपके चैनल पे विजिट आप करें तो उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा जीपीएस के ऊपर। चलिए, तो बेंटोनाइट सॉइल भी हमारी हो गई है। बेंटोनाइट सॉइल के बाद हमारे पास एक सॉइल और भी है, और वो है टफ सॉइल। अब टफ सॉइल की बात मैं करूं तो टफ सॉइल जो है ये भी क्या है, एक तरह की वॉल्केनिक सॉइल ही है, ठीक है, ये भी क्या है, एक वॉल्केनिक सॉइल ही है। लेकिन अगर मैं बेंटोनाइट की बात करूं तो जो बेंटोनाइट थी वो रेसिडुअल सॉइल थी एक्चुअली में, और रेसिडुअल सॉइल क्या होती है इसके बारे में भी बात कर लेता हूं अभी, ठीक है। लेकिन टफ सॉइल कैसी है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये, ठीक है। अब ये रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी होती है इसकी बात करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो टफ सॉइल है ये किसकी वजह से है, सॉरी ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये विंड या वाटर किसी की वजह से भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कभी विंड की वजह से फॉर्म हो जाती है, कभी वाटर की वजह से फॉर्म हो जाती है, तो बिल्कुल कोई बिल्कुल एक स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन ये कैसे टाइप की सॉइल है, टफ सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, बिल्कुल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल की बात करेंगे, और वो है ब्लैक कॉटन सॉइल। बिल्कुल, ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ब्लैक, नाम में लिखा हुआ है ब्लैक मतलब देखने में काली होगी, कॉटन मतलब कॉटन के लिए, कॉटन उगाने के लिए बढ़िया होगी ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक इसलिए क्योंकि देखने में काली होती है, कॉटन इसलिए क्योंकि कॉटन उगाने के लिए बहुत अच्छी होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें भी मॉन्ट मोरेलोनाइट मिनरल होता है, जैसे बेंटोनाइट सॉइल में था, ठीक है। मॉन्ट मोरेलोनाइट क्या है, एक मिनरल है सॉइल का, जिसकी वजह से ये भी हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज दिखाती है, ठीक है। अब देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल जो है मैंने मैप में मेंशन की है, अगर आप वहाँ पे जाएं और देखें तो वहाँ पे काले रंग की आपको मिट्टी मिलती है, ठीक है। दूसरी अच्छी बात यह है कि पूरे इंडिया में जितनी भी सॉइल प्रेजेंट है उसमें लगभग 20% सॉइल तो कैसी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अराउंड 20% ऑफ टोटल सॉइल इन इंडिया कैसी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल इसकी भी बात हो गई, तो इसको ध्यान रखेंगे। ब्लैक कॉटन सॉइल कौन सा मिनरल है, मोंटमोरोलाइट। कैसी प्रॉपर्टीज दिखाती है, हाई स्वेलिंग एंड हाई श्रिंकेज प्रॉपर्टीज दिखाती है। इंडिया में जितनी सॉइल है उसकी लगभग 20% सॉइल कैसी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, लेटराइट सॉइल। अब देखिए लेटराइट सॉइल, आप देखेंगे मैप में तो मैंने एक लाल रंग की लाइन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स में बनाई हुई है, ये इंडिया का हिस्सा है लगभग नीचे का, और यहाँ पे लाल रंग की लाइन बनी हुई है। ये कैसे हैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स पे जो जनरली आपको सॉइल मिलती है वो कौन सी होती है, लेटराइट सॉइल होती है। अब मैं लेटराइट सॉइल की बात करना चाहूँगा कि लेटराइट सॉइल बेसिकली है क्या। लेटराइट सॉइल में तो एक मैं बात बता दूँ आपको, ये जनरली रेड इन कलर होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें जो होता है लीचिंग हो जाती है। लीचिंग का मतलब जो सिलिशियस कंपाउंड्स होते हैं वो आप क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। और कौन से इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन किसका हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है आयरन ऑक्साइड का, और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो आयरन ऑक्साइड है इसका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। और जिस भी चीज़ में आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होगा वो कैसे रंग की हो जाएगी, लाल रंग की हो जाएगी। इसी वजह से ये लेटराइट सॉइल कैसे देखने में होती है, थोड़ी सी लाल रंग की होती है, बिल्कुल। तो लेटराइट सॉइल पीछे बिल्कुल। नेहा जी अगर आप आज वीडियो जब आप हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा तो शुरुआत में जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप का मैंने वहाँ पे नंबर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए लेटराइट सॉइल के बाद अब लास्ट बात करेंगे हम, ठीक है, लास्ट बात करेंगे ऑर्गेनिक सॉइल की। देखिए ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉइल की जब मैं बात करूँ तो देखिए ऑर्गेनिक सॉइल में एक तो मक सॉइल है, दो टाइप की है हमारे पास, एक है मक सॉइल, ध्यान रखेंगे मक सॉइल, ठीक। क्लास कितने मंथ चलेगी संकल्प जी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके लिए सॉइल कंप्लीट करा दूं, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट्स करने हैं। चलिए ठीक है, तो ये जो मक सॉइल है ये मिक्सचर है एक्चुअली, ठीक है, मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल का मिक्सचर है, ठीक है। ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सॉइल का कैसा है, मिक्सचर है। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल का मिक्सचर होता है मैं उसे क्या बोल देता हूँ, मक सॉइल बोल देता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक पीट भी है, पीट सॉइल, ठीक है। पीट सॉइल जो है अगर मैं उसकी बात करूँ, ठीक, पीट सॉइल जो है जो वेजिटेटिव मैटर है आपके पास, ठीक है, जो आप घर में क्या मान लेते हैं, आपकी किचन है, किचन में से छिलका निकला खीरे का, आलू का, ठीक है, सारी चीज़ों का छिलका निकला। अब मैंने क्या करा, ये जो वेजिटेटिव मैटर है या सड़ गई आपकी सब्जी वगैरह जो आपने इकट्ठा करा और आप उसको क्या कर दीजिए, भर दीजिए गड्ढे में। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा और क्या वापस बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। तो वो जो मिट्टी होगी उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, पीट सॉइल बोल रहा हूँ। इट इज decomposed form of vegetative matter। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वेजिटेटिव मैटर से जो सॉइल बनती है ये हाईली कंप्रेसिबल होती है, हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर, ठीक है। और आपको एक बात और भी बता देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये जो मक सॉइल है और ये जो पीट सॉइल है इसे हम क्यूमुलोज सॉइल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्यूमुलोज सॉइल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है उनसे बहुत आगे हैं आज आप। क्यूमुलोज सॉइल किसे कहा जाता है, मक सॉइल और पीट सॉइल को ही बोला जाता है, ठीक है। फीड वेजिटेबल्स की डिकम्पोज। बिल्कुल दीपिका खरे जी, मुझे लगता है कि आप काफ़ी तैयारी करके आई हैं और यही आपकी अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो इस बार एग्ज़ाम को निकाल के आए, और ताकि हम लोग एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद एक बहुत बढ़िया सी पार्टी कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि सिविल रॉक्स। चलिए, यहाँ सब अपनी अपनी बातें भी कर रहे हैं। चलिए, क्या कह रहे हैं सोनू कुमार जी? सर प्लेलिस्ट नहीं है क्या? आज तो पहला लेक्चर है, प्लेलिस्ट किस बात की? शो नहीं करते हैं सीक्वेंस में, शो भी करेगा सीक्वेंस में करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज़ और भी याद रखनी है, लोम, एक लोम सॉइल है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल नहीं है, लेकिन ये क्या है? मिक्सचर है। अब मिक्सचर है तो किसी चीज़ का तो मिक्सचर होगा, और ये मिक्सचर है किसका? सिल्ट का, ठीक है, और किसका? क्ले का, और किसका? सैंड का, ठीक है। सिल्ट, सैंड और क्ले का जो मिक्सचर होता है, मैं उसे क्या बोल देता हूं? लोम बोल देता हूं, LOAM, लोम सॉइल। क्लियर रहेगी बात? तो मैंने क्लासिफाई जो सॉइल को किया है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन की वजह से किया है, लेकिन अभी एक बात रह गई है, और जो हमने बात की थी रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल की। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को, ठीक है। जियोलॉजिकल साइकिल क्या है इसकी? जो सॉइल हमारा फॉर्म हो रहा है, इसकी जो हम अलग अलग तरीके से फॉर्म हुई हमने देखा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये हुआ क्या है, जो पत्थर थे, ठीक है, मैं मान लेता हूं यहाँ पे क्या थे? रॉक्स थे मेरे पास, ठीक है। अब इस रॉक्स में क्या हुई? वेदरिंग हुई, ठीक है। वेदरिंग चाहे वो फिजिकली या केमिकली, ठीक है। अब वेदरिंग हुई तो वेदरिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। भाई हवा या पानी अपने साथ ले जाएगा, ले गया भाई, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ट्रांसपोर्ट होके कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है, गया कहीं ना कहीं, और वहां पे जाके क्या होने लग जाएगा? जमा होने लग जाएगा। मैं उसे क्या कह देता हूं? अपहीवल। अपहीवल हो गया, और अपहीवल मतलब वहां पे क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। मैं मान लेता हूं ये पेड़ पहाड़ था, यहां से क्या हुआ? पानी की वजह से ये बहते बहते यहां आ गया, ठीक है। ये फिर थोड़ी मिट्टी आ गई, अब यहाँ पे क्या हो रही है? डिपॉजिट हो रही है, यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? अपहीवल हो रहा है, मतलब बढ़ती चली जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई, और ये प्रोसेस कितना है? हजारों साल में होता है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन में हो गया या 1 साल में हो रहा है, ये हजारों साल लग रहे हैं इस काम को होने में, ठीक है, अपहीवल होने में। तो जो साइकिल है, अपहीवल के बाद फिर यहाँ पे कभी वेदरिंग होगी, फिर ये कहीं और ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा, मतलब ये साइकिल क्या हो जाएगी? वापस रिपीट हो जाएगी, क्योंकि अपहीवल होने के बाद ये फिर से क्या बन जाएंगे? रॉक्स बन जाएंगे, और फिर वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर अपहीवल। तो ये क्या है? जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ध्यान देने वाली बात, ठीक है। तो जियोलॉजिकल साइकिल भी आप जानते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये पहाड़ था, पहाड़ से जो वाटर है, कुछ मिट्टी आके यहीं रुक गई, और कुछ क्या यहाँ आ गई, तो जो पेरेंट रॉक था वो यहाँ था, यहीं रुक गई, तो ये जो सॉइल यहाँ पे जो फॉर्म हुई, मैंने इसको क्या बोल दिया? रेसिडुअल सॉइल बोल दिया। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे आ गई वो कैसी है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। तो ध्यान देने वाली बात यही थी कि जो सॉइल हमने अभी बेंटोनाइट और टफ सॉइल की बात की थी, तो बेंटोनाइट में बेंटोनाइट कैसी थी? रेसिडुअल सॉइल थी। टफ सॉइल कैसी थी? ट्रांसपोर्टेड थी, वो ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आ गई थी टफ सॉइल। लेकिन बेंटोनाइट क्या थी? वहीं रुक गई थी। बेंटोनाइट सॉइल इज अ रेसिडुअल सॉइल। अभी तक जितनी भी बात की है, बात समझ में आई है तो थम्स अप करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं अब सॉइल के अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल, हेलो सर, दीपक कुमार जी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, प्रिया सिंह जी भी, बिल्कुल प्रिया सिंह जी, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्या है? एक के बाद एक का प्रोसेस है। पहले वेदरिंग होगी तभी ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्ट होगी तभी अपहीवल होगा, फिर रॉक्स बनेंगे, फिर वेदरिंग होगी। ये नहीं है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन यहाँ लिख दिया, वेदरिंग वहाँ लिख दी, ठीक है। बिल्कुल इस बात का ख्याल रखें। लिक्विफेक्शन टॉपिक कवर सर इन टेक्निकल जो, बिल्कुल। तो मेरे को काफ़ी सारे थम्स अप देखने को मिल रहे हैं, रिक्की जी का भी, रितिका जी, संकल्प जी, दीपिका खरे जी, भानुप्रिया जी, सोनू कुमार जी। बिल्कुल, अगर आपकी ये कंप्लेन है कि भाई ये सीक्वेंस में शो नहीं कर रहे हैं टॉपिक्स, तो बिल्कुल मैं आज बात करता हूँ आपके लिए, वो मैं सीक्वेंस में अरेंज करवा दूंगा, बिल्कुल। चलिए, शैनी कुमार मौर्य जी गुड आफ्टरनून। चलिए सर, मैप हटा देंगे। अब बहुत क्रिएटिव है, तो सॉइल को देखिए समझना है। अब ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक ग्लास है, ठीक है। इस ग्लास में मैंने कुछ मिट्टी भरी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। अब इस मिट्टी को आप देखें तो भाई मैं मान लेता हूँ कि जितने में भरी हुई है इसके ऊपर कोई ग्लास नहीं है, इतना ही बड़ा ग्लास है बस, ठीक। अब मिट्टी मैंने भरी है तो मतलब इसके अंदर जितनी जगह में मिट्टी भरी हुई है इतनी जगह में अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर भी खाली जगह भी अवेलेबल है। मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, ये वो पोर्शन है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी के ये पार्टिकल्स हैं जो इसके अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात कि मैंने ये जो मिट्टी यहां भरी हुई है मैंने इसमें भी भर दी। अब सामने वाला देख के कह रहा है कि भैया इसके अंदर तो अब जगह नहीं, तुमने यहां मिट्टी भर दी, लेकिन मैं कह रहा हूं इसके अंदर भी क्या है, जगह है। और इसको प्रूफ किया जा सकता है कैसे, क्योंकि इसके अंदर अगर जगह नहीं होगी तो जैसे ही मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा, पानी कहाँ होना चाहिए, मिट्टी के ऊपर रह जाना चाहिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये पानी कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। देखिए अगर आप देखें तो ये देखिए पानी कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, कहीं सॉइल के अंदर। और वो अंदर कहाँ जा रहा होगा, जहाँ खाली जगह होगी वहीं जा रहा होगा। देखते हैं, ये देखिए कुछ धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा होगा कि पानी क्या कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर ट्रेवल कर रहा है मतलब अंदर क्या है, कुछ वॉइड्स अवेलेबल थे, मतलब खाली जगह अवेलेबल थी। अगर खाली जगह अवेलेबल है तो उस खाली जगह को सबसे पहली बात मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉइड बोल रहा हूँ। मतलब ये जो सॉइल थी इसमें एक क्या थे, सॉइल के सॉलिड्स थे, साथ में यहाँ पे कहीं वॉइड अवेलेबल था। क्या अवेलेबल था, वॉइड अवेलेबल था। और जो वॉइड अवेलेबल है अगर उसके अंदर पानी नहीं था पहले तो क्या होगी, उसमें एयर होगी। मतलब मैं क्या कर लेता हूं, पहले क्या करता हूं, वॉइड को और सॉइल के पार्टिकल्स को अलग अलग कर लेता हूं, ऐसा करता हूं कुछ। तो मैंने क्या किया, एक ये बना लिया, इसमें मैंने कहा कि भाई इतने सॉइल के क्या थे, सॉलिड्स थे, और ये बचा हुआ क्या था, वॉइड था, ठीक है। अब वॉइड था तो कुछ ना कुछ जगह ले रहा होगा, और सॉलिड्स थे तो उनका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ वेट होगा। तो वॉल्यूम को मैं कहां दिखा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और ये कुछ था वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये लीजिए भाई, ऐसी वेट ऑफ कुछ वॉइड होगा, भाई खाली जगह का कोई वेट होता है, नहीं होता, तो मैंने इसको जीरो मान लिया। और कुछ सॉलिड्स का तो वेट होगा ही होगा, वेट ऑफ सॉलिड्स। यहां पे क्या था, वॉइड था, वॉइड के अंदर अभी कुछ नहीं है तो क्या होगा, हवा होगी। तो एक सॉलिड है और क्या है, एयर थी। अब जब मैंने इसके अंदर क्या किया, पानी डाल दिया, अभी तो आप देख रहे हैं मैं पानी और डाल रहा हूं तो नीचे की तरफ क्या बढ़ता चले जा रहा है, मतलब इसके अंदर जगह है। और वो कहाँ जा रहा होगा, हवा को रिप्लेस कर करके पानी अपनी जगह ले रहा होगा उस वॉइड के अंदर। तो क्या हुआ, जब मैंने इसमें पानी डालना शुरू करा ग्लास के अंदर तो मिट्टी के अंदर कुछ पानी ने जगह ले ली और कुछ जो जगह खाली होगी कुछ एयर रह गया। तो सॉइल अभी आप देख रहे हैं कि क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है, जितना पानी उसमें आ सकता है, कितना और आ सकता है, जितनी यहां पे हवा बची है। जब पूरी तरह से हवा को रिप्लेस करके पानी आ जाएगा तो सॉइल कैसा हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। मैं एक दूसरे डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। ये लीजिए भाई, सॉलिड्स तो उतने ही रहेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन मैंने मान लिया कि जितना पानी इसमें आ सकता था मैंने डाल दिया, और तो उसकी वजह से क्या होगा, जितनी हवा होगी वो निकल जाएगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। तो क्या आ गया, वाटर आ गया, जितना पानी आ सकता था भर दिया। तो सॉइल कैसा हो गया, सैचुरेटेड सॉइल हो गया, जितना आ सकता था भर दिया, सैचुरेट हो गया, सैचुरेटेड सॉइल। ध्यान देने वाली बात, ठीक है। तो भाई यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये रहे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड पहले किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर था, ठीक है, जब इसमें पानी नहीं था। अब इसमें पानी हटा के क्या आ गई है, सॉरी एयर हटा के क्या आ गया है, पानी आ गया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। जो भी इसमें पानी होगा जो उसका वो जो वॉल्यूम होगा। और अब यहाँ पे वेट ऑफ वाटर, क्योंकि पानी का अपना एक वजन होता है। एक ग्लास बोतल की उठा के देखिए, अगर वजन ना लगे तो कोई बात नहीं, मैं जीरो मान लूंगा, बिल्कुल। और ऐसे ही कुछ वेट ऑफ सॉलिड्स भी होगा। तो एक मेरे पास क्या रही, तीन अलग अलग कंडीशंस आ रही हैं। अगर आप ध्यान दें कि एक सॉलिड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपने सिर्फ उतना ही पानी, थोड़ा बहुत पानी भरा हो जितना ज़रूरत आ सकता है उतना ना भरा हो। और मैं मान लेता हूँ एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि उसमें वाटर भी हो और एयर भी हो। तो तीन अलग अलग कंडीशन हो सकती है कि आप बिल्कुल पानी ना हो, नहीं है। ऐसे सॉइल को क्या बोलूँगा, ड्राई सॉइल बोलूँगा, ठीक है। जब जितना पानी आ सकता है आपने भर दिया, सॉइल कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। और थोड़ा बहुत भर दिया तो कैसा है, पार्शली सैचुरेट है, ठीक है। तो मैं इस टाइप की कैटेगरी को क्या बोल रहा हूं, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो मेरे पास आप देखें इसमें कितने फेजेस हैं, सिर्फ दो फेज हैं। इसमें देखें कितने फेजेस हैं, सिर्फ दो फेज हैं। तो ये इनको बोला जाता है टू फेज डायग्राम ऑफ सॉइल। और ये कैसा है, थ्री फेज डायग्राम है। तो बेसिकली हमने यहां क्या समझ लिया, फेज डायग्राम ऑफ सॉइल समझ लिया, जिसमें कि दो टू फेज हो सकते हैं और एक कंडीशन कैसी हो सकती है, थ्री फेज हो सकती है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड वॉल्यूम को शो करेंगे और राइट हैंड साइड वेट को शो करेंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, ये वेट ऑफ सॉलिड होगा, ये वेट ऑफ वाटर होगा, सिर्फ इतना ध्यान दें। क्योंकि बाकी में क्या है, हवा का वेट तो हम क्या लेके चल रहे हैं, जीरो। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना लेता हूं, क्योंकि जो टोटल वॉल्यूम है, अगर मैं ध्यान दूं वीटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। लेकिन वॉइड में तो पानी भी हो सकता है और हवा भी हो सकती है, मतलब ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो सकता है। अब अगर पानी नहीं होगा तो सिर्फ हवा होगी, मतलब ये जीरो हो गया। देख लेते हैं, जैसे कि इस केस में पानी नहीं है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर, जैसे कि मैंने कहा, और वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर हो सकता है। लेकिन पानी है ही नहीं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर है, बिल्कुल। ज्यादा जानते हो, बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ने की। अब देखिए, जहां पे सैचुरेटेड सॉइल है, यहां पे भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर। लेकिन इसमें तो एयर है ही नहीं तो एयर जीरो हो गई। वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप इसको बस, आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, इमेजिन करना है, बात सारी यहाँ पे बन जानी है। बात समझ में आई है कि नहीं, थम्स अप करके मुझे बताएंगे। ध्यान मत दो भाई, डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए, एक फर्स्ट सेकंड फेज, सेकंड फेज, बिल्कुल। गौरव भट्ट जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। गौरव भट्ट जी, मुझे लगता है कि आप उत्तराखंड से हैं, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? जसपाल सिंह जी, थोड़ा ऋतिका जी पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फेज डायग्राम जो है हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसी फेज डायग्राम की मदद से हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं अभी इसमें भी चले आ जाते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और यहाँ पे तो एयर भी है, वाटर भी है, मतलब सही है। वेट के टर्म्स में भी बात कर लें अगर आप चाहें तो, ठीक है। चलिए, वेट के टर्म्स में भी कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ। इसमें वेट क्या होगा, टोटल वेट को WT कह देता हूं, जो कि सॉलिड्स है इसमें, तो वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस एयर है इसमें, तो वेट ऑफ एयर। लेकिन वेट ऑफ एयर तो क्या होता है, कुछ नहीं तो जीरो। तो इस केस में टोटल वेट किसका है, सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड्स का है, ड्राई सॉइल के केस में। अब मैं सैचुरेटेड के केस में आ जाता हूं। सैचुरेटेड के केस में देखूं तो टोटल वेट वेट ऑफ सॉलिड्स की वजह से होना चाहिए और वाटर की वजह से होना चाहिए। पानी का भी वेट होता है, सॉलिड्स का भी वेट होता है, ठीक है। सॉलिड्स क्या है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो ग्रेन्स हैं, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड्स बोल रहा हूँ, WS बोल रहा हूँ। और जैसा कि अगर मैं थ्री फेज डायग्राम में आ जाऊं तो टोटल वेट किसकी वजह से, सॉलिड्स की वजह से, पानी की वजह से और एयर की वजह से, ठीक है। लेकिन एयर का तो वेट होता ही नहीं है, तो वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर की वजह से होगा थ्री फेज डायग्राम के लिए भी। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो कोशिश करिए, ठीक है। तो फेज डायग्राम बिल्कुल क्लियर है, सबको आना चाहिए, सब घर में बैठ के अपने आप से खुद बनाएंगे। एक डायग्राम को अगर आपने बिना देखे 5 बार बना लिया, कोई आपको नहीं रोक सकता एग्जाम के अंदर आपका कंसेप्ट गलत हो जाए, क्योंकि सारी बात यहाँ पे किसकी है, कंसेप्ट की है, ठीक है। बात क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सॉइल का जो मास है, हमने समझ लिया है कि इसमें सॉलिड्स भी हो सकते हैं, इसमें वॉइड भी हो सकते हैं, वॉइड के अंदर एयर भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है, जब भी आप सॉइल के बारे में बात करें तो आप ये ध्यान रखेंगे, आप सॉइल को, मैंने मान लिया ये जो सॉइल है इसके अंदर मैं इसको दबा दिया, जितना दबा सकता था दबा दिया। आपने कहा जो इसके अंदर वॉइड है, खाली जगह है, मैं भर दूंगा। कैसे? दबा दबा के इसके अंदर जो खाली दबा जगह है उसको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इसमें वॉइड्स कभी जीरो नहीं हो सकते। अगर वॉइड्स कभी जीरो नहीं हो सकते तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हुआ तो इसके अंदर जगह हमेशा बनी रहेगी। तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है, वॉइड्स कैन नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकते। अगर वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकते तो ये बात ध्यान रखेंगे, और आगे जो भी हम टर्म्स डेवलप करने वाले हैं उसमें इसका इस्तेमाल होने वाला है। बिल्कुल सुमन सौरभ जी, बिल्कुल आपका सही कहना है। चलिए सनी कुमार सोनी जी कह रहे हैं उनकी पहली क्लास है, बिल्कुल कह रहे हैं कि उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम तो यहाँ पे सभी को वेलकम कर रहे हैं, और मैं भी चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ अच्छा करें अपनी लाइफ में, और अच्छा करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। चलिए तो अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स डिफाइन करने जा रहा हूँ उसी फेज डायग्राम की मदद से। चलिए मैं एक फेज डायग्राम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अभी डेवलप कर लेता हूँ। वाटर और एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर, WT क्या होगा, टोटल वेट, और VT क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मैं पहला जो टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं वो है वाटर कंटेंट। इसी को मॉइस्चर कंटेंट भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अब वाटर कंटेंट क्या होता है? यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि मैंने ये जो फेज डायग्राम बनाया है इसमें जो पानी आ सकता था उतना पानी नहीं है, क्योंकि अभी इसमें एयर बची है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जितना पानी इसमें आ सकता है वो डाल दूँ तो इस, ठीक है, और जब मैं डालूंगा तो इसमें वो एयर ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि बेसिकली इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट कितना है, किसी के रिस्पेक्ट में तो देखूंगा। तो जो वाटर कंटेंट है मैं इसको स्मॉल w से क्या कर रहा हूं, डिनोट कर रहा हूं। वाटर कंटेंट इज नथिंग बट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन द सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स इन द सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जितना भी वेट सॉलिड्स का प्रेजेंट है और जितना भी वेट वाटर का प्रेजेंट है उसको आपको देखना है, और जो भी वेट ऑफ वाटर उसके अंदर होगा इन विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स वो क्या होगा, उसका मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट होगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, क्या मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट किसी सॉइल के अंदर जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप ड्राई सॉइल लेके आएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जीरो होगा ड्राई सॉइल के केस में, जो कि 2 फेज डायग्राम में हमने बनाया था ड्राई सॉइल के लिए, ठीक है। तो यस, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो जीरो के बराबर हो सकता है। क्या मॉइस्चर कंटेंट 100 हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि वो वेट ऑफ सॉलिड्स और वेट, क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर नहीं हो सकते सॉइल के अंदर? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो 100 भी हो सकता है। क्या 100 से ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा हो कि उस ग्लास के अंदर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया, वेट ऑफ वाटर ज़्यादा हो गया। तो इसकी जो रेंज है वाटर कंटेंट की, ठीक है, इट कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0%। ये 0 भी हो सकता है, 0 से कितना ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। बात समझ में आई है? तो वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स, बिल्कुल। तो देख रहा हूँ मैं काफ़ी लोगों को यहाँ पे समझ में आई है। चलिए, अब एक मैं आपको शॉर्ट फार्मूला दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास टोटल वेट हो सॉइल का और मॉइस्चर कंटेंट हो, जो कि मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट निकालना आपने सीख लिया है, आपको डायरेक्टली बताना हो वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है इसमें। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और उसमें बोला कि वेट ऑफ सॉलिड्स बता दो और आपको टोटल वेट दिया गया है और मॉइस्चर कंटेंट दिया गया है, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, डायरेक्टली निकालेंगे कि वेट ऑफ सॉलिड्स इज नथिंग बट टोटल वेट ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। बिल्कुल, ठीक है, ध्यान देने वाली बात। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि यहां पे जो मैंने वाटर कंटेंट निकाला है, वो वाटर कंटेंट आप ध्यान देंगे कि वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स निकाला है। मैं टोटल वेट ऑफ द सॉइल के रिस्पेक्ट में भी तो निकाल सकता था, निकाल देता हूं, उसको मैं W डैश बोल देता हूं। वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल इज नथिंग बट W डैश। ये किसके टर्म्स में निकाल रहा हूं? मॉइस्चर कंटेंट इन टोटल वेट ऑफ द सॉइल के टर्म्स में। लेकिन मैं तब भी इसी का ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं सॉइल के अंदर एक सॉइल ये था, ठीक है, इसमें अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अगर मैं इसमें से पानी निकाल भी लूं तो कम ज्यादा क्या होगा? सिर्फ पानी होगा, सॉइल के सॉलिड्स नहीं होंगे। वेट ऑफ सॉलिड्स का चेंज होगा नहीं होगा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने घटने के साथ, लेकिन अगर इसमें पानी बढ़ा देता हूं तो वेट ऑफ टोटल सॉइल चेंज जरूर हो जाएगा, क्योंकि पानी का भी अपना एक वेट होता है। अगर पानी का अपना एक वेट है तो टोटल वेट ऑफ द सॉइल पानी पड़ने या कम होने के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन वेट ऑफ सॉइल्स कभी भी चेंज नहीं होते वाटर कंटेंट चेंज या मतलब कम या ज्यादा होने के साथ। मतलब वो क्या है? एक फिक्स्ड पैरामीटर है, एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर है, इसलिए मैं डब्ल्यू को ज्यादा सिग्निफिकेंट मानता हूं, मोर सिग्निफिकेंट देन डब्ल्यू डैश। ठीक है, तो इंजीनियरिंग पैरामीटर के हिसाब से W ज़्यादा सिग्निफिकेंट है W डैश के कंपैरिजन में। लेकिन कभी आपको ऐसा हो जाए W डैश गिवन हो और W बताना हो तो क्या करेंगे? उसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला दे देता हूं और वो आपको याद रखना है कि W इज नथिंग बट W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। अगर आपको W डैश की वैल्यू भी पता है तो भी मैं दिक्कत नहीं मानता, मैं W बता सकता हूं क्योंकि W क्या होता है? W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोशिश करिए इसको व्यूज़ जो हमारे हैं, जो हमारे जितने भी दर्शक हैं यहाँ पे, कोशिश करिए कि जो हमारे लाइक्स हैं वो कम से कम 50 हों तो हम लेक्चर को शुरू करें। बिल्कुल, और हमने सर स्क्रीन पर दिखा देंगे। हाँ, तो जैसा कि हमने कल फेज डायग्राम सीखा था, फेज डायग्राम भी हम देखा था, तो कल मैं आपके लिए मैंने फेज डायग्राम आज थोड़ा ग्राफिकली बनवा दिया है। तो देखेंगे कि हमने कल 2 फेज डायग्राम और 3 फेज डायग्राम भी देखा था। तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ड्राई सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल, 3 कंडीशन देखी थी, जिसमें कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो था हमारा 3 फेज कंडीशन में था और ड्राई सॉइल और सैचुरेटेड सॉइल जो था हमारा वो किसमें था? 2 फेज कंडीशन में था। बिल्कुल, चलिए, मैं देख रहा हूँ कुछ लाइक्स की कमी, जैसी लोग कंजूसी कर रहे हैं लाइक्स में। चलिए, कोई बात नहीं, तो कोशिश करेंगे थोड़ा एनर्जी के साथ काम करना है। ठीक है, CBT 2 की तैयारी बहुत एनर्जी के साथ शुरू करनी है, तो कोशिश करते हैं। तो हमारा अब यहाँ ये देखना है कि जो हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, कल हमने वाटर कंटेंट की बात की थी, तो वाटर कंटेंट जो है हमारा क्या था? हमने कल बात की थी, इसको हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोल रहे थे और स्मॉल w से डिनोट कर रहे थे। वो क्या था? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स मल्टीप्लाई बाय 100। और इसकी जो रेंज थी, रेंज की भी हमने बात की थी, जो कि वाटर कंटेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0% कुछ भी हो सकता है। ये भी हमने कल बात कर ली थी। उसके बाद तो जो दूसरी प्रॉपर्टी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, दीपिका खरे जी, ओके, प्रकाश कुमार जी कह रहे हैं कि आज स्टूडियो लगता है दूसरा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वाटर कंटेंट के बाद अब हम वॉइड रेशियो की बात करेंगे। देखिए, वॉइड रेशियो ठीक है। रिकी जी थोड़ा ध्यान देंगे, रितिका जी भी, दीपिका खरे जी बिल्कुल, ऋषि महाजन जी ओके, तो सभी लोग ध्यान देंगे। वॉइड रेशियो जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, ठीक है, वॉइड रेशियो। अब देखिए आप टू फेज डायग्राम में ही चले जाएंगे अगर हम, तो वॉइड टू फेज डायग्राम अगर ड्राई सॉइल का देखें आप, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे वॉइड रेशियो क्या देखना चाह रहे हैं। देखिए हमने इसमें बात भी करी थी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है उसमें अभी क्या है, एयर है ड्राई सॉइल के केस में। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, ठीक है, जो उसमें खाली जगह है, जो वॉइड है, उसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, या क्या रेशियो है वॉइड का उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड रेशियो। तो क्या होगा, मतलब वॉइड रेशियो होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्योंकि हमने ये बात की थी कि सॉलिड्स क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है एक सॉइल का। तो हमने इसको भी यहाँ पे किसके टर्म्स में देखेंगे, हम सॉलिड के टर्म्स में, कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसके टर्म, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड उसमें प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर। और हमने ये भी बात की थी फेज डायग्राम में कि वॉइड्स कैन नेवर बी जीरो, ये भी बात की थी कि वॉइड्स कभी जीरो नहीं हो सकते। अगर वॉइड जीरो नहीं हो सकते तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता तो वॉइड रेशियो भी कभी जीरो नहीं हो सकता। मतलब वॉइड रेशियो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ध्यान देने वाली बात यह है, क्या वॉइड रेशियो 1 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा एक सॉइल के अंदर हो सकता है, इसलिए ये इसकी जो रेंज चले जाएगी वो ग्रेटर देन जीरो चली जाएगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वॉइड रेशियो कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर रहेगी मेरी बात? कह रहे हैं पैरामीटर हो जाएगा आज सर, पीछे देखो पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वॉइड रेशियो की बात हमने करी है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पोरोसिटी की। पोरोसिटी, पोरोसिटी जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए पोरोसिटी क्या है, ठीक है। अब इस डायग्राम को सर लगा दीजिए। चलिए पोरोसिटी की अगर बात करें, देखिए पोरोसिटी आप देखिए कि ये एक सॉइल था हमारे पास, इस सॉइल के अंदर, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, यही हमारा सॉइल था। तो इस सॉइल के अंदर क्या होगा, इस सॉइल के अंदर पार्टिकल्स भी हैं, अंदर वॉइड्स भी हैं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसमें पानी डालता हूँ इस सॉइल के अंदर, तो कितना पानी ये गेन कर लेगा, मतलब उतना ही पानी, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर जा पाएगा जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड परसेंटेज में चेक करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये किसके टर्म्स में चेक करूँगा, उस सॉइल के टर्म्स में। तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पोरोसिटी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जिसको मैंने वीटी से डिनोट किया था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो मुझे पोरोसिटी से ये पता चल जाएगा कि कितना पोरस है ये सॉइल, इसके अंदर कितना पानी या कितना कोई भी फ्लूइड इसके अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। अब मैं बात कर सकता हूं कि मुझे पता है कि वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकते, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि पोरोसिटी भी कभी जीरो नहीं हो सकती। पोरोसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्या पोरोसिटी 100 हो सकती है? चेक करते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, पोरोसिटी 100 कब होगी, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। और क्या कभी टोटल सॉइल मास के बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो गया तो ग्लास कैसा रह जाएगा, खाली रह जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सॉइल के पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे, क्योंकि टोटल जो वॉल्यूम है वो किसका है, सिर्फ वॉइड का है। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए पोरोसिटी 100 भी नहीं हो सकती। मतलब जो पोरोसिटी की रेंज है, पोरोसिटी की जो रेंज है वो 0 से लेके 100 के बीच में ही रहनी चाहिए। मतलब जो एन की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 100 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। सभी लोग इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए अब, लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या है? आपको ये भी पता है कि वॉइड रेशियो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब दोनों में अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूं तो दोनों में से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा होगा, वॉइड रेशियो या पोरोसिटी। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है वॉइड रेशियो होगा, क्यों, क्योंकि इसकी बात भी हमने कल की थी, क्योंकि ये किसके टर्म्स में है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में है। वाटर कंटेंट बढ़ जाए चाहे घट जाए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। मतलब वॉइड रेशियो जो है इज मोर सिग्निफिकेंट फिगर, मोर सिग्निफिकेंट देन पोरोसिटी। बात क्लियर रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल संकल्प जी, वॉइड रेशियो रहेगा। अगर मैं वॉइड रेशियो आपको किसी सॉइल का दे देता हूं और आपसे डायरेक्टली उसकी पोरोसिटी पूछ लेता हूं तो उसको बताने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। कैसे, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास वॉइड रेशियो है कुछ भी 0.6 मान लेते हैं और मेरे से पोरोसिटी पूछी गई है, तो मैं सिंपली बता सकता हूं एक रिलेशन की मदद से N = E1/E/1+E। ठीक है, तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है कि N = E/1+E। तो अगर आप ये याद रखते हैं तो आराम से आप पोरोसिटी वॉइड रेशियो की मदद से उस सॉइल की क्या बता सकते हैं, पोरोसिटी बता सकते हैं। चलिए, एक दूसरा, मैं आपको स्क्रीन पे एक दूसरा फिगर शो कर रहा हूं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखिए ये जो फिगर है इसमें मैंने दो टाइप के सॉइल आपको दिखाए हैं, एक फाइन ग्रेन सॉइल दिखाया है और एक कोर्स ग्रेन सॉइल दिखाया है। फाइन ग्रेन जिसके पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा है, और एक कोर्स ग्रेन सॉइल है जिसके पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है। मैंने एक बराबर कोई एक V वॉल्यूम के दो बॉक्स ले लिए और उसके अंदर एक में फाइन ग्रेन सॉइल डाल दिया और एक में कोर्स ग्रेन सॉइल डाल दिया। अब इस फिगर को देखने पे मुझे पता चल रहा है, मैं यही लेके भी आया हूं आपके लिए। चलिए, तो ये हमारा क्या है, एक कोर्स ग्रेन सॉइल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और ये हमारा क्या है, एक फाइन ग्रेन सॉइल। तो जैसा कि मैंने ग्राफिक की मदद से आपको दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पे, तो ये जो फाइन ग्रेन सॉइल है हमारा ये सैंड हो गया अभी के लिए, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है जिसका पार्टिकल का साइज बड़ा है ये ग्रेवल हो गया। अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि फाइन ग्रेन सॉइल में जो वॉइड है उसका साइज क्या है, छोटा है, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसके जो साइज ऑफ वॉइड है वो क्या है, कंपैरेटिवली बड़ा है। एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये देखने को भी मिल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स किसमें ज्यादा हैं, फाइन ग्रेन में कि कोर्स ग्रेन में। बिल्कुल देखने पे पता चल रहा है कि फाइन ग्रेन में क्या है, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कोर्स ग्रेन सॉइल। दूसरी बात, अगर मैं ये बात करूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड कोर्स ग्रेन में ज्यादा होगा या फाइन ग्रेन में ज्यादा होगा, तो आपको ध्यान देने पे ये पता चलेगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज मोर in coarse grained soil, sorry, fine grained soil than coarse grained soil. क्यों, क्योंकि टोटल जो नंबर ऑफ voids हैं वो किस में ज्यादा है, फाइन ग्रेन में ज्यादा है, किससे, coarse grained से। तो एग्जाम में जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि साइज किसका बड़ा होता है वॉइड में, वॉइड ऑफ जो वॉइड का साइज है वो किस में बड़ा है, वो कोर्स ग्रेन में बड़ा है। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स किस में ज़्यादा है, फाइन ग्रेन में ज़्यादा है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड किस में ज़्यादा है, तो वो भी किस में ज़्यादा है, फाइन ग्रेन में ज़्यादा है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन में ज़्यादा है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी किस में ज़्यादा होगा, फाइन ग्रेन में ज़्यादा होगा। बिल्कुल क्लियर रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पोरोसिटी की हमने बात कर ली है। इसके बाद हम बात करेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है सर, पहला वाला डायग्राम फिर से दिखा देंगे कंप्यूटर जी। चलिए वापस आ जाते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे। अब अगर आप थ्री फेज डायग्राम को देखें, मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप थ्री फेज डायग्राम देखें जिसमें जो कि मैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि कितना पानी आ सकता है, जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, लेकिन अभी पूरी तरह से पानी इसमें नहीं भरा है, क्योंकि अभी कुछ वॉइड में क्या है, एयर है। मतलब जितनी एयर ने वॉल्यूम ले रखी है, अगर मैं उतने में और पानी डाल दूं तो उतना पानी और उस सॉइल के अंदर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो बेसिकली अगर मैं ये पता करना चाहूं कि कितना सैचुरेट हो गया है सॉइल, मतलब कितना पानी उसके अंदर ऑलरेडी डाल दिया गया है, 10% 20% जितना भी आ सकता था उसका 10 20 50% कितना आ गया है, तो मैं ये बता सकता हूं किसकी मदद से, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मदद से। तो ये पानी किस में आ रहा है, वॉइड में आ रहा है, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ वॉइड बताया जाएगा। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में प्रेजेंट है, वही क्या है, उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आप बता सकते हैं। क्या सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉइल के अंदर जीरो हो सकता है, जैसे कि हमारा ड्राई सॉइल के केस में होता है, जैसे कि आप फेज डायग्राम में देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ड्राई सॉइल के केस में जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, जीरो है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर है। तो अगर ड्राई सॉइल की बात करें तो ड्राई सॉइल के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, जीरो होता है। क्या डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 100 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आप सैचुरेटेड सॉइल को देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर हो गया, वॉइड के बराबर हो गया। मतलब सैचुरेटेड सॉइल के केस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा, 100 होगा। और अगर पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है तो उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, मतलब जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो 100 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और उसके बीच में कोई एक वैल्यू भी हो सकता है। बिल्कुल, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मदद से मैं सॉइल को और भी पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकता हूँ, और वो कैसे कर सकता हूँ ये भी देखते हैं। तो इतनी बात समझ में आई है तो मुझे पहले कमेंट करके ज़रूर बताएं, थम्स अप करके मुझे देखने को चाहिए कि आप मेरी जो बात है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि सिविल रॉक्स। बिल्कुल, श्याम सिंह कह रहे हैं वो लेट हो गए, कोई बात नहीं श्याम जी, चलिए। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। अब मैं इस डिग्री ऑफ सैचुरेशन की मदद से सॉइल को कुछ अलग अलग टाइप के से क्लासिफाई करना चाहूँगा। सर थर्ड स्लाइड दिखा देंगे। थर्ड स्लाइड दिखा देंगे कंप्यूटर जी। बिल्कुल, ओके, चलिए इसकी लाइन कुछ गायब हो गई है, मैं बना देता हूँ इसको, हटा दीजिए। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्राफ प्रिपेयर कर रहा हूँ, किसके बीच में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और वाटर कंटेंट के बीच में। ठीक है, मैं मान लेता हूँ भी वाटर कंटेंट जीरो है, वाटर कंटेंट जीरो होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। मैं वाटर कंटेंट कुछ बढ़ाता चला गया, मान लेता हूँ W1 वाटर कंटेंट होगा, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ W1 वाटर कंटेंट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कुछ 25% था, कुछ W2 वाटर कंटेंट पे 50%, कुछ W3 वाटर कंटेंट पे कुछ 75%, और कुछ 100 डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे कुछ W4। चलिए, तो अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो था, वाटर कंटेंट जीरो था, तो सॉइल कैसा होगा, ड्राई होगा। बिल्कुल, तो मैंने क्या करा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो देखते ही बता दिया कि सॉइल किस स्टेट में है, ड्राई स्टेट में है। दूसरा, मैं सेकेंडली भी ट्राई कर सकता हूं। ठीक है, जैसे ही जीरो से कुछ ज्यादा हुआ डिग्री ऑफ सैचुरेशन, लेकिन 25% से कम हुआ, तो उस सॉइल को मैं ह्यूमिड सॉइल कहूंगा। कैसा कहूंगा, ह्यूमिड सॉइल। और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 25 से कुछ 50 के बीच में हुआ तो मैं उसे डैम्प सॉइल कहूंगा। अगर वही डिग्री ऑफ सैचुरेशन 50 से 75 के बीच में हुआ तो मैं उसे मॉइस्ट सॉइल कहूंगा, और अगर वही 75 से 100 के बीच में हुआ तो वेट सॉइल कहूंगा। और जब 100% डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है तो मैं उसी को क्या कह देता हूँ, सैचुरेटेड सॉइल कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ, सैचुरेटेड सॉइल। तो मैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बिहाफ पे सॉइल को क्या कर पा रहा हूँ, क्लासीफाई कर पा रहा हूँ एज ड्राई सॉइल, ह्यूमिड सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, डैम्प सॉइल, वेट सॉइल एंड सैचुरेटेड सॉइल। तो एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ द वाटर कंटेंट या डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ soil is greater than 25% but less than 50%, which type of soil it is, moist, damp, humid, wet, saturated, dry? You can answer कि अगर 25 से 50 के बीच में है तो वो डैम्प सॉइल होगा। बात क्लियर है? बिल्कुल। भूखा प्यासा जी कह रहे हैं सबमर्ज्ड में पूरा डूबा होगा क्या? बिल्कुल, सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ है वो पूरी की पूरी पानी में क्या कर दी है, डुबा दी है, सबमर्ज कर दी है। सही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास समझने के लिए एयर कंटेंट। एयर कंटेंट की भी बात करेंगे हम। एयर कंटेंट को मैं यहाँ पे एसी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। और एसी क्या है, एयर कंटेंट क्या है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर एयर का कितना कंटेंट है। और एयर किस में होगी, वॉइड के अंदर होगी। मतलब मैं ये क्या कह सकता हूँ कि एयर कंटेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100, कि वॉल्यूम ऑफ एयर उस वॉइड के अंदर कितने परसेंट है। यही तो क्या है, एयर कंटेंट है। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अगर वो सॉइल सैचुरेटेड हुआ। सर फेस डायग्राम पहली स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए। पहली स्लाइड दोबारा दिखा देंगे, बिल्कुल। तो देखें सैचुरेटेड सॉइल के केस में आपको वॉल्यूम ऑफ एयर क्या आ रही है, जीरो देखने को मिल रही है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर की क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि एयर कंटेंट की वैल्यू जीरो हो सकती है। क्या एयर कंटेंट की वैल्यू 100 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप ड्राई सॉइल के केस की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एयर कंटेंट 100 भी हो सकता है और 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब ए सी कैन बी इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 100। तो रेंज भी हमें पता है एयर कंटेंट की, बिल्कुल। और आपको एक रिलेशन भी बता रहा हूं याद रखने के लिए कि AC प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल्स टू 1। जैसे जैसे एयर कंटेंट बढ़ेगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कम हो जाएगी, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा उसके अंदर एयर कम होती चली जाएगी। दोनों मिला के ही तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल बनाते हैं। तो 100% क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। मतलब AC प्लस AC इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है और आपसे पूछा जाता है, बताया जाता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन उस सॉइल का कुछ 50% है, तो एयर कंटेंट कितना होगा, बिल्कुल 50% होगा। तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0.5 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 0.5, तभी ये 1 आएगा। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स पे। ये हमारा एयर कंटेंट हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, इसको मैं ईटा ए से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, वहां पे मैं वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के टर्म्स में एयर कंटेंट को क्या कर रहा था, डिनोट कर रहा था। लेकिन यहाँ मैं टोटल सॉइल के टर्म्स में देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर कितनी एयर प्रेजेंट है उस पूरे सॉइल के अंदर। तो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स को मैं क्या कह सकता हूँ, ईटा ए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल। तो ईटा ए इज नथिंग बट VA by VT। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने बात की है क्या वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर अगर टोटल वॉल्यूम के बराबर हो गया सॉइल की तो इस ग्लास के अंदर फिर से क्या बचेगी, सिर्फ हवा बचेगी। मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स कभी भी 100 नहीं हो सकते, लेकिन 0 हो सकते हैं। इसका मतलब ये है जो इसकी रेंज है इट्स कैन बी इक्वल टू 100 ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 100। कभी परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स 100 नहीं हो सकते। ध्यान देने वाली बात ये है। शिवम सोनी जी कह रहे हैं टाइमिंग क्या है क्लास की? बिल्कुल 4 बजे है टाइमिंग क्लास की, ठीक है। आज थोड़ी सी हमारी क्लास टेक्निकल रीजंस के कारण आधा घंटा लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो कोशिश करें कि आप भी टाइम पे बने रहें और हम भी टाइम पे बने रहें, क्योंकि CBT 2 इसी बार क्लियर करना है। चलिए तो इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वेट। सभी लोग यहाँ पे जानते होंगे। सर इसको स्क्रीन से हटा देते हैं। यूनिट वेट की अब बात करते हैं। देखिए यूनिट वेट of soil. अब यहाँ पे हमारे पास कई टाइप के यूनिट वेट हैं, लेकिन सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि यूनिट वेट होता क्या है। इसको पहली बात तो मैं गामा से डिनोट करता हूँ। यूनिट वेट इज नथिंग बट वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं सॉइल का यूनिट वेट बताना चाहता हूँ, मतलब वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। लेकिन यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वेट हैं। मैं सबसे पहले बल्क यूनिट वेट की बात करना चाहूँगा, बल्क यूनिट वेट की बात करना चाहूँगा, जिसको मैं गामा बी से डिनोट करता हूँ। बल्क यूनिट वेट इज नथिंग बट यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। इसका मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग कंडीशन मतलब अगर सॉइल ड्राई कंडीशन में है, किसमें है? ड्राई कंडीशन में है, तो बल्क यूनिट वेट उसका उसके ड्राई यूनिट वेट के बराबर हो जाएगा। अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो उसका बल्क यूनिट वेट उसके सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर हो जाएगा। मतलब जिस भी कंडीशन में वो सॉइल होगा, उसके जो भी उसका तब यूनिट वेट होगा उसके बराबर उसका क्या हो जाएगा? बल्क यूनिट वेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये ड्राई यूनिट वेट क्या है और सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है, ये भी हमें समझना है। तो मैं सेकेंडली आ जाता हूँ किस पे? सबसे पहले ड्राई यूनिट वेट पे आ जाता हूँ, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब जो ड्राई यूनिट वेट की अगर मैं बात करूं तो देखिए यूनिट वेट गामा डी से डिनोट कर देता हूं, डी फॉर ड्राई, ठीक है। गामा डी क्या होगा? वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। लेकिन अगर मैं वेट की बात करूं तो ड्राई कंडीशन में सबसे पहले सर फेज डायग्राम दिखा देंगे। सबसे पहला वाला स्लाइड दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल। तो अगर आप ध्यान दें, इसको नेक्स्ट साइड पे दिखा दीजिए। दूसरी नहीं, पहली वाली दिखा दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ चलिए, या इसको नीचे कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, चलिए। तो टोटल वेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नीचे कर दीजिए इसे, विकास जालन जी। तो सभी लोग बने रहिए ताकि हम आगे बढ़ते रहें। चलिए, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा तो टोटल वेट जो है, ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट है, मतलब ड्राई सॉइल की बात चल रही है, तो इसमें जो वेट है वो किसकी वजह से है? वेट ऑफ सॉलिड की वजह से है और वेट ऑफ एयर की वजह से है। लेकिन वेट ऑफ एयर तो क्या है? जीरो है, हवा का कोई वेट है। अगर आपको चेक करना हो तो हाथ अपना हवा में रखिए और देखिए क्या हवा का कोई वेट महसूस होता है। आपको नहीं होता है तो ज़ीरो कर दीजिए, और होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें कोई वेट महसूस नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका ये है कि टोटल वेट क्या होगा? वेट ऑफ सॉलिड्स की वजह से होगा। और टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर कुछ ना कुछ जगह लेती है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर को जीरो नहीं करना है, बिल्कुल। तो हमें पता है कि अब यहाँ पे वैल्यू गामा डी की हमें कैसे निकालनी है। ऐसे ही मैं बात किसकी करूंगा? सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात करना चाहूंगा। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा सैचुरेटेड बोल देता हूं उसमें, गामा सैट, ठीक है। तो गामा सैचुरेटेड भी अगेन क्या होगा? वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। लेकिन टोटल वेट सैचुरेटेड कंडीशन का फेज डायग्राम आप अगर देखें तो यहाँ पे टोटल वेट वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर की वजह से है, और जो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर की वजह से है। और वेट ऑफ वाटर जीरो नहीं होगा क्योंकि पानी का अपना एक वजन होता है। एक गिलास पानी का उठा के देख लीजिए, अगर वजन लगे तो लगा दीजिए और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि टोटल वेट यहाँ पे सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा सैचुरेटेड के अलावा सबमर्ज यूनिट वेट की भी। सबमर्ज कंडीशन किसे कहते हैं? सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है, इसको गामा सब कह देता हूं, ठीक है। कहीं कहीं पे इसे गामा डैश भी कहा जाता है, तो गामा सब या फिर गामा डैश भी कह सकते हैं। सबमर्ज कंडीशन क्या है, जैसे आप नदी को देखिए, नदी के नीचे क्या है, सॉइल प्रेजेंट है, वो सॉइल उसमें क्या है, सबमर्ज्ड है, ठीक है। या एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें एक मग डाल दीजिए या एक पत्थर डाल दीजिए, पत्थर डाल देंगे बाल्टी के अंदर, वो पत्थर जाके नीचे बैठ जाएगा। अब वो पत्थर क्या है, सबमर्ज कंडीशन में है, पूरी तरह से पानी में क्या है, डूब चुका है। तो यही सबमर्ज यूनिट वेट, अगर कोई सॉइल है सबमर्ज कंडीशन में है तो उसका सबमर्ज गामा सब जो होगा वो होगा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा ऑफ वाटर, मतलब सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि सर यूनिट, ये फेज डायग्राम हटा दीजिए, चलिए। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट की भी बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट वेट की बात भी और करना चाहूँगा, और वो है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स गामा एस बोल देते हैं हम इसे। मतलब कि देखिए, हम ये जानते हैं कि वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर बढ़ जाए चाहे घट जाए, एक क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो क्या है, वो है उसके सॉइल के सॉलिड्स। तो सॉइल सॉलिड्स हम जानते हैं सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट पैरामीटर है, तो उसके हिसाब से भी हमने क्या निकाल लिया, उस पर्टिकुलर सॉइल का यूनिट वेट निकाल लिया। मतलब गामा सॉलिड्स क्या होगा, गामा सॉलिड्स होगा वेट ऑफ सॉलिड्स इन द सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। और यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसकी वजह से होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब उस वॉइड के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, चलिए ठीक है। तो गामा वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो हमें क्या पता चल जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स पता चल जाएगा। अब कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये तो हमने देख लिया कि कितने टाइप के यूनिट वेट्स हैं और उनको कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन कभी कभी हमें उसके सिग्निफिकेंस के हिसाब से उसको अरेंज करने के लिए भी बोल देता है एग्जाम के अंदर। संकल्प जी कह रहे हैं सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, बोर्ड का थोड़ा सा लेट से इरेज करें। देखिए सर संकल्प जी, सिलेबस भी पूरा करना है और आपके पास तो घर में इतना टाइम है, आप आराम से बैठ के उसको वीडियो को 4 बार भी देखेंगे, आपके पास वीडियो अवेलेबल है 24 आवर्स, बल्कि मैं तो कहूँगा 365 दिन अवेलेबल है। आप आराम से बैठ के क्या कर सकते हैं, मैं बहुत धीरे नहीं चल सकता क्योंकि सभी के लिए कोर्स भी पूरा कराना है। चलिए ठीक है संकल्प जी। शिवम सोनी जी कह रहे हैं वीटी को शुभ, भाई सॉलिड्स की बात कर रहे हैं ना, सॉलिड्स का यूनिट वेट निकालना चाह रहे हैं, तो वॉल्यूम में सिर्फ किसका ले रहे हैं, सॉलिड्स का ले रहे हैं, इस वजह से। चलिए ठीक, हाँ ठीक है। तो मैं हायरार्की की बात करने जा रहा था, सिग्निफिकेंस की बात करने जा रहा था कि कौन सा यूनिट वेट सबसे ज़्यादा यूनिट वेट सबसे सिग्निफिकेंट है, उसको अरेंज कर देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो गामा ऑफ किसका, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स का है। उसके बाद जो सिग्निफिकेंट है वो है गामा सैचुरेटेड, उसके बाद जो सिग्निफिकेंट है वो है गामा बल्क, उसके बाद जो सिग्निफिकेंट है वो है आपका गामा ड्राई, और लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो है गामा डैश, मतलब जिसे हम गामा सबमर्ज्ड भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में इसको अरेंज करने के लिए बोल देता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो कि हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो सारे यूनिट वेट की हम बात कर चुके हैं, जो भी आपसे निकालने के लिए बोलता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करें तो वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सभी लोग जानते हैं, 9, 10, 11, 12 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे होंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास ऑफ गिवन वॉल्यूम, किसी एक गिवन वॉल्यूम का सॉइल मास डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल, और स्टैंडर्ड मटेरियल यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम मतलब जितना वॉल्यूम आपने सॉइल लिया है उतना ही वॉल्यूम आपको क्या लेना है, वाटर लेना है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, किसी भी सॉइल का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना चाह रहा हूं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मेरे पास दो टाइप का है और मैं पहले टाइप के स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करना चाहूँगा जो कि है बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको मैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे मैं अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देता हूँ। अपेरेंट के अलावा मैं इसे एक नाम से और भी बुलाता था, मास स्पेसिफिक, हाँ मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये बल्क है, ये अपेरेंट है, मतलब जितनी एक्चुअल में है ये कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मतलब तो मैं इसे ऐसा करता हूं, जीएम से डिनोट कर देता हूं, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम। तो ये कुछ नहीं है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम इज नथिंग बट यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास। ठीक है, जो भी यूनिट वेट है उस सॉइल मास का। ठीक है, अब वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है, अब वो सैचुरेटेड कंडीशन में है, चाहे वो ड्राई कंडीशन में है या पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में, जिस भी कंडीशन में, क्योंकि बल्क यूनिट वेट कौन सा होता है, एग्जिस्टिंग कंडीशन के हिसाब से वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है अपॉन गामा ऑफ वाटर। सिंपल। ठीक है, जो भी यूनिट वेट ऑफ सॉइल का है डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। लेकिन एक दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है मेरे पास, एक दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है जिसे मैं ट्रू या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलता हूं और इसे मैं जी या फिर जी एस से डिनोट करता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। यहां पे पूरे सॉइल मास के यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास था, जो भी उस पूरे सॉइल मास का यूनिट वेट था हमने वो कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पे मैं यूनिट वेट ऑफ सिर्फ उसके सॉलिड्स का कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्लियर रहेगी बात? तो मेरे को अब दोनों टाइप की क्या पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है। अब मैं इसमें पूछ लूँ कौन सी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, तो आप फिर से वही बात जानते हैं कि जहाँ पे सॉलिड्स का इस्तेमाल हुआ वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और किस में हुआ है, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी में हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है जी एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। बिल्कुल, सभी लोग बताएंगे कि बात समझ में आई है कि नहीं आई है। DID वाइज स्टैंडर्ड मटेरियल, प्लीज़ लाइक कर दे भाई। ऑनलाइन 37 लाइक। स्पेसिफिक ग्रेविटी मास बोथ सेम होता है क्या? बिल्कुल, स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होता है। ठीक है, लेकिन ट्रू या फिर एब्सोल्यूट की बात करें तो वो सॉइल सॉलिड के टर्म्स में है। ये सिर्फ उसके सॉलिड्स की मदद से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये पूरे सॉइल मास को कंसिडर करके कैलकुलेट कर रहा हूं। बिल्कुल, जितेंद्र नाथ जी कह रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? और किसी को कोई प्रॉब्लम? अनम कोहली जी कह रहे हैं सर मैं क्लियर है। रितिका जी, रिकी शर्मा जी कह रहे हैं क्लियर है। ऑल क्लियर। सोम देव जी भी कह रहे हैं क्लियर है। ठीक है, पीयूष शुक्ला जी, जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सारी बातें आपको एग्ज़ाम पर्पस से बता दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद करने हैं। मतलब क्या है, दिल के फॉर्मूले, तो मैंने इनको नाम दिया हुआ है दिल के फॉर्मूले। ठीक है, मतलब कि अगर कोई फार्मूला अभी तक जो पढ़ाया है कोई भी फार्मूला याद हो ना हो, ये ज़रूर होने चाहिए। ये गिन के 11 फार्मूले बता रहा हूँ और रोज़ आपसे पूछूंगा और रोज़ आपको बताने होंगे। क्लियर रहेगी मेरी बात? ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है SE = WG। S क्या है, E क्या है, W क्या है, G क्या है, आप जानते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वॉल्ड रेशियो, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरा फार्मूला है गामा बल्क। ये शॉर्टकट फार्मूले हैं, एग्जाम्स में हमारे काम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो G + SE × γW / 1 + E। थर्ड फार्मूला है गामा डी। ठीक है, गामा डी भाई डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0 होता है, 0 कर दिया तो क्या बचेगा, G γW / 1 + E। गामा सेचुरेटेड, गामा सेट, ठीक है, S की वैल्यू 1 कर दी, क्या होता है, G + E γW / 1 + E। फिफ्थ फार्मूला दिल के फार्मूले में गामा सबमर्ज्ड, G - γW / 1 + E। नेक्स्ट फार्मूला WS = WT / 1 + वाटर कंटेंट। सेवेंथ फार्मूला VS = VT / 1 + E। एट्थ फार्मूला S + AC = 1। नाइन्थ फार्मूला N = E / 1 + E। टेंथ फार्मूला E = N / 1 - N। 11th फार्मूला, कोई बच गया है, हाँ, गामा D = γ बल्क / 1 + वाटर कंटेंट। एक दो और भी लिखवा ही देता हूँ और 12वां लिखवा देते हैं। गामा D = कुछ था 1 - eta A G γW / 1 + E। ये 12 फार्मूले हैं जो कि आपको बाय हार्ट याद रखने हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम रखा है दिल के फार्मूले। तो ये दिल के फार्मूले मैं आपसे रोज़ पूछूंगा और आप मुझे रोज़ बताएंगे, क्योंकि इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल आपके ज़्यादातर 80% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सॉइल के अंदर वो क्लियर कर देंगे। क्लियर रहेगी मेरी बात? दिव्या खरे जी कह रहे हैं कि रितिका जी कहाँ से, यहाँ आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपस में बात करते रहिए। ठीक है, तो ये दिल के फार्मूले हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। S = WG, गामा बल्क = G + SE γW / 1 + E, गामा D = G γW / 1 + E, गामा सेचुरेटेड = मेरे साथ रिपीट करना है आपको, गामा सेचुरेटेड = G + E γW / 1 + E, E = N / 1 - N, N = E / 1 + E, गामा D = γ बल्क / 1 + वाटर कंटेंट, गामा D गामा समर्ज्ड है, मिट गया है, ठीक है, गामा समर्ज्ड = G - 1 γW / 1 + E, WS = WT / 1 + वाटर कंटेंट, VS = VT / 1 + E, S + AC = 1। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। क्लियर रहेगी बात? आनम खोली जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है तो बिल्कुल करना चाहिए आपको। मेरा आरसीसी का क्वेश्चन है टी और रेक्टेंगुलर बीम डिफरेंस क्या है। टी बीम में और रेक्टेंगुलर बीम में डिफरेंस क्या है, शुभम देव जी कह रहे हैं, चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए रेक्टेंगुलर बीम है, उसका क्रॉस सेक्शन ये कुछ है और सामने से आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी, लेकिन टी बीम का क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें तो वो कुछ ये दिखाई देगा और सामने से कैसी दिखाई देगी, ये कुछ ये वाला हिस्सा। ठीक है, और उसकी डिजाइनिंग पूरी मैंने उसमें बताई है आरसीसी में, तो बिल्कुल आपने विजिट किया होगा अगर आप सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे सर आप प्रॉपर्टीज इतना अच्छे से पढ़ाए हैं कि है, बिल्कुल लिखी शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे बात जो करने जा रहा हूँ वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ की बात करने जा रहा हूँ सॉइल की। ये जनरल प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपको हमेशा याद होनी चाहिए थी और आपको याद भी हैं अब। ठीक है, अब हम रोज़ इसके बारे में बात करने वाले हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो ये हमेशा दिल के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टीज, अब ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये समझना बहुत जरूरी है। इंडेक्स प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉइल को आइडेंटिफाई और उसको क्लासिफाई करने में मदद करती हैं कि ये किस टाइप का सॉइल है। तो जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं वो क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब ये इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि वाटर कंटेंट, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनके बारे में हमने अभी बात करी है। ये सारी की सारी क्या है इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, थिक्सोट्रॉपी, सेंसिटिविटी, कोलैप्सिबिलिटी, एक्टिविटी, ये सब क्या हैं इसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक सॉइल को आइडेंटिफाई इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से किया जाता है। तो एक एक करके सबकी बात करेंगे। हमने अभी तक ये बात करी है वाटर कंटेंट क्या होता है, लेकिन ये वाटर कंटेंट कैसे निकाला जाए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके क्या मेथड्स हैं वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के, ये अब हमें सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है और अब हम सीख लेंगे। चलिए पहले सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके। अनम कोहली जी कह रहे हैं थिक्सोट्रॉपी क्या है, बिल्कुल यही अभी तो हम सीखने वाले हैं। बारह वाले में WG होगा या नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल 12 वाला करेक्ट कर लीजिए, एक गलती हो गई है। 1 - η A × G γ W/1 + WG। हाँ चलिए बिल्कुल, किसने पूछा था ये, पीयूष शुक्ला। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले वाटर कंटेंट पे आ जाते हैं। तो वाटर कंटेंट निकालने का जो सबसे पहला तरीका है वो है ओवन ड्राई मेथड। तो फोटोग्राफ दिखा देंगे, 4th स्लाइड पे होगी बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो ये कुछ मैंने आपको ओवन दिखा रखा है, इस ओवन के अंदर सॉइल को, इसके सैंपल्स को पुटअप किया गया है। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक ओवन में जो भी उसका जो वाटर कंटेंट है उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, ओवन की मदद से यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, इसको समझते हैं। फोटोग्राफ को हटा दीजिए सर। चलिए ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करना है, हमें एक कंटेनर ले लिया, हमने खाली कंटेनर ले लिया, उसका वेट W1 निकाल लिया। उसके बाद उसी कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया, एक सॉइल को डाल दिया। अब जो भी सॉइल हम लेके आएंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, हमें नहीं पता कितना कर रहा है, लेकिन हमें निकालना है कि कितना कर रहा होगा। तो हमने उसके अंदर वो सॉइल डाली और उसका वेट दोबारा से कर लिया, कुछ W2 वेट आ गया। अब मैंने इसी सॉइल सैंपल को उठा के जो ओवन मैंने अभी दिखाया था उसके अंदर रख दिया, और कितने टाइम के लिए रख दिया, करीब करीब 24 आवर्स के लिए। और 24 आवर्स के बाद जब मैंने उस सॉइल को निकाला, उस कंटेनर को बाहर निकाला, तो इसमें से सारा का सारा पानी क्या कर गया होगा, इवेपोरेट कर गया होगा। अब इसके अंदर कैसी होगी, ड्राई सॉइल होगी। कैसी होगी, ड्राई सॉइल होगी। और मैं इसका दोबारा से वेट कर लूँगा और वो वेट कितना आ जाएगा, कुछ W3। W3 मेरे पास वेट आ गया ड्राई सॉइल का। अब मुझे क्या करना है, वाटर कंटेंट निकालना है, और वाटर कंटेंट क्या था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर क्या होगा अगर मैं W2 में से W3 निकाल दूं, क्यों, क्योंकि इसमें वेट ऑफ वाटर भी होगा, वेट ऑफ सॉइल भी होगा, वेट ऑफ कंटेनर भी होगा। अब इसमें से सिर्फ क्या कम हुआ है, सिर्फ पानी कम हुआ है, तो जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा, वेट ऑफ वाटर का आएगा। तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, W2 माइनस W3। और मुझे यहाँ पे क्या बताना है, वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होगा अगर मैं W3 में से W1 माइनस कर दूं, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ ड्राई सॉइल है। ड्राई सॉइल का वेट किसकी वजह से होता है, सिर्फ सॉलिड्स की वजह से होता है। तो मतलब अगर मैं W3 में से W1 कंटेनर का वेट भी माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स मल्टीप्लाई बाय 100। और ये क्या आ गया, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया ओवन ड्राइंग मेथड की मदद से। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ओवन है और इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ की कंडीशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी माना जाता है, ठीक है, और कैसा है, लैब मेथड है। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखी जानी है, और ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि अगर आपके सॉइल के अंदर क्या है, जिप्सम प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको जो टेम्परेचर है, ठीक है, अगर उसमें क्या है, जिप्सम है, जिप्सम प्रेजेंट है उस सॉइल के अंदर, तो किसी भी कंडीशन में 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उस टेम्परेचर को नहीं लेके जाना है। और अगर उस सॉइल के अंदर, और एक मिनट, हाँ सही है, ठीक है, और अगर उस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पत्ते पौधे, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो उस केस में जो टेम्परेचर है वो आपको किसी भी कंडीशन में 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं लेके जाना है। और अगर किसी भी टाइप का सॉइल है तो टेम्परेचर किसी भी हालत में नॉट ग्रेटर देन 110 डिग्री होना चाहिए। 110 डिग्री से तो ज़्यादा आप किसी भी सॉइल के लिए नहीं ले जा सकते, फॉर एनी सॉइल, ठीक है। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ इनऑर्गेनिक कह दिया मैंने, इनऑर्गेनिक के केस में 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं कि ये ओवन मेरे पास नहीं था तो मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, और वो दूसरा तरीका है सैंड बाथ मेथड। कौन सा मेथड है, सैंड बाथ मेथड। मैंने इस बार क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड दिखा देंगे। इसको जल्दी से लाइक्स को जो 100 क्रॉस करिए, लाइक्स करने में कंजूसी मत करा करिए, बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको जैसे कि इस फिगर में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो हमने क्या किया है, एक सॉइल का सैंपल लिया है कंटेनर के अंदर और उसे सैंड के ऊपर रख दिया है, क्योंकि फील्ड में मेरे पास क्या नहीं था, ओवन नहीं था, और मैंने फील्ड में खड़ा था मैं, मेरे पास क्या थी, सैंड अवेलेबल थी। एक कंटेनर में मैंने क्या की, सैंड भर दी, और उस सैंड को भरने के बाद उसके ऊपर सॉइल का सैंपल रख दिया, ये ठीक। तो फिर से मैंने वही करना है कि सबसे पहले खाली कंटेनर लेना है, उसका वेट कुछ W1 करना है, फिर उसमें सॉइल डालना है, अगेन इस सैंड के कंटेनर के ऊपर इस कंटेनर को पुट कर देना है, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने कोई एक फर्नेंस लगा दी, ठीक है, आग जल रही है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पे मैं टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएंगे वो ओवन ड्राइंग मेथड के कंपैरिजन में इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन मेरा काम चल सकता है, बस इतना मैं ज़रूर कर सकता हूँ। तो अगेन मैं वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करूँगा कि मेरे पास W2 वेट आ जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर रखूँगा, ड्राई सॉइल मिल जाएगी, W3 आ जाएगा, और अगेन मैं क्या बता सकता हूँ, वाटर कंटेंट बता सकता हूँ, लेकिन इस बार जो रिजल्ट होंगे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होंगे, बिल्कुल। समझने वाली बात यही है। राकेश कुशवाहा जी कह रहे हैं ओवन ड्राइंग मेथड वेरी, चलिए कोई बात नहीं, चलिए स्क्रीन से हटा देंगे सर। वाटर कंटेंट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक और मेथड है जिसको मैं अल्कोहल मेथड कहता हूं। ठीक है, अल्कोहल मेथड में मैंने क्या किया, मेरे पास फील्ड में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर सॉइल डाल दिया, ये कुछ सॉइल मैंने डाल दिया। ठीक है, उस सॉइल को उसमें डालने के बाद मैंने उसमें क्या मिला दी, मिथाइलेटेड स्पिरिट मिला दी। ठीक है, और वो क्या होती है, अल्कोहल होती है। ये मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा देता है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन जैसे ही बढ़ेगा सारा का सारा पानी क्या कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो अगेन मैं वही कंडीशन कर सकता हूँ, एक खाली कंटेनर लिया, उसका वेट W1, फिर उसमें क्या कर दिया, सॉइल रख दिया, उसका वेट W2, उसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट मिला दी, और वो क्या कर जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा देगा, पानी सारा का सारा इवेपोरेट कर जाएगा। इवेपोरेट करने के बाद मुझे फिर अगेन तीसरा वेट मिलेगा W3, और मैं W1, W2, W3 की मदद से फिर से क्या बता सकता हूँ, वाटर कंटेंट बता सकता हूँ, जो कि क्या था, W2 माइनस W3 अपॉन W3 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन ये भी उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि ओवन ड्राइंग मेथड था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में थी, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है या कितना, ये हमें कम्प्लीटली यहाँ पे नहीं पता है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल मेथड के बाद एक और मेथड है हमारे पास, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ये भी बहुत बढ़िया मेथड है, और सबसे बड़ी बात यह है, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि सबसे क्विकेस्ट मेथड फॉर वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा होता है, तो क्विकेस्ट मेथड इसे माना जाता है। तो फोर्थ मेथड है हमारे पास, वो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो मेथड है हमारे पास, ये क्विकेस्ट मेथड टू फाइंड वाटर कंटेंट। होता कुछ नहीं है, सॉइल का कंटेनर लेना है, उसके अंदर सॉइल पुटअप करना है, और अगर सॉइल के अंदर क्या है, उस सॉइल के अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर है मतलब H2O है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड क्या कर जाती है, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। ये कैल्शियम कार्बाइड उसके साथ रिएक्ट करती है और क्या कर जाती कर देती है, उसको इवेपोरेट करा देती है। तो सारी की सारा जो पानी उसके अंदर प्रेजेंट है वो सारा का सारा इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है CaC2 इसके साथ क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, और जब कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो एक गैस रिलीज होती है, जिस गैस को मैं क्या बोलता हूँ, एसिटिलीन गैस। ठीक है, एसिटिलीन गैस रिलीज हो जाती है, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। ठीक है, तो ये एसिटिलीन गैस क्या हो जाती है, इवेपोरेट कर जाती है। उस एसिटिलीन गैस जैसी इवेपोरेट करती है, उसमें वाटर कंटेंट क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। अगेन आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट था, क्योंकि फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन इस कैल्शियम मेथड की सबसे अच्छी बात यही है कि ये क्या है, एक क्विकेस्ट मैथड टू फाइंड वाटर कंटेंट है, क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी बताना चाहते हैं तो आप कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने हिंदी से डिप्लोमा किया है, तो प्लीज हिंदी। अलीगढ़ एक्सप्रेस जी, इससे ज़्यादा हिंदी मुझे आती नहीं है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जितना मैक्सिमम हिंदी मैं आपको बता सकता हूं मैं बता रहा हूं। जो टेक्निकल शब्द है कैल्शियम कार्बाइड, अब उस कैल्शियम कार्बाइड को हिंदी में क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानता, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, एसिटिलीन गैस जो है यहाँ पे C2H2 होती है। ठीक, ध्यान देने वाली बात। इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड है जिसको मैं रेडिएशन मेथड कहता हूँ, फिफ्थ मेथड है मेरे पास रेडिएशन। मतलब रेडिएशन मेथड में क्या करते होंगे, कुछ ना कुछ एक मटेरियल डाल देते होंगे जो क्या करता होगा, रेडिएशंस रिलीज करता होगा। बिल्कुल, तो मैंने क्या किया इस बार, सर स्क्रीन पे दिखा दीजिए, तो एक फोटोग्राफ होगी। लास्ट नहीं, इससे सेकंड, इससे पहले, हाँ इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, दो शाफ्ट जमीन के नीचे दो शाफ्ट हमने आपकी बनाई हैं। एक पहली शाफ्ट में आप देखें तो हमने क्या कर दिया, इसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाल दिया है, ठीक है, जैसे कोबाल्ट 60 मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्या करता है, रेडिएशंस रिलीज करता है। और हम दूसरे होल में क्या डाल रहे हैं, दूसरी शाफ्ट में हम सॉइल का सैंपल डाल रहे हैं। जैसे ही वो रेडिएशंस क्या आती हैं, सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, तो सारा का सारा क्या करने लग जाता है, पानी इवेपोरेट करने लग जाता है, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो वहाँ पे दूसरे में जहाँ पे सॉइल सैंपल है वहीं पे एक डिटेक्टर लगाया जाता है। वो उस एनर्जी के टर्म्स में बता देता है कितनी एनर्जी पानी के साथ कांटेक्ट में आने से रिलीज हो रही है। और जितना ज़्यादा कांटेक्ट होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा। तो वाटर कंटेंट को उस एनर्जी रिलीज़ के टर्म्स में क्या कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, किसमें, रेडिएशन मेथड में, ठीक है। एक मेथड हमारे पास और भी है और वो मेथड कहलाता है इंफ्रारेड मेथड। इंफ्रारेड मेथड, इंफ्रारेड मेथड में हम क्या करते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड मेथड की सबसे खास बात यह है कि ये उस सॉइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एकदम से मॉइस्चर को कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि क्ले। क्ले को अगर आप देखें, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है एकदम से पानी को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जिस ऐसे सॉइल के लिए इंफ्रारेड मेथड का इस्तेमाल किया। इंफ्रारेड मेथड में क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक मैंने क्या कर लिया, एक जगह पे एक बल्ब लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ बल्ब था। इससे क्या होंगी, हीट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स क्या होंगी, रिलीज होंगी। ये सॉइल का सैंपल मैंने यहाँ पे कोई ले लिया, इसमें जाके क्या होंगी, रिएक्ट करने लगेंगे। सर स्क्रीन से हटा देंगे, ये इस पे जाके क्या करने लग जाएंगे, रिएक्ट करने लग जाएंगी। जैसे ही रिएक्ट करेंगे हीट वेव्स, सारा का सारा पानी क्या करने लग जाएगा, इवेपोरेट करने लग जाएगा। सारा का सारा पानी जैसे ही इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करने पे उसका सारा का सारा मॉइस्चर कंटेंट रिलीज हो जाएगा। और मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक मीटर लगा दिया है। ये मीटर मुझे W डैश के टर्म्स में क्या कर देता है, वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। और W डैश मैं जानता हूँ क्या था, कल हमने इस बारे में बात करी थी, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन मुझे तो वाटर कंटेंट किसके टर्म्स में चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी बताई थी आपको कि वाटर कंटेंट क्या होता है, W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। आपके पास W डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आप W की वैल्यू खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलती है वो इन टर्म्स ऑफ टोटल सॉइल मास मिलती है वाटर कंटेंट की, लेकिन मुझे हमेशा इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में चाहिए होती है, जिसको मैं W बोलता हूँ, नहीं ना कि W डैश, ठीक है। तो हमें W के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। क्लियर रहेगी मेरी बात। जसपाल सिंह जी क्या कर रहे हैं, अलीगढ़ जी बहुत ज़्यादा हिंदी की देखिए मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। और मैंने कोशिश यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी में आपको मैं बता सकूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए, और लास्ट मेथड मेरे पास एक और है जिसे मैं पिक्नोमीटर मेथड कहता हूँ। सर लास्ट स्लाइड दिखा देंगे। बिल्कुल, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पिक्नोमीटर मेथड। चलिए पिक्नोमीटर मेथड की बात कर लेते हैं। पिक्नोमीटर मेथड की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक पिक्नोमीटर लिया है जो कि एक एम्प्टी कंटेनर है अभी। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक ड्राई सॉइल को डाल दिया, ठीक नहीं ये ड्राई सॉइल नहीं है, चलिए ठीक है। एक इस ड्राई सॉइल की मैं खुद ही बना देता हूँ आपके लिए, चलिए हटा दीजिए इसे। एक पिग्नोमीटर लिया खाली, उसमें W1 उसका वेट कर लिया। W1 जब मैंने उसका वेट किया, ठीक है, तो मुझे वेट पता चल गया। अब मैं जो सॉइल सैंपल लेके आया हूँ उसके अंदर मुझे क्या करना है, वाटर कंटेंट उसका कैलकुलेट करना है। तो इसी पिग्नोमीटर के अंदर मैंने वही मॉइस्ट सॉइल डाल दिया, ठीक है। जो सॉइल है इसके अंदर कैसा है, मॉइस्ट कंडीशन में है, कुछ ना कुछ उसका क्या है, वाटर कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब मुझे इसी का क्या बताना था, वाटर कंटेंट बताना था। जब मुझे उसका वाटर कंटेंट बताना था तो मैंने क्या किया, अभी मैं इसके सॉइल के सॉलिड्स अलग कर लेता हूं और ये कुछ इसमें वाटर था क्या देता हूं। तो ये कुछ खाली जगह थी, मैंने इसके अंदर भी क्या कर दिया, जितनी खाली जगह थी उसमें भी पानी भर दिया। अब ये पूरा पानी भर गया है वाटर, ठीक। और फिर मैंने इसका भी वेट कर लिया, कुछ W3 आ गया। और लास्ट मैंने उसी पिग्नोमीटर में से सॉइल हटा के पूरा पानी भर दिया। और पूरा पानी भरने के बाद सिर्फ पानी पानी भरा हुआ है और मेरे पास उसका वेट क्या आ गया, W4। तो ये वेट किसका है, एम्प्टी कंटेनर का है। ये वेट किसका है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। ये क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। और ये क्या है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ क्या है, वाटर। अब मेरे पास W1 भी पता है, W2 भी पता है, W3 भी पता है, W4 भी पता है। मैं एक जनरल फार्मूला आपको प्रोवाइड करता हूं, उसकी मदद से आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं किसी भी सॉइल का। W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 ब्रैकेट में G-1 अपॉन G-1 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 G-1 अपॉन G-1 इंटू 100। और आप क्या बता सकते हैं, किसी भी सॉइल का वाटर कंटेंट पिग्नोमीटर मेथड से बता सकते हैं, बिल्कुल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करने वाले हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट की जाए किसी भी सॉइल की, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की थी हमने। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक ही मेथड है और वो है पिग्नोमीटर मेथड। सभी लोग जानते हैं पिग्नोमीटर, स्क्रीन पे आपके मैं डिस्प्ले कर देता हूं पिग्नोमीटर, तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा पिग्नोमीटर। आपके टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दें आपको, चलिए वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा अभी आपके यहीं लाइव चैट में। ओके, तो स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, अब पहली स्लाइड दिखा देंगे, बिल्कुल। तो अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर दिखाई दे रहा है जो कि एक एम्प्टी कंटेनर है, जिसमें मैंने क्या है वो पिग्नोमीटर है। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, एक ड्राई सॉइल डाल दिया, ठीक है। तो दूसरे इमेज पे आ जाएंगे जिसमें मैंने W2 इसको मेंशन किया है। तो आपने इसके अंदर क्या किया, एक एम्प्टी पिग्नोमीटर के अंदर एक ड्राई सॉइल का सैंपल डाल दिया। इस ड्राई सॉइल के सैंपल में इस कंटेनर के अंदर जितनी भी खाली जगह बची है उसमें क्या होगी, एयर होगी। तो मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, जितनी भी रिमेनिंग जगह थी उसमें क्या कर दिया, पानी भर दिया। और फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, इस पिग्नोमीटर को अगेन एम्प्टी करने के बाद फिर से इसको पानी से भर दिया, बस। अब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जानता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देख लेते हैं भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मुझे किसी सॉइल की निकालनी है तो मुझे, मैं जानता हूँ सॉइल का यूनिट वेट बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। और यूनिट वेट को सर स्क्रीन से हटा देंगे इसको, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अगर मैं सॉइल की बात करूं तो वेट ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और यहां पे क्या होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। लेकिन हमने ये भी बात करी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी में कि जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेंगे उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कंसिडर आपको करना है। मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मतलब मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, तो वेट ऑफ सॉइल बाय वेट ऑफ वाटर आपको देखना है। तो आपको निकालना है कि जो आपको मैंने इमेज डिस्प्ले की थी, उसको दोबारा दिखा देंगे कंप्यूटर जी, ठीक है। तो इसमें मुझे वेट ऑफ वाटर कितना है, इसके अंदर जो सॉइल हमने लिया है सैंपल, उसमें वेट ऑफ सॉलिड्स क्या है अगर हम ये निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे जो वेट ऑफ ड्राई सॉइल होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ सॉलिड्स की वजह से होगा। और मुझे क्या करना है, उतने ही वॉल्यूम का जो मैंने वाटर लिया है उतने ही वॉल्यूम का वेट भी पता करना है। तो मैं बता सकता हूँ डायरेक्टली वेट ऑफ वाटर क्या होगा। वेट ऑफ वाटर अगर आप देखें तो वेट ऑफ सॉलिड्स निकाल लेते हैं पहले। वेट ऑफ सॉलिड्स क्या होगा, W2 माइनस W1, क्योंकि अगर मैं W2 में से W1 निकाल दूं तो कंटेनर का वेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सिर्फ किसका आ जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ सॉइल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मुझे वेट ऑफ वाटर निकालना है, तो उसके लिए मैं पहले क्या निकाल लेता हूं, पहले निकाल लेता हूं वेट ऑफ वाटर इन थर्ड कंटेनर। तो थर्ड कंटेनर में वेट ऑफ वाटर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल क्या कर देता हूं, W3 में से W2 माइनस कर देता हूं, तो मेरे को सिर्फ क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा उसके अंदर। और अगर मैं एक चीज़ और निकाल लूँ, वेट ऑफ वाटर इन फोर्थ कंटेनर, तो फोर्थ कंटेनर में कितना पानी है, अगर मैं चौथे कंटेनर में से पहले कंटेनर का वेट माइनस कर दूं तो सिर्फ वेट ऑफ वाटर उसमें कितना है ये पता चल जाएगा, W4 माइनस W1। मतलब मैं ये बता सकता हूं वेट ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉइल, तो कितना हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, वेट जो भी फोर्थ कंटेनर का था वाटर का, फोर्थ कंटेनर में, और उसमें से वेट माइनस कर देता हूँ थर्ड वाले का, तो मतलब क्या हो जाएगा W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2, मतलब ये हो जाएगा, यहाँ आ जाते हैं, W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1, तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर आ गया आपका। और मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी जानता हूँ क्या होती है, ये मैं निकाल चुका हूँ वेट ऑफ सॉइल, तो वेट ऑफ सॉइल क्या था, W2 माइनस W1 अपॉन में वेट ऑफ वाटर मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक नॉर्मल फार्मूला मेरे पास बन चुका है, जो कि क्या है, W1 माइनस W2 बाय W4 माइनस W3 प्लस W2 माइनस W1। बिल्कुल, रंजन कुमार जी कह रहे हैं EAC किसने दिया था इस बार। बिल्कुल, तो अभी तक सभी लोग मैच देखने में ही बिजी हैं मुझे लगता है, तो कोशिश करिए मैच की जगह यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इसी बार एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और जो मैच देखेगा फिर वो मैच ही की तरफ जाएगा। चलिए, तो कोशिश करिए, मैच भी अपनी जगह है और पढ़ाई भी अपनी जगह है। चलिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी अब हमने निकालना सीख लिया है, और वो किससे निकाल रहे हैं, पिक्नोमीटर से। इमेज को हटा देंगे सर। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, यूनिट वेट पे। अब मुझे यूनिट वेट भी कैलकुलेट करना है, थर्ड है मेरे पास यूनिट वेट। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल मुझे निकालना है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालने के भी कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें कि पहला तरीका है कोर कटर मेथड। कोर कटर सर डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे। बिल्कुल, तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये कोर कटर है कुछ हमारे पास, एक सिलेंड्रिकल, आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक सिलेंड्रिकल क्या है, मोल्ड है हमारे पास। ये क्या है, एक कोर कटर कहा जाता है इसे। कोर कटर का जो वॉल्यूम है वो 1000 cc होता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं स्क्रीन से। तो मैंने क्या किया, इस कोर कटर को एक ज़मीन में एक हैमर की मदद से क्या कर दिया, हैमर की मदद से डाल दिया, ठीक है। लेकिन इस कोर कटर को सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी एक लिमिटेशन ये है कि इसे सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, एक हैमर की मदद से इसको एक सरफेस के ज़मीन पे क्या कर दिया, इसको गाड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी सॉइल इस कटर के अंदर चला गया वो कितना होगा, उसका भी वॉल्यूम कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम मुझे पता चल गया, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसमें जो भी सॉइल आया होगा उसको निकाल के वेट कर सकता हूँ। और मैं मान लेता हूँ जो भी सॉइल इसके अंदर वी वॉल्यूम का 1000 सीसी का था उसका वेट कुछ डब्ल्यू आ गया। तो डेंसिटी में जानता हूँ या यूनिट वेट में जानता हूँ क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट आप कर सकते हैं, वॉल्यूम आप जानते हैं कितना है फिक्स, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक सिंपल सा तरीका है कोर कटर, लेकिन इसके लिए लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक कोहेसिव सॉइल्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर नॉन कोहेसिव सॉइल जैसे कि ग्रेवल या फिर सैंड का इस्तेमाल करते हैं, उसका टेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप कोर कटर को ज़मीन से बाहर निकालेंगे वो अपने आप क्या निकल के गिर जाएगी। इसीलिए कोहेसिव सॉइल्स के बीच में कोहेजन होने के कारण वो कोर कटर के अंदर क्या रहेगी, जमी रहेगी। सही है। शुभम बजाज जी कह रहे हैं, अच्छा दानिश आप कही ओके कंप्लीट किए हूँ फिर भी लाइक कर जाता हूँ। दानिश भट्ट जी बिल्कुल, शुभम बजाज जी बिल्कुल, आपकी भी बात का ध्यान रखा जाएगा। तो कोर कटर मेथड मुझे लगता है सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। इसके बाद कोर कटर के बाद मेरे पास एक मेथड और भी है और जिसको मैं कहता हूँ वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड ये मेथड भी काफ़ी अच्छा है। अब इस मेथड की अगर मैं बात करूं तो इस मेथड में क्या करना है, हमने एक सॉइल का सैंपल ले लिया, सर स्क्रीन पे दिखा देंगे, हाँ बिल्कुल। देखिए मैंने एक सॉइल का सैंपल लिया है और क्या किया, उसका वेट निकाल लिया W1 और उसके ऊपर एक पैराफिन वैक्स लगा दिया, ठीक है, उसके ऊपर वैक्सिंग कर दी। अब मैंने जब वैक्स लगा दिया तो वैक्स का वेट भी उसमें जुड़ गया, तो मैंने उसका भी वेट निकाल लिया। तो अब मेरे पास वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वैक्स क्या आ गया, W2 आ गया। इस वैक्स के स्पेसिमेन को मैंने किस में डाल दिया, सॉइल और वैक्स के स्पेसिमेन को पानी में डाल दिया। तो एक कंटेनर था जो कि पूरा तरह से पानी में भरा हुआ था, मैंने उसके अंदर सॉइल के स्पेसिमेन को डाल दिया। तो जितना स्पेस उसके अंदर क्या लेगा वो स्पेसिमेन लेगा, उतना ही पानी वॉल्यूम का निकल के बगल वाले कंटेनर में गिर जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आया, ठीक है स्क्रीन से हटा देते हैं सर, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर इकट्ठा हुआ वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ वैक्स के बराबर। मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ वैक्स। और वैक्स का वॉल्यूम क्या होगा, वैक्स का वॉल्यूम अगर मैं बात करूं, वैक्स के वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वैक्स का वेट, वेट ऑफ वैक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वैक्स या यूनिट वेट ऑफ वैक्स में कह सकता हूँ। वेट ऑफ वैक्स कितना होगा, भाई मेरे पास ये सॉइल का स्पेसिमेन था, इसके ऊपर मैंने वैक्सिंग कर दी थी, तो अगर मैं W2 में से W1 निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ वेट ऑफ वैक्स आ जाएगा। तो W2 माइनस W1 अपॉन यूनिट वेट ऑफ वैक्स क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वैक्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस W2 माइनस W1 अपॉन गामा ऑफ वैक्स। अब मुझे क्या अल्टीमेटली निकालना था, मुझे निकालना था यूनिट वेट ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ सॉइल तो मैं जानता हूँ कितना है, W1 है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी मैं जानता हूँ या सॉइल कितना है, VW माइनस W2 माइनस W1 अपॉन गामा ऑफ वैक्स। बात मुझे लगता है सभी को क्लियर होगी, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। सर मेरा CBT1 आई थिंक गया है, 62 ओनली अटेम्प्ट कर पाया हूँ, चांस है क्या, विकास कुमार जी बिल्कुल चांस है, और चांस है इसीलिए आपको मुझे लगता है कि रेगुलर बेस पे स्टडी करनी चाहिए। बिल्कुल चलिए, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड भी हम समझ चुके हैं कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमें कैसे काम करना है। इसके बाद मेरे पास एक और भी अच्छा मेथड है जिसे मैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड बोलता हूँ। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को भी समझने की कोशिश करेंगे। sand replacement method. चलिए मुझे काफ़ी थम्स अप देखने को मिल रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं हम, हमें निकालना था यूनिट वेट, तो मुझे उस सॉइल का वेट और वॉल्यूम दोनों पता चल जाए तो मैं अगेन क्या निकाल सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सिलेंडर मोल्ड होता है मेरे पास, उस मोल्ड में ये कुछ मैंने यहाँ पे सॉइल भर दिया और ये ज़मीन पे कुछ एक पिट एक्सकवेट करने के बाद इस पिट के ऊपर मैंने इस सिलेंडर के स्पेसिमेन को पुटअप कर दिया। जब मैं यहाँ से ये हीप खोल दूंगा, ये शटर है मेरा एक, इस शटर को जैसे ही मैं ओपन करूँगा यहाँ का सॉइल निकल के इस पिट में भर जाएगा और मैं यहाँ की वॉल्यूम पहले से मान लेते हैं वी जानता हूँ। जितना भी वॉल्यूम में यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, जितना भी वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो गया होगा, यहाँ पे फिल हो गया होगा। जितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल यहाँ पे फिल हुआ, मुझे पता चल गया कि इस पिट के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ सॉइल गया और मैंने क्या करा, इसमें से वही सॉइल निकालने के बाद उसका वेट भी कर लिया। वेट मुझे पता चल गया, वॉल्यूम मुझे यहाँ से पता चल गई कि इस पिट में कितना वॉल्यूम आया सॉइल का। अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिट वेट बता सकता हूँ। तो बहुत सिंपल से तरीके हैं। इस मेथड का ये फ़ायदा है कि ये मेथड सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो दो मेथड्स की हमने बात करी वो दोनों के दोनों मेथड्स किसके लिए इस्तेमाल हो रहे थे, कोहेसिव सॉइल के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बात समझ रहे हैं, फील्ड डेंसिटी एंड ड्राई, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप डेंसिटी भी निकाल, भाई आप यूनिट वेट क्या है, यूनिट वेट और डेंसिटी के बीच में सभी लोग यहाँ पे डिफरेंस समझते होंगे कि भाई यहाँ पे यूनिट वेट और डेंसिटी के बीच में कोई खास अंतर नहीं है, सब जानते हैं। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम एंड यूनिट वेट इज वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट और मास का ही डिफरेंस है बस, और कोई खास डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल चलिए आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, फोर इंडेक्स प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं और वो हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ प्रॉपर्टी है इंडेक्स प्रॉपर्टी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर करें तो पार्टिकल की साइज़ की मदद से भी हम सॉइल को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। शुरुआत में जब हमने सॉइल शुरू करी थी तो सभी लोग ने देखा था कि हमने वहाँ पे एजेंसी ऑफ फॉर्मेशन की कौन सा फिजिकल या केमिकल पैरामीटर वहाँ पे इन्वॉल्व था, उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन करी थी, एलुवियल सॉइल, क्लोवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, बेंटोनॉइड सॉइल। अब यहाँ पे हम साइज़ के हिसाब से क्या करना चाह रहे हैं, सॉइल को क्लासीफाई करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक कोर्स ग्रेन सॉइल में और एक फाइन ग्रेन सॉइल में। इस कोर्स ग्रेन सॉइल में मैं इसे दो और क्लासिफिकेशन में करता हूं, एक ग्रेवल एक सैंड। यहां फाइन ग्रेन सॉइल में भी मैं इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर रहा हूं, एक सिल्ट और एक क्ले में। लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने साइज़ की बात नहीं की है, तो साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेवल का जो साइज़ है वो 80 mm से लेके 4.75 mm तक वेरी करता है। अगर साइज़ 4.75 mm से लेके 75 माइक्रोमीटर तक मूव करता है तो मैं उसे सैंड की कैटेगरी में डाल देता हूँ। अगर मैं इसे mm में मेंशन करूँ तो ये हो गया 0.075 mm, बिल्कुल ठीक है। और अगर साइज 75 माइक्रोन से भी नीचे चला जाता है, 75 माइक्रोन से भी नीचे चला जाता है और कहाँ तक 2 माइक्रोन तक चला जाता है तो ये कौन सा सॉइल होगा, सिल्ट होगा। और अगर साइज लेस देन 2 माइक्रोन से भी नीचे चला जाता है तो वो क्या कहलाएगा, क्ले कहलाएगा। तो मैंने पार्टिकल के साइज के हिसाब से उसका क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है सॉइल का। अगर मैं 2 माइक्रोन को भी कन्वर्ट कर देता हूँ 0.002 माइक्रोन मीटर। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सभी लोग याद रखेंगे कि 1 mm इक्वल्स टू 10³ माइक्रोन मीटर, या फिर मैं कह सकता हूँ 1 माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू 10³ -3 mm। ठीक है, तो कन्वर्जन सभी को याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस अदर यूनिट में दे दिया जाता है और आधे लोग इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको यूनिट का कन्वर्जन नहीं आता। बिल्कुल। नेक्स्ट मूव करते हैं कि अब मुझे क्या करना है, ये कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल में मुझे इसका क्या करना है, ग्रेडेशन करना है। तो ग्रेडेशन करने के लिए सबसे पहले मैं किस में चले जाता हूँ, कोर्स ग्रेन सॉइल में चले जाता हूँ। तो कोर्स ग्रेन सॉइल में मैं आगे बढ़ता हूँ। कोर्स ग्रेन सॉइल, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए मैं सबसे पहली बात करता हूँ सीव एनालिसिस। लेकिन ये सीव एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये भी दो टाइप का है, एक कोर सीविंग और एक फाइन सीविंग। ठीक है, अगर मैं कोर सीविंग की बात करूं तो ये कोर सीविंग मैं ग्रेवल के लिए करता हूं और फाइन सीविंग मैं सैंड के लिए करता हूं। यहाँ पे मैं सीविंग भी जो कर रहा हूँ दो पार्ट्स में कर रहा हूँ, एक कोर सीविंग कर रहा हूँ और एक फाइन सीविंग कर रहा हूँ। अब ये सीविंग बेसिकली मैं बात करूँ तो ग्रेवल का साइज मैं जानता हूँ, जो ग्रेवल का जो साइज है वो किसके बीच में वेरी कर रहा है, 80 mm से लेके 4.75 mm के बीच में कर रहा है। तो ये सीविंग करनी कैसे है, मैंने क्या किया, सीव जिसको हम हिंदी में छन्नी भी बोलते हैं, तो मैंने क्या किया डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीव्स को अरेंज कर लिया। ठीक है, अब किस किस साइज़ की सीव इस्तेमाल करनी है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, 80 mm, 40 mm, 20 mm, देन 10 mm, देन 4.75 mm। ठीक है, तो ये सीव्स मैंने ले ली और इसके ऊपर एक कोई सॉइल का सैंपल ले लिया, मैं मान लेता हूँ वो सॉइल सैंपल मैंने क्या 100 ग्राम का लिया। इस 100 ग्राम का सैंपल जब मैंने इसके ऊपर रखा और मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसे शेक कर रहा हूँ फॉर अबाउट 10 मिनट्स। बिल्कुल 10 मिनट याद रखना है ये, कि 10 मिनट के लिए मुझे क्या करनी है, उसकी सेविंग करनी है। और जब मैं क्या करूँगा, मैंने मान लिया कि उसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और वो क्या कर जाएंगे, जो 80 mm से छोटे होंगे वो पास कर जाएंगे 80 mm की सीव को, जो 40 से छोटे होंगे वो उसको पास कर जाएंगे, 20 से छोटे होंगे वो उसको पास कर जाएंगे, और जो 10 से छोटे होंगे वो उसको भी पास कर जाएंगे। मैंने मान लिया कि 20 ग्राम किस पे रिटेन हो गए, 80 mm की सीव पे रिटेन हो गए, किसमें से, 100 ग्राम में से। अगर 20 ग्राम रिटेन हो गए मतलब 80 ग्राम क्या हो गए होंगे, पास हो गए होंगे। अगर मुझे परसेंटेज फाइनर निकालना है, ठीक है, परसेंटेज फाइनर में परसेंटेज n से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर मुझे परसेंटेज फाइनर देखना है तो मैं परसेंटेज फाइनर कैसे निकालूंगा, वेट ऑफ soil retained by total weight of soil। ठीक है, percentage weight of retain। ठीक, तो मैंने देखा कि भाई 20 retain हुआ divided by 100 मल्टीप्लाई, तो 20 निकला। ठीक है, लेकिन मुझे इसको किसमें से माइनस करना है, 100 में से माइनस भी करना है। तो अब ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। इस 80% का क्या मतलब है ये मुझे समझना है। जो मेरा परसेंटेज फाइनल आया है वो कितना आया, 80% आया है। इसका मतलब ये है कि जो भी सॉइल का सैंपल मैं 100 ग्राम का लेके आया था, उस 100 ग्राम के सैंपल में से 80% पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनका साइज़ क्या है, 80 mm से छोटा है। बात समझने की कोशिश करेंगे कि मैं चाहे कोर्स सेविंग कर रहा हूँ चाहे फाइन सेविंग कर रहा हूँ, उसमें से मैं 100 ग्राम का सैंपल लेके आया और उसमें से ये मुझे देखने को मिला। परसेंटेज फाइनल कितना आया 80%, मतलब कि 80 mm की सीव से 80% ऐसे पार्टिकल्स हैं जो क्या हो जा रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। सिर्फ 20% पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं। तो 20% रिटेन हो रहे हैं मतलब 80% ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि उससे क्या है, छोटे हैं, उस पर्टिकुलर साइज से फाइन हैं। क्लियर रहेगी बात। गुलजार अली जी ईद मुबारक जी, और आप लेट हो गए हैं कोई बात नहीं। शैलेंद्र तिवारी जी हेलो। शुभम बजाज जी कह रहे हैं यूनिट कन्वर्जन का, बिल्कुल यूनिट कन्वर्जन का भी कोई एक अलग से लेक्चर बना देंगे, लेकिन यूनिट कन्वर्जन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीज़ है, ये सभी को आनी चाहिए। गौरव भट्ट जी कह रहे हैं सर एक कन्फ्यूज़न है, जहाँ तक मुझे लगता है कि 4.75 से अबव कोर्स और 4.75 से नीचे फाइन, थोड़ा क्लियर कर दें। बिल्कुल 4.75 mm से ऊपर रहेगा तो बिल्कुल कोर्स रहेगी, और उससे छोटा रहेगा तो मैं उसे फाइन सेविंग कहूँगा, ठीक है। लेकिन 4.75 mm देखिए, ग्रेवल का साइज़ मैंने कहा 4.75 mm तक जाता है, लेकिन सैंड की अगर मैं बात करूं तो सैंड का जो साइज़ है वो 4.75 से लेके 75 माइक्रोमीटर तक जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीविंग में कोर्स और फाइन में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे फाइन सॉइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइन सीविंग की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम बजाज जी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप यूनिट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो शायद ऐसा हो कि एग्ज़ाम के अंदर आता हुआ क्वेश्चन भी आपको छोड़ना पड़े, इसलिए यूनिट कन्वर्जन पे बहुत ध्यान देंगे। जब मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन कुछ लेके आऊँगा जिसमें यूनिट कन्वर्जन का यूज़ होगा, तो वहाँ पर इस टॉपिक को हम साथ में भी कवर कर लेंगे। चलिए सौरभ घोषाल जी हेलो। नेक्स्ट मूव करते हैं सीविंग की जो मैं बात कर रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस सॉइल को आप क्या कर रहे हैं, जिसकी सीविंग करना चाहते हैं, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो। बिल्कुल, तो जिसकी भी मैंने सीविंग करी, इफ सॉइल कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, अगर सॉइल के अंदर किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर आपको एक केमिकल मिलाना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो रिमूव करने के लिए आप उसमें मिला सकते हैं H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। लेकिन साथ में ऐसा भी हो सकता है कि जब आप सीविंग करेंगे, सीविंग किसकी कर रहे हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल की कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है उस सॉइल के अंदर सिल्ट या फिर क्ले प्रेजेंट हो। इफ सिल्ट एंड क्ले प्रेजेंट then washing of soil is done, और इसको wet sieving भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको पानी के प्रेजेंस में लेके आएंगे तो सिल्ट एंड क्ले क्या कर लेते हैं, एकदम से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो पानी की मदद से क्या किए जा सकते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं। क्योंकि हमें जो यहाँ पे सीविंग करनी है वो सिर्फ एक कोर्स ग्रेन सॉइल की करनी है, जो कि ग्रेवल या फिर सैंड है। क्लियर रहेगी बात। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ, शुभम देव जी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें ड्रॉ करेंगे। अभी हम यहाँ पे जो है वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उसके बाद उसका कर्व भी ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने सीविंग करी है ये सिर्फ किसके लिए करी थी, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए की थी। लेकिन अगर मैं फाइन ग्रेन सॉइल की बात करूँ, किसकी, फाइन ग्रेन सॉइल की, तो फाइन ग्रेन सॉइल में जो आपको एनालिसिस करना है वो किसकी मदद से, वहाँ पे हम सीव एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो अब ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैसे किया जाए, सवाल ये बनता है। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस में फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कर रहा हूँ, मतलब 75 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर तक के सॉइल की फॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत, ये जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ये स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है ये भी समझना पड़ेगा। तो स्टोक्स लॉ की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोक्स लॉ जो है वो ये कहता है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है, सेटलिंग सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल। कि किसी भी पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर उस पार्टिकल की जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो उसके शेप और साइज पे क्या करती है? डिपेंड करती है। टेक्नोवर्ड जी क्लास जो है आपकी रोज 4 बजे से होती है तो थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो शेप एंड साइज साथ में मास पे भी डिपेंड करती है। तो शेप, साइज एंड मास ऑफ द पार्टिकल पे स्टोक्स लॉ कहता है कि उसकी सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करती है। और साथ में ये भी कहता है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी है किसी भी पार्टिकल की वो g-1 इंटू गामा डब्लू डी स्क्वायर बाय म्यू 18 म्यू, ठीक है। म्यू यहाँ पे क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। डी क्या है? साइज ऑफ द पार्टिकल है। और जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। वी एस इज सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर रहेगी बात। अब ये सेटलिंग वेलोसिटी ये तो कहता है, लेकिन साथ में दो अजम्पशन लेता है। दो अजम्पशन क्या लेता है? अजम्पशन लेता है कि जो भी इसमें सेटलिंग हो रही है वो किसमें हो रही है? एक इनफाइनाइट मीडियम में हो रही है, इनफाइनाइट मीडियम में हो रही है, इनफाइनाइट मीडियम सेटलिंग हो रही है। लेकिन जैसा कि आप देखें जब मैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस करूंगा अभी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये जो मैं सेडिमेंटेशन करूंगा किसी ना किसी कंटेनर के अंदर करूंगा जिसके एक फाइनाइट डायमेंशंस होंगी। तो मतलब ये अजम्पशन क्या है? कुछ गलत है। दूसरी बात, ये अजम्पशन एक और भी लेता है और कहता है इनफाइनाइट सेटलिंग हो गई, ठीक है। साथ में ये भी कहता है कि जो शेप ऑफ पार्टिकल है, शेप ऑफ पार्टिकल जो है इज स्पेरिकल। तो ये दो अजम्पशन लेता है लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसी के कारण ये इसकी क्या बन जाती हैं? लिमिटेशंस बन जाती हैं। तो मैं लिमिटेशंस की भी बात कर लेता हूँ। लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। भाई पहली लिमिटेशन तो ये हो जाती है कि जो मीडियम है वो इनफाइनाइट ना हो के क्या है? फाइनाइट है, बिल्कुल। तो अजम्पशंस और लिमिटेशंस बिल्कुल याद रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में यही आपसे पूछ लिया जाएगा, बिल्कुल। तो पहली लिमिटेशन ये बन जाती है कि मीडियम इज फाइनाइट, और जो कि आपने अजम्पशन कैसा लिया था? इनफाइनाइट का लिया था। दूसरा वो बोलता है कि शेप जो पार्टिकल का था वो स्पेरिकल था, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो शेप ऑफ द पार्टिकल एक्चुअली में स्पेरिकल ना हो के कैसा होता है? फ्लेकी इन नेचर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं लिमिटेशन ये है कि शेप ऑफ पार्टिकल इज फ्लेकी, ठीक है। तो फ्लेकी पार्टिकल है। और साथ में एक लास्ट लिमिटेशन ये है कि ये मान के चलता है कि अजम्पशन कि यहाँ पे जो सेटलिंग होगी, सेटलिंग कैसी होगी? डिस्क्रीट सेटलिंग होगी, डिस्क्रीट सेटलिंग। ये डिस्क्रीट सेटलिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैं अगर क्या ले लेता हूँ? एक कंटेनर ले लेता हूँ, उस कंटेनर के अंदर क्या डाल देता हूँ? पानी भर देता हूँ। पानी भरने के बाद उसमें कुछ सॉइल डालता हूँ तो उसमें हर पार्टिकली इंडिविजुअली सेट करेगा। मतलब हर पार्टिकल अपने आप अलग अलग क्या हो रहा है? सेटल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सेटलिंग जो होती है वो कैसी होती है? एग्रीगेट। कुछ एक साथ पार्टिकल इकट्ठे होके साथ में क्या करते हैं? सेटल करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि एक लिमिटेशन और बन जाती है यहाँ पे, सेटलिंग जो है, सेटलिंग इज एग्रीगेट, ठीक है। जो इकट्ठे सेटलिंग होती है मैं उसे क्या बोलता हूँ? एग्रीगेट सेटलिंग बोलता हूँ। तो ये भी उसकी क्या बन जाती है? लिमिटेशन बन जाती है। अभी तक के टॉपिक में जिसको कोई भी डाउट होगा वो ज़रूर पूछें, वरना मुझे थम्स अप करके बताएं ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। एक लिमिटेशन हमारी और भी बचती है, उस लिमिटेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टोक्स लॉ है वो 0.2 mm से लेके 2 माइक्रोन 0.2 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स के लिए ही क्या होता है, वैलिड होता है। 0.2 माइक्रोन से लेके 0.2 माइक्रोन मीटर तक के पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड होता है। तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि अगर ये कहता है इससे बड़ा साइज़ का पार्टिकल होता है तो वो किसमें, अंडर ग्रेविटी सेटलमेंट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका अपना एक वेट होगा। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, उसका वेट बढ़ेगा और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा। और अगर इस पर्टिकुलर साइज़ से क्या होता है, साइज़ छोटा होता है, तो उसका अपना वेट एग्जिस्टेंस में नहीं होगा और वो ब्राउनियन मोशन में क्या करेगा, मूव करेगा। बिल्कुल, तो वहाँ पे आपका स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होगा और आप सेडिमेंटेशन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टोक्स लॉ किस पे बेस्ड, सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस पे बेस्ड है, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। इसीलिए अगर इससे बड़ा साइज़ का पार्टिकल है तो ग्रेविटी में के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, और अगर छोटा है 0.2 माइक्रोन मीटर से तो ब्राउनियन मोशन में आ जाएगा। तब हमें कोई दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर हमें सॉइल का पार्टिकल का साइज़ 0.2 माइक्रोन से छोटा है। तो स्टोक्स लॉ के लिए बिल्कुल याद रखना है कि स्टोक्स लॉ 0.2 mm से लेके 0.2 माइक्रोन मीटर तक के लिए ही सिर्फ क्या करना है, इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, चलिए, तो मैं देख पा रहा हूँ सभी लोगों को क्लियर है। अब ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस दो मेथड से किया जाता है। पहले मेथड की बात करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इस सेडिमेंटेशन एनालिसिस को आप एक पिपेट मेथड और एक दूसरा हाइड्रोमीटर मेथड से कर सकते हैं। दो मेथड है मेरे पास, एक पिपेट मेथड है और एक हाइड्रोमीटर मेथड है। अब इन दोनों मेथड से बेसिकली कैसे मूव करना है, तो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ सर। हाँ, यही वाला, ठीक है, इसको दिखा देंगे सर स्क्रीन पे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि एक पिपेट है, इसको साइड में कर दीजिए सर। दिव्या खरेजी कह रहे हैं जिगजैग मोशन फॉलो कम लगेगा इस साइज लेस देन पॉइंट। रिकी शर्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल, तो जिगजैग मोशन में मूव करने लगेगा रिकी जी, क्योंकि जैसे कि आप देखिए अभी कभी कभी आप ध्यान देते होंगे कि आप खिड़की से रोशनदान से अपने देखते होंगे, कमरे के रोशनदान से, वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई देते होंगे, धूप में दिखते हैं सिर्फ। तो वो जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो किस में है, ब्राउनियन मोशन में है, क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज़ इतना छोटा है कि वो हमेशा सस्पेंशन में रह जाते हैं, ठीक है। नरेंद्र जी कह रहे हैं कि आज तक सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हाइड्रोमीटर का नहीं समझ में आया। बिल्कुल, आज समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अमित कुमार शर्मा जी कह रहे हैं नहीं 2 माइक्रोन से नीचे है। अमित कह रहे हैं नहीं 0.2 माइक्रोन। अमित कुमार जी 0.2 माइक्रोन, 2 माइक्रोन से छोटा तो वैसे भी क्ले का साइज़ का पार्टिकल है, ठीक है। क्ले के साइज़ का पार्टिकल जो है वो ब्राउनिंग मोशन में नहीं होता, 0.2 माइक्रोन से मैं कह रहा हूँ नीचे, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिए, तो ये पिपेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पिपेट में आप देखिए मैंने क्या करा, एक फ्लास्क लिया है, उसके अंदर 1 लीटर पानी डाला हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके अंदर एक पिपेट डालने के बाद उसमें से 10 ml क्या कर लिया, उसमें से सक आउट कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा 10 ml का सोल्यूशन खींच लिया, लेकिन जो सोल्यूशन है इसमें मैंने कुछ टोटल जो बनाया है 1000 ml का जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है इसमें कुछ सॉइल के पार्टिकल्स भी क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। और मिक्स करने के बाद उसमें पिपेट डाल के मैं उसमें से 10 ml सॉल्यूशन क्या कर ले रहा हूँ, निकाल ले रहा हूँ। जब मैंने उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाला, बिल्कुल देखते हैं, ठीक है, पिपेट मेथड में आ जाते हैं। तो जब मैंने इस फ्लास्क के अंदर पिपेट को डाला था, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये पानी था, इसमें कुछ सॉइल के पार्टिकल्स भी होंगे। तो मैंने क्या किया, एक डेप्थ सेट कर ली HE 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 10 सेंटीमीटर कि डेप्थ में मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग टाइम इंटरवल पे मैं मान लेता हूँ जैसे ये सॉल्यूशन बनाया मैंने कुछ टी वन टाइम पे कुछ इसमें से 10 ml का सॉल्यूशन निकाल लिया। उस 10 ml के सॉल्यूशन को, बिल्कुल अमित कुमार जी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक, उस 10 ml के सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 10 ml के सॉल्यूशन में से कुछ ना कुछ मुझे क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे सॉइल के, ठीक है। तो और फिर मैं जब T2 टाइम पे क्या करूंगा, फिर से 10 ml सॉल्यूशन निकालूंगा, कुछ मैं मान लेता हूं 10 सेकंड के बाद फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं, 10 सेकंड, मैंने 10 सेकंड के बाद मैंने मान लिया। तो उस टाइम तक क्या क्या होगा कि इसमें कुछ जो पार्टिकल्स होंगे वो तब तक सेटल हो रहे होंगे, जितना बड़े साइज का पार्टिकल होगा वो उतनी जल्दी क्या कर रहा होगा, सेटल कर रहा होगा, क्योंकि सेटलिंग वेलोसिटी मास ऑफ द पार्टिकल पे और साइज ऑफ द पार्टिकल पे क्या करती है, डिपेंड करती है। इसीलिए जब मैं अगर यहाँ पे ध्यान दूंगा तो 10 सेकेंड के बाद कुछ पार्टिकल ऑलरेडी सेटल कर गए होंगे, जो छोटे साइज का पार्टिकल होगा वो तब मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने T2 टाइम पे भी कुछ 10 ml निकाला और कुछ D2 साइज का पार्टिकल मुझे मिलेगा, यहाँ पे क्या मिला था, कुछ D1 साइज का पार्टिकल मिला था। तो मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मुझे वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी उस पार्टिकल की देखनी है तो मैं ये वेलोसिटी क्या होती है भाई, मैं जानता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो मैंने सेट कर लिया ना HE, और टाइम ये रहा जो T1 टाइम था, ठीक। तो मैं जानता हूँ कि सेटलिंग वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी HE बाय T की मदद से, लेकिन साथ में ये तो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है, और स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ ये कहता है कि Vs की जो वैल्यू है, सर इसको हटा देंगे स्क्रीन से, ठीक है, Vs की जो वैल्यू है वो तो G-1 गामा W D² / 18 म्यू होती है। इसका मतलब ये है कि भाई ये HE जो है बाई T, ये G-1 गामा W D² / 18 म्यू के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ये वैल्यू मुझे नोन है, ये मुझे पता है, गामा डब्ल्यू मुझे सॉइल सॉल्यूशन का पता होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी, डायनामिक विस्कोसिटी पता होगी, तो मैं साइज ऑफ द पार्टिकल D निकाल सकता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा, D की बात अगर मैं करूँ तो D क्या हो जाएगा, √18 μ/G-1 इंटू गामा डब्ल्यू HE/T। मतलब D की वैल्यू अगर मैं शॉर्ट में कर दूं तो मैं इस पूरे एक सेक्शन को क्या मान लेता हूं, K मान लेता हूं, K √HE/T हो जाएगी। अब मुझे साइज ऑफ द पार्टिकल क्या है, ऑलरेडी नोन हो गया है, लेकिन मैं परसेंटेज फाइनर भी निकालना चाहता हूं। परसेंटेज फाइनर भी मैं निकाल लूंगा, क्योंकि जो मैंने सॉल्यूशन इसमें से 10 ml का निकाला था, 10 ml सॉल्यूशन निकाला था, इसमें से मुझे कुछ, जब मैं इसको क्या कर दूंगा, ओवन में रखूंगा, तो इसमें से सारा का सारा पानी 10 ml में से इवेपोरेट कर जाएगा और कुछ सॉइल के सॉलिड्स मिलेंगे। मैं उस वेट ऑफ सॉलिड्स को MD बोल देता हूँ और इसको VP, वॉल्यूम ऑफ पिपेट, 10 ml फिक्स है। यहाँ पे भी मैंने कुछ जो सॉइल इसमें मिलाया था, कुछ M मैं मान लेता हूँ मास का मिलाया था, उस टोटल जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम मैं कुछ V मान लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा परसेंटेज फाइनल, क्योंकि परसेंटेज फाइनल यहाँ पे क्या होगा, MD/VP / M/V × 100। सिंपल। अब मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज फाइनर और उस साइज ऑफ पार्टिकल पे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो सॉल्यूशन मैंने निकाला था उसका परसेंटेज फाइनर ये आया, और जो भी सॉल्यूशन मैंने निकाला था, जिस टाइम पे निकाला था, वो उस टाइम के हिसाब से मैंने उसका साइज़ भी निकाल लिया है। तो साइज़ और परसेंटेज फाइनर के बीच में मैं क्या बना सकता हूँ, एक ग्राफ बना सकता हूँ, और उसी ग्राफ को मैं क्या बोलता हूँ, या उस कर्व को मैं क्या बोलता हूँ, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलता हूँ, जिसकी मदद से मैं उस सॉइल का क्या कर सकता हूँ, ग्रेडेशन कर सकता हूँ। तो ग्रेडेशन ऑफ सॉइल किसकी मदद से करूँगा, मैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की मदद से करूँगा, और वो कर्व किसके बीच में बनाऊँगा, परसेंटेज फाइनर और साइज ऑफ द पार्टिकल के बीच में बनाऊँगा। अभी के लिए परसेंटेज फाइनर और साइज ऑफ द पार्टिकल मैंने पिपेट मेथड से कैसे निकाला, ये मैं असाइड रख देता हूँ और हाइड्रोमीटर मेथड को समझता हूँ। जब हाइड्रोमीटर मेथड को भी समझ लेंगे तो दोनों की मदद से क्या कर लेंगे, उस कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर रहेगी बात सभी लोग? अपनी प्रेजेंस को शो करें और मुझे बताएं कि पिपेट मेथड बात समझ में आई है कि नहीं, ताकि मैं हाइड्रोमीटर मेथड में आगे बढ़ सकूं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से डेलिकेट हैं। साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहें। न्यू इवेंट जी कह रहे हैं ऐसे 89/5। अच्छा मैच चल रहा है यहाँ भी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, मैच भी चलना चाहिए साथ साथ। विजय गुप्ता जी का आ चुका है, रितिका जी का भी आ चुका है, दीपिका खरे जी का भी आ चुका है, रिक्की शर्मा जी का। मैं देखता हूँ ये चार जो लोग हैं बड़े अटेंटिव रहते हैं, बहुत सिंसियर रहते हैं और इनसे काफ़ी अच्छी मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ एग्ज़ाम में, जैसे कि रितिका जी हैं, दीपिका जी हैं, रिक्की जी हैं, उमेश जी भी हैं, अंशुल पाल जी तो अभी आए भी थे हमारे स्टूडियो में, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अंशुल पाल जी भी। और मैं तो चाहूँगा कि अंशुल पाल जी दोबारा भी स्टूडियो में आए। संकेत हाय संकेत जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हाइड्रोमीटर मेथड। हाइड्रोमीटर मेथड की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको हाइड्रोमीटर स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, आपको हाइड्रोमीटर स्क्रीन पे दिखा देते हैं। चलिए तो हाइड्रोमीटर जैसे आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा इमेज को ऊपर करेंगे सर, हल्का सा ऊपर। और थोड़ा सा सुरभि घोषाल जी कह रहे हैं नॉट क्लियर कोर्स यू स्पीक इन हिंदी स्पीक ऑन इंग्लिश। प्रकाश जी इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती है, देखिए मैं सही बात आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा आज मैं नया आया हूँ। संकेत जी बिल्कुल आपका वेलकम है, संकेत जी नया आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोमीटर मेथड की बात करें, देखिए आपको स्क्रीन पे मैं एक हाइड्रोमीटर शो कर रहा हूँ। ये एक जार है, जार के अंदर मैंने क्या लगाया हुआ है, एक हाइड्रोमीटर लगाया है। इस जार के अंदर मैंने एक सॉइल सोल्यूशन बनाया हुआ है, एक पानी लिया, पानी के अंदर कुछ सॉइल के पार्टिकल्स बनाए हैं, उस पार्टिकल्स में सॉइल सस्पेंशन में है और मैंने उसमें एक हाइड्रोमीटर डाल दिया है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो जो हाइड्रोमीटर है उस हाइड्रोमीटर की आप रीडिंग्स देखें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। तो हाइड्रोमीटर की जो रीडिंग्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ होती हैं, मतलब टॉप मोस्ट जो पोजीशन पे आपको जो रीडिंग मिलेगी वो क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे वो वैल्यू क्या रहती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। तो मैं कह देता हूँ रीडिंग इंक्रीजेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँ तो हाइड्रोमीटर एक ऐसा मीटर है जिसकी मदद से आप किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेंसिटी निकालने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी के इस्तेमाल की मदद से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे अपना मेन मुद्दा, जो कि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, सेटलिंग वेलोसिटी या फिर साइज ऑफ द पार्टिकल। साइज ऑफ द पार्टिकल निकालने के लिए फिर मेरे पास यही वो जार था। इस जार के अंदर मैंने क्या किया, वही एक बार मैंने क्या करी, HE डेप्थ 10 सेंटीमीटर पे कुछ हाइड्रोमीटर को अंदर डाला। मुझे हाइड्रोमीटर ने कुछ एक रीडिंग दे दी, मैंने उसको RH बोल दिया, ठीक है, उस रीडिंग को मैंने RH बोल दिया। और जो मैंने रीडिंग ली कितनी डेप्थ पे ली, फॉर एग्जांपल पहले मैं मान लेता हूँ कुछ 10 सेंटीमीटर की डेप्थ पे ली किसी T1 टाइम पे, फिर मैंने किसी दूसरी डेप्थ पे 20 सेंटीमीटर की डेप्थ पे ली कुछ T2 टाइम पे। पिछली बार पिपेट मेथड में वो डेप्थ क्या थी, फिक्स थी, इस बार फिक्स नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डेप्थ भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार डेप्थ फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं फिर से अलग अलग सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकता हूं, क्योंकि वो HE/T होता है। लेकिन ये भी स्टोक्स लॉ पे आधारित है, जिसका मतलब G-1 इंटू γW d² / 18μ। इसका मतलब दोनों का इस्तेमाल करके मैं d का वैल्यू कितना निकाल सकता हूँ, K/√HE/T, जो कि अभी हमने निकाली थी। तो साइज तो मुझे पता चल गया सर, स्क्रीन से हटा देंगे इसको। अब साइज तो मुझे पता चल गया, ठीक है, लेकिन मुझे परसेंटेज फाइंडर भी निकालना है। और परसेंटेज फाइंडर के लिए मेरे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने आपके लिए तैयार किया है, जो कि क्या है, RH जो वैल्यू आपको हाइड्रोमीटर प्रोवाइड करता है उस RH वैल्यू का आपको इस्तेमाल करना है RH बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय G माइनस 1 होल अपॉन M बाय V मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो जो RH वैल्यू आपको मिली थी किससे? हाइड्रोमीटर से मिली थी। उस RH वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखना है आपको और आपको सीधे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? परसेंटेज फाइनल मिल जाएगा। यहाँ पे कैपिटल एम क्या है? जो भी मास ऑफ सॉलिड आपने सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन इसके अंदर था उसमें प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉइल, ठीक है। वी क्या है? जो भी वॉल्यूम का सॉल्यूशन आपने इसमें बनाया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक। और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का तरीका भी आप पहले सीख चुके हैं। साथ में आर एच क्या है? रीडिंग ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की जो भी वैल्यू आएगी आप परसेंटेज फाइनर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब आपके पास परसेंटेज फाइनर फिर से आ चुका है और साइज ऑफ द पार्टिकल फिर से आप कैलकुलेट करना जानते हैं, तो इसके बीच में आप फिर से क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को पिपेट मेथड में भी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब दोनों ही मेथड से हम समझ चुके हैं कि परसेंटेज फाइनर कैसे निकालना है और साथ में कैसे साइज ऑफ द पार्टिकल निकालना है, और इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे? सॉइल का ग्रेड डिसाइड कर लेंगे और ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल कर लेंगे। बात समझ में आई है नरेंद्र जी? नवीन प्रसाद जी गुड आफ्टरनून। यूपी का भी पेपर आने वाला है वाईफाई जी, वाईफाई कोटा स्टडी, अच्छा तो बिल्कुल आने वाला है। एग्जैक्ट कोई डेट नहीं आई है अभी, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको जवाब दे दिया जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नरेंद्र जी बताएंगे पहले तो मुझे, बिल्कुल इनको समझ में आ चुका है आज, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। इनको आज तक नहीं समझ में आया है तो आज समझ में आ गया है, तो यही बहुत एक अच्छी बात है। अब मैं इसकी मदद से क्या बनाना चाहता हूँ? एक कर्व बनाना चाहता हूँ, किसके बीच में? परसेंटेज फाइनर, परसेंटेज फाइनर और डी साइज ऑफ पार्टिकल के बीच में, और इन दोनों के बीच में जो कर्व बनता है उस कर्व को क्या बोलता हूं मैं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलता हूं। लेकिन इस कर्व को बनाने का मकसद क्या है? मैं कोई भी चीज़ बनाता हूं उसके पीछे मेरा कोई ना कोई एक मकसद होता है, और इसको बनाने का मेरा मकसद ये है, क्या है? फॉर ग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो मैं सॉइल का ग्रेडेशन करने के लिए, उसका ग्रेड बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहा हूं, बिल्कुल। विकास जलन जी कह रहे हैं वॉल्यूम कितना होगा? 1000 ml, ठीक है। जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था वो 1000 ml का बनाया था, तो डिपेंड करता है आप कितने ml का सॉल्यूशन बनाते हैं। चलिए मैं आपके लिए अब कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, क्लास है कि किसी की क्लास है? चलिए, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, अब इस कर्व को बनाना है, ठीक है। तो मैं कर्व बनाने के लिए आपके लिए कोशिश करता हूँ। इसमें एक्स एक्सिस पे मैं क्या रखूँगा? इस पे मैं रखूँगा पार्टिकल साइज, एक्स एक्सिस पे क्या रखूँगा? पार्टिकल साइज रखूँगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या रखूँगा? वाई एक्सिस पे रखूँगा परसेंटेज फाइनर। अब वो परसेंटेज फाइनर तो 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी, 60 भी, 70 भी, 80 भी, 90 भी और 100% भी हो सकता है परसेंटेज फाइनल। साथ में यहाँ पे जो मैं साइज ऑफ द पार्टिकल रखूँगा वो मैं लॉग टेबल पे रखूँगा। किस पे रखूँगा? लॉग पे रखूँगा। ध्यान देने वाली बात, क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल का साइज है हम जानते हैं 2 माइक्रोन, 3 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, माइक्रोन से लेके mm तक की बड़ी वैल्यू तक जा रहा है, और इतने बड़े वेरिएशन को मुझे एक छोटे से ग्राफ में दिखाने के लिए किस पे स्टडी करना पड़ेगा? लॉग पे करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि मैं किसी लॉग पे काम कर रहा हूँ। क्लियर रही बात? अब मैंने उसके बाद क्या किया, मैंने इस ग्राफ को दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लिया, एक कोर्स सॉइल के लिए और एक फाइन सॉइल के लिए, क्योंकि कोर्स सॉइल और फाइन सॉइल के लिए चाहे वो कोर्स सॉइल ग्रेवल या फिर सैंड दोनों में से कुछ भी हो सकती है, और ये सिल्ट या फिर क्ले में से कोई भी हो सकती है। तो मैंने मान लिया कि ये ग्राफ कुछ ये बन के आया या ये बन के आया या कुछ ये बन के आया। अब मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं बेसिकली हुआ क्या। आप अगर देखें तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, ये और ये। साइज का वेरिएशन कुछ ये आ रहा है, ठीक है, V1 कह देता हूं, थोड़ा सा ये नीचे हो जा रहा है, ये कुछ वेरिएशन आ रहा है, मैं इसको कुछ V1 कह देता हूं। लेकिन इस ग्राफ में देखूं तो वेरिएशन जो आ रहा है ये कुछ ज़्यादा बड़ा वेरिएशन आ रहा है, और वो कितना है? V2। और यहाँ पे अगर देखूँ तो जो वेरिएशन है ये कुछ V1 आ रहा है और ये कुछ V2 आ रहा है। चलिए मैं V3 V4 नाम दे देता हूँ, लेकिन बीच का एक साइज़ क्या हो रहा है? मिस हो जा रहा है। मतलब मैं एक चीज़ ये देख पा रहा हूँ कि एक सॉइल ये है जिसमें ग्रेडेशन बहुत छोटा है, मतलब लगभग एक ही साइज के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। एक सॉइल जिसको मैं V1 कहा, मैंने वेरिएशन बहुत क्या था? छोटा था। लेकिन V2 में अगर देखूं तो वेरिएशन ऑफ साइज क्या था? बहुत ज़्यादा था, मतलब ज़्यादा साइज के पार्टिकल क्या थे? प्रेजेंट थे। साथ में अगर मैं V3 V4 वाली कैटेगरी में बात करूं तो इसमें एक साइज रेंज प्रेजेंट थी, उसके बाद एक पर्टिकुलर साइज रेंज बीच में से गायब थी, और फिर एक साइज रेंज मुझे क्या थी? मिल गई थी। मतलब ये जो टाइप का सॉइल है जिसका ये कर्व बना है, इस कर्व की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होगा? गैप ग्रेडेड सॉइल होगा, गैप ग्रेडेड सॉइल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर साइज रेंज बीच में से क्या है? गैप है, गायब है। लेकिन अगर मैं V2 कैटेगरी की बात करूं जिसका कर्व काफ़ी ज़्यादा फैल के बन रहा है, इसमें लगभग हर साइज़ के पार्टिकल क्या है? प्रेजेंट है। अगर हर साइज़ के पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो मैं इसे क्या कह सकता हूं? वेल ग्रेडेड सॉइल कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? वेल ग्रेडेड सॉइल। और जिसमें लगभग हर साइज़ के ना प्रेजेंट होके सिर्फ एक ही साइज़ के पार्टिकल प्रेजेंट हों, उस टाइप के सॉइल को मैं क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। क्या बोलूँगा? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। साथ में कभी कभी इसे पुअरली ग्रेडेड सॉइल भी कह दिया जाता है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। अब ये पुअरली, हमने ये ग्रेडेशन क्यों की? सवाल ये भी एक बहुत अच्छा बनता है कि मैं ये वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड सॉइल क्यों ग्रेडेशन क्यों करना चाहता हूँ? तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे, लेकिन पहले इतनी बात समझ में आई है कि नहीं मुझे ये ज़रूर बताएं। सर मैं आपके ऑफलाइन वीडियोस देखता हूँ, सर RCC एंड सर्वे टू गुड, वेरी हेल्पफुल। ठीक है संकेत जी, सर आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? आपका एस्टिमेशन क्लास देखा, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, तो बात सभी लोगों को समझ में आई होगी कि वेल ग्रेडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, पुअरली ग्रेडेड का मतलब यहाँ पे क्या है, और गैप ग्रेडेड का मतलब क्या है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बात समझ में आई है कि नहीं। विजय गुप्ता जी को समझ में आ गई है, नरेंद्र जी को भी, रितिका जी को भी, उमेश वर्मा जी को भी आ गई है, ठीक है, भानुप्रिया जी को भी। तो ग्रेडेशन ऑफ सॉइल की हमने बात कर ली है, और लास्ट आज के लिए हम बात करेंगे दो टर्म्स की जो कि इस ग्रेडेशन ऑफ द सॉइल से ही निकल के आते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो कि एक है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। सभी लोगों को समझ में, इस कर्व को ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्या, ठीक है। हाँ, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कह सकते हैं भाई, ग्रेन और पार्टिकल एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह लीजिए चाहे ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कह लीजिए, बात एक ही है, समझ के सोमदेव जी। चलिए इस लाइक को जल्दी 50 क्रॉस कर दीजिए लेक्चर खत्म होने तक। चलिए पहला है कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी CU, जो कि एक फॉर्मूला है, मैं दे देता हूं आपको D60/D10, ठीक है। D60/D10 का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये कर्व था मेरे पास, इसको मैंने D परसेंटेज फाइनर और साइज के हिसाब से बनाया था। मैं मान लेता हूं कि ये 60% पे जो मेरा ग्राफ बना था 60% फाइनर, वो किस साइज के लिए 60% फाइनल आया था, कुछ इस D साइज के लिए। तो ये कौन सा साइज होगा, D60 साइज होगा। कि भाई ये पर्टिकुलर वो साइज है, मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, कि 3 mm कि एक जो वो सॉइल है उस सॉइल के अंदर 60% पार्टिकल ऐसे हैं जो 3 mm के साइज से क्या है, छोटे हैं। तो D60 जो है वो कितना है यहाँ पे अभी के लिए, 3 mm है, क्योंकि 3 mm से 60% पार्टिकल उस सॉइल सैंपल के अंदर छोटे हैं, ठीक है। तो मुझे D60 का मतलब ये है कि वो पार्टिकल साइज चाहिए जिससे क्या है 60% पार्टिकल छोटे हैं। D10 मतलब 10% वाले का चाहिए, 10% वाले का मैं मान लेता हूँ कुछ ये देखने को मिला, ठीक। अब मैं ये CU मुझे बताता क्या है, CU रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स पार्टिकल size range in the soil, ठीक है। पार्टिकल साइज रेंज बताता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, ठीक है, पार्टिकल साइज रेंज क्या है। अब इस CU की वैल्यू की मदद से आप सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार ग्राफ नहीं बना सकते। तो आपको मैं एक पैरामीटर दे रहा हूं, उस पैरामीटर की मदद से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि सॉइल का ग्रेडेशन क्या है। अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर लेस देन 2 है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 है तो वो सॉइल जो होगा वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होगा। अगर इस CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो गई, अगर इस CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो गई तो यही सॉइल वेल ग्रेडेड सैंड होगा। और इसी CU की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4 हो गई तो यही वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा। लेकिन सिर्फ CU बताने के लिए काफ़ी नहीं है, अगर CU की वैल्यू आपको मिल जाती है तो साथ में आपको CC की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी आप एक सॉइल की जो ग्रेडेशन है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले ये भी देख लेते हैं कि CC क्या है। CC है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, CC, ठीक है, जो कि CC हमारा जो है वो है D30² / D60 × D10। पहली बात एक मैं आपको और भी बता देता हूं कि जितने भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे 10 में से 5 एग्ज़ाम ऐसे होंगे जिसमें अगर ग्रेडेशन की बात की जाएगी तो CU एंड CC से सवाल बन के आएगा ही आएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर रखनी है। अब CC मुझे क्या बताता है, जैसे ये पार्टिकल साइज रेंज बताता है, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी बता दिया, ओके, कर्वेचर, गलती हो जाती है कभी कभी। चलिए, तो कर्वेचर, भाई नाम में लिखा है कर्वेचर मतलब शेप बताता होगा। इट रिप्रेजेंट शेप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये पार्टिकल साइज रेंज बताता है, ये शेप ऑफ पार्टिकल बताता है, ठीक है, फॉर्मूला मुझे पता है। अब इस CC की वैल्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो CC की वैल्यू अगर पे मैं ध्यान दूं तो CC की वैल्यू होने के लिए अगर CC की वैल्यू 1 और 3 के बीच में लाई करती है तो सॉइल कैसा होगा, वेल ग्रेडेड होगा। बट अब CC की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाती है या फिर ग्रेटर देन 3 हो जाती है तो जो सॉइल होगा वो गैप ग्रेडेड होगा, कैसा होगा, गैप ग्रेडेड। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, फॉर सॉइल टू बी वेल ग्रेडेड, सॉइल टू बी वेल ग्रेडेड, अगर आप चाहते हैं कि सॉइल कैसा हो, वेल ग्रेडेड हो, तो CC एंड CU बोथ शुड बी सेटिस्फाइड, शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, CU और CC दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी का CU सेटिस्फाई हो रहा है, CC नहीं हो रहा, तो या तो यूनिफॉर्मली या ग्रेडेड गैप ग्रेड होगा। आप चेक करेंगे CU और CC की वैल्यू। लेकिन अगर वो वेल ग्रेडेड है तो CU और CC दोनों सेटिस्फाई होंगे, तभी वो सॉइल वेल ग्रेडेड हो सकता है। क्लियर रहेगी बात। राजेश कुमार जी का पहला दिन है, वेलकम है आपका। शुभम जी कह रहे हैं D10 का मतलब फिर से बता दें, नरेंद्र जी का भी यही सवाल है। चलिए ठीक है, बता देते हैं। पहले ये बता दें CU और CC में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सर आपने एस्टीमेट के कितने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं? संजीव कुमार जी, एस्टीमेट के 9 लेक्चर्स हैं और 2 क्वेश्चन सेशंस हैं, मतलब इन टोटल 11 लेक्चर्स आपके अपलोडेड हैं। आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। CU 6 आ गया होगा, बिल्कुल। तो अगर CU 6 ग्रेटर देन 6 आ गया, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 6, 6 नहीं 6 से बड़ा है, तब वेल ग्रेडेड सैंड है। अगर 4 से बड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं 5.9 आया, तो मतलब वो 4 से बड़ा है, 6 से बड़ा नहीं है, तो वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल हुआ। ठीक है, तो D10 का मतलब एक बार आपको लास्ट और बता दें। चलिए भैया, आपके पास ये ग्राफ था, यही था। यहाँ पे आपने परसेंटेज फाइनल लिया था, यहाँ पे आपने साइज लिया था। मैं मान लेता हूँ कि वो 10% पे ये वो कोई साइज आया था 2 mm, ठीक। और मैं मान लेता हूँ ये 60% के लिए आया था, ये कुछ साइज आया था, ये कुछ आया साइज आपका 1 mm, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ D10, 10% फाइनल, परसेंटेज फाइनल, ठीक है। तो 10% किस पे आ रहा है? 2 mm के साइज पे आ रहा है। अगर 2 साइज के पे आ रहा है तो मतलब ये है कि उस सॉइल के अंदर 10% ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 2 mm से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये बहुत समझने की बात है कि D10 का मतलब ये है कि D10 जिस भी पर्टिकुलर साइज के लिए आएगा, उस पर्टिकुलर साइज से 10% ऐसे पार्टिकल होंगे जो क्या होंगे, छोटे होंगे। अगर यही 2 mm किसने पे आता, 60% पे आता, तो मतलब ये मुझे ये पता चल जाता कि उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर सिर्फ उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर 60% ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 2 mm से क्या है, छोटा है। क्लियर रही बात। अब क्योंकि देखिए हम कर क्यों रहे हैं इसको, कर इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतने बड़े सॉइल है, इतनी सारी सॉइल है। मैं एक बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, मैं कम से कम 10 ट्रक सॉइल लेके आऊँगा। अब मुझे अगर उसका साइज़ पता करना है, उसका ग्रेड पता करना है, तो ऐसा तो मैं करूँगा नहीं कि एक एक सॉइल का पार्टिकल अलग अलग उठा के देखूँ। अच्छा जी ये 5 mm का, ठीक, ये 75 माइक्रॉन का, ठीक, ये 2 माइक्रॉन का है, रख दो भाई, ठीक है, अलग अलग करते। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना रहा हूँ, एक ग्रेडेशन कर रहा हूँ, ताकि मैं एक एवरेज तरीके से देख पाऊँ कि उसमें मेजर पार्टिकल का साइज़ क्या है, वो वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है। क्योंकि मैं उसी ग्रेडेशन के हिसाब से उस सॉइल की क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज़ चेक करूँगा, क्योंकि मैं ये देख पाऊँगा कि वेल ग्रेडेड सॉइल और पुअरली ग्रेडेड सॉइल में क्या डिफरेंस निकल के आता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। क्लियर रहेगी बात। वेलकम एवरीवन, सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए फिर से क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सॉइल इंजीनियरिंग के हैं, और अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए हैं उसमें ये सारे क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चंस हैं, फटाफट लगाएंगे और एनर्जी के साथ लगाना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे 4 टाइप के सॉइल दिए हैं और उनकी आपके प्रॉपर्टीज भी दी गई है, जिसकी लेक्चर पहले लेक्चर में हमने बात की थी। तो अगर बात करें तो लैकेस्ट्रीन सॉइल हमने बोला था कि लेक्स में दिया जाता है, मतलब A का जो होगा वो कुछ होगा, लेक्स वाला आपका 3rd ऑप्शन। फिर आपका एलुवियल सॉइल जो है, एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करूं तो फिर आपका बन जाता है दूसरा ऑप्शन बाय वाटर। मतलब बी का 2 बन जाएगा। इसके बाद एवलिन सॉइल जो था हमारा किसमें, राजस्थान में मिल रहा था, जो कि ये क्या था, सैंड था, तो जो कि विंड से आ रहा था, मतलब सी का 1 बनता है और डी का ऑटोमेटिकली अपने आप 4 बन जाएगा। तो 3-2-1-4 जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो बी ऑप्शन बनता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन को अगर देखें तो पिकोमीटर का सवाल है। पिकोमीटर में हमने बात की थी और इमेज आपके स्क्रीन पे आ रही है। हमसे पूछा गया था स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फार्मूला भी हमने वहाँ बनाया था, जो कि डी ऑप्शन बन जाता है। डी ऑप्शन को अगर हम देखें तो डी ऑप्शन में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बन के आती है वो W2 - W1 बाय W4 - W3 + W2 - W1। तो एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए फार्मूला भी याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज। तो बता रहा है कि एक सॉइल है, सॉइल के अंदर जो 1/6 वॉल्यूम है वो किसने ऑक्यूपाई की है, एयर ने ऑक्यूपाई की है। मतलब 1/6 टोटल वॉल्यूम की सॉइल की मैंने V वॉल्यूम मान लिया सॉइल का, जिसमें से 1/6 तो एयर ने ले ली, उसके बाद 1/3 जो है आपकी वो किसने, वाटर ने ले ली है। और हम ये जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर हम जानते हैं 1/6 प्लस V और 1/3 V, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो आ जाएगा आपका 1/2 V आ गया। और आपसे वॉइड रेशियो पूछा गया है, वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉइड रेशियो आपका होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो मैं निकाल चुका हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चाहिए। टोटल वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल दूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसीलिए टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल देता हूँ, जो कि मेरे पास ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी कितना आ जाता है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, तो मैं रख सकता हूँ, जो कि कितना आ जाएगा, हाफ V बाय हाफ V, जो कि आंसर मेरा बन जाता है 1। देखते हैं 1 मिलता है क्या, और 1 मिलता है हमें सी ऑप्शन में, तो सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बस सारी की सारी बात आपकी अंडरस्टैंडिंग की है, कंसेप्ट की है। तो आपको कंसेप्ट प्रॉपर याद रहना चाहिए, अगर कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लैकोस्ट्रीन सॉइल्स आर। लैकोस्ट्रीन सॉइल्स की भी अभी हमने बात की है पहले ही क्वेश्चन में और अभी रिपीट हो गया है। ESC 1996 में पूछा गया था कि भाई लैकोस्ट्रीन सॉइल्स कौन से होते हैं, जो कि लेक बेड्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि डी इज़ द राइट आंसर, तो बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है वो डी ऑप्शन बन जाता है, डी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ सॉइल मास इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 2.6 दी गई है, बिल्कुल। और उसके बाद बोला गया है अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.78, वॉइड रेशियो 0.78 दे दिया गया। उसके बाद बोलता है द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट द सॉइल, मतलब जब वो फुली सैचुरेट हो जाता है तो एस की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 100%, डेसिमल में बोलें तो 1। तो कह रहा है कि मुझे बता दीजिए कि उस टाइम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। वाटर कंटेंट एक रिलेशन मैंने आपको बताया था किसमें, दिल के फार्मूलाज में, और मैंने ये बोला था कि ये दिल के फार्मूलेज आपको दिल से याद होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि SE = WG, जो कि पहला फार्मूला था वहाँ पे, उसमें W की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ कैसे, SE/G करके। S की वैल्यू मुझे 1 पता है, वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.78 भी पता है, G की वैल्यू 2.6। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो वाटर कंटेंट मेरे पास निकल आ जाता है। और अगर मैं परसेंटेज में उसका आंसर करूं तो परसेंटेज में ये कुछ 30%, ये आ जाएगा आपका 0.03 यहाँ से। और अगर परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेता हूँ 100 से मल्टीप्लाई करके तो 30%। इसका मतलब ये है बी इज़ द राइट आंसर माय फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो फिफ्थ का क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास है, बी इज़ द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ड्राई सॉइल मास हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.35। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने भी आपको ये बताया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 2 टाइप की होती है, एक मास स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड एक ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बिल्कुल ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी वजह से होती है, सॉलिड्स की वजह से होती है सॉइल के, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड्स क्या होते हैं, एक स्टेबल पैरामीटर होता है हमारे सॉइल का कि सॉलिड्स वाटर कंटेंट बढ़ने या घटने के साथ चेंज नहीं होता। इसीलिए मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमें दी गई है वो 1.35 दी गई है, और जो ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम GS से भी डिनोट करते थे वहाँ पे वो कितनी दी गई है, 2.7 दी गई है। उसके बाद मुझसे कहता है वॉइड रेशियो मुझे बता दीजिए। वॉइड रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपको एक और रिलेशन देता हूँ, वो आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आपका आंसर एज इट इज़ निकल के आ जाएगा, जो कि है GM इक्वल्स टू जी एस बाय 1 प्लस ई। और अगर जी एम की वैल्यू मुझे यहाँ पे नोन है, जी एस की वैल्यू 2.7 मुझे पता है, ई की वैल्यू मुझे निकालनी है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकता हूँ और जो कि वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1। तो मतलब इसका ये बनता है कि आपका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बनता है। बिल्कुल, तो बी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट और आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक मिनट के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम क्या कर सकें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकें। तो इसलिए हमें फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसलिए सेवन्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं तेज़ी के साथ। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिया गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द गिवन टेबल। वॉल्यूम दिया गया है, उसमें उसका कंटेंट दिया गया है, भाई एयर जो है उसमें 0.2 cc है, उसका जो वेट है वो 0 है, वो हम जानते हैं एयर का वेट हमेशा 0 होता है। बिल्कुल, वाटर दिया गया है 0.3 cc, जिसमें कि उसका वेट दिया गया है 0.3, सॉलिड्स का वॉल्यूम दिया गया है 0.5 और वेट दिया गया है 1 ग्राम। तो कहता है कि चार स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये मुझे बता दीजिए। तो पहला स्टेटमेंट मुझसे क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट में कहता है कि सॉइल इज़ पार्शली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%। क्या वो पार्शली सैचुरेटेड है? अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60% है, चेक करके देखते हैं। बिल्कुल, चेक करके देखेंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। बिल्कुल क्लियर है बात भाई। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60% है, क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर जानता हूं? बिल्कुल, गिवन है मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.3। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड जानता हूँ? बिल्कुल जानता हूँ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ एयर मुझे कितना गिवन है, 0.2 गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.3 गिवन है, मतलब 0.5 आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। तो एस की वैल्यू बिल्कुल 60% ही यहाँ से निकल के आती है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा था, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट को अगर मैं चेक करूं तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि वॉइड रेशियो 40% है। बिल्कुल, चेक करके देखेंगे, वॉइड रेशियो 40%। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बिल्कुल, तो भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो अभी मैंने निकाला था 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना, 0.5। देखते हैं भाई, जो कि कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, लेकिन इसमें कितना दिया गया है, 40% दिया गया है। अगर मैं इसको परसेंट में भी कन्वर्ट कर लूँ 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 100% आ जाता है। जिसका मतलब ये बनता है कि भाई सीधी सी बात ये है कि 100% तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। अगर सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो हम अगर ऑप्शंस की अप्रोच की तरफ जाएं तो 3 ऑप्शंस कोई भी हमारे सही हैं ऑप्शन के हिसाब से। जब दूसरा ऑप्शन गलत है तो मतलब एक कोई ऐसा ऑप्शन हमें मिलना चाहिए कि जो क्या है, उसमें 2 मेंशन ना हो, जिसके हिसाब से बी ऑप्शन में मिलता है 1, 3, 4। 3 और 4 को भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन के हिसाब से 3 ही स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। मतलब एक गलत होगा, एक गलत हमने ढूंढ लिया तो 3 अपने आप सही बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी मेरी बात। नेक्स्ट आ जाते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ एवलीन सॉइल। भाई और लिखा है वहाँ पे, ऑफ कर लेंगे उसको, ठीक है। तो भाई एवोलिन सॉइल की बात हमने की थी जब हमने अलग अलग टाइप के सॉइल्स देखे थे, उसमें हमने कहा था एवोलिन सॉइल क्या होता है, एक सैंड होता है और उसको डिपॉजिट कौन करती है, विंड करती है, ठीक है। और हमने ये भी, भाई सैंड है तो सैंड में हम ये भी जानते हैं कि उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इन्हीं पैरामीटर्स को मैच करा के देखते हैं। पहला पैरामीटर, भाई क्वेश्चन कहता है कि द सॉइल हैज़ लो डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। इस बारे में तो हमने कोई भी बात नहीं की है, मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो भाई पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द सॉइल इज़ डिपॉजिटेड बाय विंड। बिल्कुल, एओलियन सॉइल में हमने यही देखा था। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सॉइल हैज़ लार्ज परमेबिलिटी, बिल्कुल सही है। मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, मतलब बी इज़ द राइट आंसर। 2 एंड 3 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। बिल्कुल, तो 8th क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है। ये भी ईएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी ईएससी 1997 में पूछा गया था। द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज़ 1.5 ग्राम पर सीसी। ड्राई डेंसिटी दी गई है, गामा डी की वैल्यू दी गई है, कि गामा डी की वैल्यू जो हमें दी गई है वो कितनी दी गई है, 1.5 ग्राम पर सीसी दी गई है। इसके बाद कहता है द सैचुरेशन वाटर कंटेंट वर 50%, सैचुरेशन वाटर कंटेंट जो है मेरा 50% है, मतलब एस की वैल्यू जब 1 होगी तब वाटर कंटेंट 50% होगा। देन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी पूछ रहा है हमसे, गामा सैचुरेटेड की वैल्यू पूछ रहा है, साथ के साथ सबमर्ज की वैल्यू भी पूछ रहा है। भाई मैं ये जानता हूँ कि भाई जब सैचुरेटेड होगा तब 50% वाटर कंटेंट होगा, मैं चेक करके देख लेता हूँ। मेरे पास एक रिलेशन था गामा डी इक्वल्स टू गामा बल्क अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है। जो गामा बल्क क्या होता है, गामा बल्क हम बात कर चुके हैं जो एग्जिस्टिंग कंडीशन में उसका यूनिट वेट होता है। एग्जिस्टिंग कंडीशन कौन सी है, सैचुरेटेड वाली कंडीशन है, और उस टाइम उसका यूनिट वेट बल्क क्या होगा, गामा सैचुरेटेड होगा, मतलब गामा सैचुरेटेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। मतलब गामा सैचुरेटेड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, गामा डी 1 प्लस W होना चाहिए। गामा D की वैल्यू दी गई है 1.5 प्लस वाटर कंटेंट 50% डेसिमल में चेंज करके रख देता हूँ 0.5, मतलब गामा सैचुरेटेड की वैल्यू आ जाएगी 2.25 ग्राम पर सीसी। गामा समझ की भी हमने बात की थी वहाँ पे कि गामा समझ क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा W, 2.25 माइनस 1 रख देता हूँ, कितना आ जाएगा 1.25 ग्राम पर सीसी। तो 2.25 और 1.25 मैच करते हैं तो सी इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सी हमारा क्या बन जाता है, एक सही ऑप्शन बन जाता है, जिसमें सैचुरेटेड की वैल्यू 2.25 दी गई है और सबमर्ज की वैल्यू 1.25 दी गई है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ये भी ईएससी 1999 का सवाल है। द सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटीज, वो ट्राई लिख गया है, ड्राई है तो गामा सैचुरेटेड और गामा ड्राई आपको गिवन है। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू दी गई है 2000 केजी पर मीटर क्यूब और आपको गामा डी की वैल्यू दी गई है 1500 केजी पर मीटर क्यूब। मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल, तो 1500 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए कहता है तो वाटर कंटेंट इन परसेंटेज ऑफ द सॉइल इन द सैचुरेटेड स्टेट वुड बी, वाटर कंटेंट पूछ रहा है हमसे, किसमें, सैचुरेटेड स्टेट में पूछ रहा है। अरे भाई हम दिल के फॉर्मूले जानते हैं और जब हम कोई बात दिल से करते हैं तो बात सारी क्लियर रहती है, जो कि गामा डी की वैल्यू क्या है, गामा सैचुरेटेड अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गामा बल्क था और एग्जिस्टिंग कंडीशन में हम जानते हैं कि सॉइल कैसा है, सैचुरेटेड है, तो गामा बल्क को हम गामा सैचुरेटेड लिख सकते हैं, तो लिखा है, ठीक है। तो भाई गामा सैचुरेटेड की वैल्यू 2000, 1 प्लस वाटर कंटेंट तो निकालना है और इसकी वैल्यू 1500 हमें गिवन है। अगर मैं रख दूं तो वाटर कंटेंट की वैल्यू मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं, जो कि कितनी आ जाएगी, 0.3333 आ जाएगी। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं तो 33.33%, तो मतलब क्या आ जाता है, बी इज़ द राइट आंसर आ जाता है। बिल्कुल, तो ईएससी का बहुत अच्छा सवाल ये बनता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग बल्क यूनिट वेट का मतलब नहीं समझते। मैंने पहले भी बात की है और अभी भी मैं बात कर रहा हूँ कि बल्क यूनिट वेट क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन द एग्जिस्टिंग कंडीशन। अगर सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में है तो वो उसका बल्क यूनिट वेट क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड हो जाएगा, और अगर अभी ड्राई सॉइल है तो उसका बल्क यूनिट वेट क्या होगा, गामा डी के बराबर हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल के बराबर हो जाएगा। तो बस इतना सा कंसेप्ट क्लियर रखना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, बिल्कुल लग जाता है, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन आप करके आएंगे। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ। 12th क्वेश्चन की बात करूं, इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 केजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे। 0.18 केजी हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब, एक सॉइल सैंपल है जिसका वेट कितना है, 0.18 केजी है और उसका वॉल्यूम 10 टू द पावर -4 मीटर क्यूब है, एंड ड्राई यूनिट वेट उसका गिवन है 1600 केजी पर मीटर क्यूब, इज मिक्सड विद 0.02 kg ऑफ वाटर, और उसमें 0.02 kg वाटर और मिला दिया गया। तब कहता है देन वाटर कंटेंट इन द सॉइल सैंपल विल बी, वाटर कंटेंट पूछता है, ठीक है, ज़्यादा हमसे पूछेगा हम जवाब दे देते हैं। बिल्कुल, तो वाटर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाई बाय 100 वाटर कंटेंट होता है। बस हमें क्या निकालना है कि अब वेट ऑफ वाटर कितना है और वेट ऑफ सॉलिड कितना था, तो हम सीधे वाटर कंटेंट बता सकते हैं। हमें ड्राई यूनिट वेट गामा डी दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, 1600 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं तो 1600 केजी पर मीटर क्यूब देने के बाद मैं वेट ऑफ ड्राई सॉइल निकाल लूं, वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है गामा डी क्या होता है, भाई वेट अपॉन वॉल्यूम, सही बात है, तो मतलब वेट क्या होगा, गामा डी इंटू वॉल्यूम। गामा डी तो दिया है 1600 और वॉल्यूम तो दिया है 10 टू द पावर -4, मैं सीधे निकाल सकता हूँ 0.16 kg मेरा वेट ऑफ सॉइल आ जाता है। ठीक है। वेट ऑफ ड्राई सॉइल कितना हो गया, क्योंकि गामा डी से जो वेट आएगा वो कौन सा आएगा, ड्राई सॉइल का वेट आएगा, और ड्राई सॉइल का वेट 0.16 kg है। लेकिन जो वेट मुझे गिवन है वो तो कितना गिवन है, 0.18 kg, मतलब उसके अंदर जो पानी होगा वो कितना होगा, वो निकाल लेता हूँ। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना होगा भाई, 0.18 सॉइल का वेट गिवन है, लेकिन ड्राई सॉइल का वेट तो कितना है 1.16, जो भी हम निकाल लिया है, तो 0.02 kg उसमें क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। अब आपने उसके ऊपर से भी 0.02 kg पानी और मिला दिया, तो वेट ऑफ वाटर अब कितना आ गया, 0.04 kg। सही बात है, वाटर कंटेंट निकालना था, वेट ऑफ वाटर तो 0.04 kg है, और वेट ऑफ सॉलिड क्या होगा, जो ड्राई सॉइल का वेट होगा, क्योंकि ड्राई सॉइल का वेट तो सिर्फ किसकी वजह से होता है, सॉलिड्स की वजह से होता है, ये हम फेज डायग्राम में पढ़ चुके हैं। मतलब वेट ऑफ सॉलिड्स 0.16 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर निकल के आता है वो कुछ आ जाता है 25%। इसका मतलब ये है कि भाई आंसर क्या बन जाता है, बी इज़ द राइट ऑप्शन। बिल्कुल, तो बी हमारा राइट ऑप्शन बनता है। बस आपको इस क्वेश्चन में भी कंसेप्ट पे ध्यान देना था कि वेट जो है ड्राई सॉइल का वो सिर्फ किसकी वजह से होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स की वजह से होता है। तो जिसको फेज डायग्राम बिल्कुल क्लियर है वो क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियरली लगा सकता है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं ईएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यही सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत कंसेप्चुअल हैं, एग्ज़ाम के अंदर रिसेंटली पूछ लिए जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जितने भी ए लेवल के या जे लेवल के एग्जामिनेशंस हैं इनके अंदर इन्हीं क्वेश्चंस का रिपीटिशन देखा जाना एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल लगाइए, कंसेप्ट क्लियर करिए। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो पोरोसिटी की वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ पोरोसिटी मुझे बता दो। कहता है इन विच द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन्स इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। कि भाई कह रहा है कि उसमें जो सॉइल ग्रेन्स मतलब सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, ग्रेन्स कह दें चाहे सॉलिड्स कह दें एक ही बात है। तो सॉइल ग्रेन्स मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स जो है वो 2 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के। ठीक है, अब मुझसे पोरोसिटी पूछता है। पोरोसिटी मैं जानता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। बिल्कुल, तो टोटल वॉल्यूम तो मैं जानता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो मैं जानता हूँ 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो है ही, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब मैं ये जानता हूँ कि पोरोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि क्या निकल के आ जाएगा 33.33%। मतलब क्या आंसर बन जाता है, अगेन डी इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपको बस इतना सी बात क्लियर रहनी चाहिए थी कि वॉल्यूम जो टोटल होता है सॉइल का वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड मिल के बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो ऑलरेडी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स भी आपको गिवन है। आप सीधे वैल्यू रखेंगे और क्लियरली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सन 2000 में पूछा गया था ईएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन पे आ जाएं तो अ सैंपल ऑफ सेचुरेटेड सैंड हैज़ अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो भाई एक सॉइल का सैंपल दिया गया है, उस सॉइल के सैंपल में ड्राई यूनिट वेट कितना दिया गया है, गामा डी, ठीक है, 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखिए बहुत लोग बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ये रहता है जितना भी गिवन पार्ट हो उसको लिख लें, और जो भी आपसे पूछा गया हो उसको अलग से लिख लें, और फिर देखें कि उस जो क्वेश्चन मार्क तक मैं उस गिवन पार्ट से कैसे पहुँच सकता हूँ। तो देखिए इसमें ड्राई यूनिट वेट दिया गया, मैंने लिख लिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 2.7, मैंने लिख ली। डेंसिटी ऑफ वाटर दी गई है 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, मैंने मैंशन कर दी। मुझसे वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल पूछा गया है, वॉइड रेशियो मुझे बताना है। अब मेरा दिमाग में क्या चलना चाहिए, मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं कैसे इस वॉइड रेशियो तक पहुंच जाऊं इस गिवन कंटेंट की मदद से। तो सोचेंगे कि कैसे मैं इस सैंपल तक पहुंच सकता हूं। देखिए वॉइड रेशियो गामा डी दिल के फॉर्मूले, मैंने बोला था कि ये दिल के फॉर्मूले जब दिल से याद हों तो बिल्कुल काम आ जाते हैं। और गामा डी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होती है। तो वहाँ पे भी बोला था कि 80% सवाल आपके सिर्फ इन दिल के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, और देखिए हो रहे हैं बिल्कुल। तो जी की वैल्यू 2.7, गामा डब्ल्यू की वैल्यू 10 अपॉन ई तो हमें निकालना ही है, गामा डी की वैल्यू 18 दी गई है, सॉल्व करिए, आंसर है। ई की वैल्यू जो आपकी यहाँ पे निकल के आती है वो कुछ आ रही है 0.5, मतलब इसका आंसर क्या आ जाता है, बिल्कुल ए आंसर आ जाता है। ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर रहेगी मेरी बात। तो सन 2000 का बहुत अच्छा सवाल। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 15th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, अक्सर जेई लेवल के एग्जाम्स में रिपीटिशन में देखा गया है, और आज भी मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये ईएससी तक के लेवल में पूछा जाता है। सन 2001 में पूछा गया था। देखिए तो ईएससी के वही जो छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत अच्छे कंसेप्चुअल सवाल हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए, तो अ ड्राई सॉइल सैंपल हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स एंड वॉल्यूम वॉइड्स बाय वॉल्यूम। तो भाई सॉलिड जो हैं सॉइल सैंपल के अंदर वो क्या हैं, वॉइड के बराबर हैं। देख लेते हैं। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक सॉइल सैंपल में क्या दे दिए गए हैं, बराबर दे दिए गए हैं। अब कहता है कि मुझे क्या बता दो, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। छोटी मोटी बातें हमसे पूछेगा तो हम आंसर कर ही देंगे। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होता है। तो भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बराबर हैं, तो मैंने इसको भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही लिख दिया, मतलब आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर है। अब पोरोसिटी मैं जानता हूँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, परसेंटेज में इसको डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो पता ही है मुझे, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम किसकी वजह से होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड की वजह से। और मैं तो ये जानता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बराबर हैं, तो इसको भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही लिख देता हूँ, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 50%। तो इसके हिसाब से जो मेरा सही आंसर बनता है वो कौन सा बनता है, डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि उसमें जो आपकी वॉइड रेशियो दी गई है वो 1 दी गई है और पोरोसिटी की वैल्यू 50% दी गई है। क्लियर रहेगा बिल्कुल। तो 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो है वो हमसे पूछ लिया गया है कि सॉइल किस स्टेट में है, ये मुझे बता दीजिए। ये भी ईएससी का एक बहुत अच्छा सवाल सन 2001 में ही पूछा गया है। अ सॉइल हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 1.3, वॉइड रेशियो एक सॉइल है उसका वॉइड रेशियो 1.3 है बिल्कुल। उसके बाद कहता है कि उसमें वाटर कंटेंट जो है वो 50% है, मैंने भी कह दिया। फिर कहता है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.6 है, और मुझसे ये पूछ लेता है कि मुझे उसकी सैचुरेशन स्टेट बता दीजिए कि वो पार्शली सैचुरेटेड है या फुली है या ओवर है या अंडर है, कैसा सैचुरेटेड है। तो देखते हैं भाई, मैं ये जानता हूँ कि भाई S की वैल्यू अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है तो वो कैसा होता है, ड्राई सॉइल होता है। अगर S की वैल्यू 0 100 के बीच में है तो पार्शली सैचुरेटेड, अगर 100 आ जाती है तो फुली सैचुरेटेड, और अगर 100 से ऊपर चली जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, वो ओवर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में कहलाएगा। तो अब देखते हैं, मतलब हमें S की वैल्यू कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो S की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर दिल के फॉर्मूले का काम। एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू जी बाय ई। W की वैल्यू 50% है तो डेसिमल में मैं पुट अप कर देता हूँ, जब भी मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा तो डेसिमल में रखूँगा। और G की वैल्यू मुझे गिवन है 2.60, E की वैल्यू मुझे गिवन है 1.3। सॉल्व करता हूँ तो 100% निकल के आती है, वैसे तो 1 आती है, मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो परसेंटेज में 100%। तो 100% मतलब फुली सैचुरेटेड कंडीशन में है, क्योंकि S की वैल्यू जब 100 होती है हम जानते हैं कि वो फुली सैचुरेटेड कंडीशन में होता है, मतलब B इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ। ये भी ईएससी 2001 का बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। ये भी दिल के फॉर्मूले पे आधारित है, जिनको दिल के फॉर्मूले याद हैं उनका दिल से कभी आंसर गलत नहीं हो सकता। तो बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। गामा डी का फार्मूला दिल के फार्मूले में क्या बताया था, गामा डी का फार्मूला बताया था जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और एक फार्मूला और भी बताया था, गामा डी इक्वल्स टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। चलिए तो देखते हैं कि कौन काम आता है। कहता है कि सैंपल विच हैज़ बल्क यूनिट वेट ऑफ गामा टी, ठीक है, बल्क यूनिट वेट उसका गामा टी दिया गया है, एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ W%, ठीक है, तो कहता है कि क्या कौन सा इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करता है गामा डी को। तो देख लेते हैं भाई, इसमें जी की कहीं बात नहीं हुई है तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देते हैं। गामा बल की बात हुई है तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। गामा बल को यहाँ पे गामा टी से रिप्रेजेंट किया तो मैंने भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने दिया था उसमें वाटर कंटेंट आप किस में रखते थे, डेसिमल के फॉर्म में रखते थे, लेकिन मैं यहाँ पे किस में कह रहा है, परसेंटेज के फॉर्म में, तो मैं इसको डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ। अब तो किस में आ जाएगा, डेसिमल के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो भाई मैं सॉल्व करूँ तो गामा टी अपॉन एलसीएम ले लेता हूँ तो 100 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन 100 हो जाएगा। मतलब इसको उल्टा कर देता हूँ तो 100 अपॉन 100 प्लस वाटर कंटेंट ब्रैकेट में गामा टी हो जाएगा। और आपको देखने पे पता चल रहा होगा कि सी जो है बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है इसके लिए, तो सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए 18th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी ईएससी का बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन था। कोलैप्सिबल सॉइल इज एसोसिएटेड विद ड्यून सैंड्स, लेटराइट सॉइल, लोएस्ट सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। किसके साथ कोलैप्सिबल सॉइल एसोसिएटेड है इनमें से? तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। इसकी बात भी हमने जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल की बात की थी तो उसमें भी की हुई है कि लोएस्ट सॉइल जो है हमारा कैसा था, कोलैप्सिबल सॉइल था। जब क्या करता था, ये सिल्ट थी, वैसे तो ये सीमेंटियस प्रॉपर्टी दिखाता था, लेकिन जैसे ही पानी कांटेक्ट में आता था और वेट हो जाता था तो एकदम से अपनी सीमेंटियस प्रॉपर्टीज़ को लूज़ करके कोलैप्सिबल इन नेचर बन जाता है। तो कौन सा, सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 18th क्वेश्चन। क्लियर रहेगी मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 19th क्वेश्चन। तो आप देखिए हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। मतलब एग्ज़ाम के अंदर आपकी इतनी स्पीड कम से कम मेंटेन होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से और पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, लगा सकें। क्लियर रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका ईएससी 2004 का जो क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया गया है, टू सॉइल सैंपल ए एंड बी हैव पोरोसिटीज़ Na 40% और NB 60%। तो Na की वैल्यू दे दी गई है 40% और NB की वैल्यू दे दी गई है 60%। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉइड रेशियो EA बाय EB का वैल्यू पूछा गया है। क्या मैं पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में कोई रिलेशनशिप जानता हूँ? बिल्कुल जानता हूँ। कहाँ से, दिल के फॉर्मूले से, और जो कि क्या है N = E/1 + E। तो मतलब N A मुझे गिवन है, चलिए, लेकिन मुझे तो ई ए की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास एक और दिल का फॉर्मूला है E = N/1 - N। इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40, इसमें डेसिमल के फॉर्म में रख रहा हूँ तो 0.4/1 - 0.4। ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6/1 - 0.6। या सॉल्व करेंगे तो 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2। रख देता हूँ मैं यहाँ पे। EA बाय EB की जो वैल्यू निकल के आती है 2/3 और 3/2 के फॉर्म में, तो 4/9 निकल के आती है। मतलब C इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर रहेगी बात। तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है तो मतलब उसको 1 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर 1 मिनट या 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो क्वेश्चन करने में या कंसेप्ट में कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती के साथ हमने कम से कम टाइम में क्या किया है, सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी ईएससी का क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत, 2004 का क्वेश्चन। व्हाट आर द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो की वैल्यू पूछता है, पोरोसिटी की वैल्यू पूछता है, एंड सैचुरेटेड डेंसिटी की वैल्यू भी पूछ रहा है कि सॉइल की सैचुरेटेड डेंसिटी कितनी होगी। फॉर अ सॉइल सैंपल हैज़ सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 20%। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट कितना दे रहा है, 20% दे रहा है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, 20% दे दिया, मैंने ले लिया। उसके बाद कहता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेन्स 2.6, ओके, और डेंसिटी ऑफ वाटर कहता है कि आप ले लीजिए कितनी, 10 kN/m³। गिवन पार्ट लिख लिया, क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट कि भाई पोरोसिटी भी पूछी गई है, डेंसिटी वॉटर रेशियो भी पूछा गया है, और गामा सैचुरेटेड भी पूछा गया है। अब हमें ये सोचना है कि इस गिवन पार्ट से मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, कहाँ तक, इस क्वेश्चन मार्क तक। तो अगर मैं ध्यान दूँ तो मेरे पास दिल के फॉर्मूले हैं, और जब मेरे पास दिल के फॉर्मूले हैं तो मैं दिल से उनको याद रखूँगा और उनको दिल से ही इम्प्लीमेंट भी करूँगा। देखिए भाई, मेरे पास वाटर कंटेंट है, और ये वाटर कंटेंट किस पे है, सैचुरेशन पे है। मतलब सैचुरेशन, वो सॉइल क्या है, अभी फुली सैचुरेटेड है 100% पे। तो बहुत एक छोटा सा वैल्यू दिया गया है कि भाई फॉर अ सॉइल सैंपल विच है सैचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जो पूरा सैचुरेट है तब उसमें मॉइस्चर कंटेंट 20% है। बिल्कुल, तो मतलब S की वैल्यू कितनी हो गई, 100% हो गई। क्लियर है। तो G की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, वर्ड रेशियो की वैल्यू W G/S। W मॉइस्चर कंटेंट तो 0.2 रख दिया डेसिमल में, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6, सैचुरेशन 1। तो E की जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आती है वो कुछ आती है 0.52। वॉइड रेशियो हमने निकाल लिया। जब वॉइड रेशियो निकाल लिया तो पोरोसिटी निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर से हम दिल का फॉर्मूला E/1 + E लगा देते हैं, जो कि कितना होगा 0.52/1 + 0.52, और पोरोसिटी की जो वैल्यू निकलती है इससे वो कुछ 0.34 निकलती है, क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी भी आपकी अगर ध्यान दें तो डेसिमल में दी गई है। जनरली हम उसे परसेंटेज में शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल में है तो हम भी डेसिमल में ही निकालेंगे। तो पोरोसिटी की वैल्यू में निकल गए। अब हमसे क्या पूछा गया है, सैचुरेटेड यूनिट वेट पूछा गया है। सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गामा सैचुरेटेड की अगर मैं बात करूँ, गामा सैचुरेटेड निकालना है, ठीक है निकाल लेता हूँ। गामा सैचुरेटेड जो होता है दिल के फॉर्मूले में गिवन था G + E गामा W/1 + E। G की वैल्यू 2.6 दी गई है, E अभी आपने निकाला है 0.52, गामा W की वैल्यू उसने बोला था 10 ले लो, ले ली। E की वैल्यू 0.52, गामा सैचुरेटेड भी कैलकुलेट होके आ जाता है, जो कि आता है 20.53 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ क्या एक आंसर मैच करता है, तो भाई डी ऑप्शन में जाऊं तो 0.52 आ रहा है, 0.34 भी आ रहा है, लेकिन 20.14 देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर और किसी ऑप्शन में मुझे मैच नहीं करता। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वॉइड रेशियो मैच करता है, पोरोसिटी मैच करती है, और नियरली अप्रॉक्सीमेटली गामा सैचुरेटेड की वैल्यू भी क्या कर रही है, मैच कर रही है। क्लियर रहेगी बात। तो जल्द से 21 क्वेश्चन पर भी आ जाते हैं। 21 क्वेश्चन की बात करें, फॉर अ सैंडी सॉइल विद सॉइल ग्रेन स्पेरिकल इन शेप एंड यूनिफॉर्म इन साइज। ठीक है, तो स्पेरिकल है उसका शेप और कैसा है, यूनिफॉर्म भी है साइज। तो व्हाट इज द थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो, तो थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो इन केस ऑफ स्पेरिकल एंड यूनिफॉर्म पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज टेकन एज। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ESC 2009 में पूछ लिया गया था। तो ई मैक्स की वैल्यू, मैक्सिमम वॉइड रेशियो जो उस टाइम लिया जाता है वो 0.91 लिया जाता है, साथ में मिनिमम की भी याद कर लेंगे 0.35। ऐसा हो कि पहले मैक्सिमम पूछा गया था, इस बार आपसे मिनिमम की वैल्यू पूछ ले, तो अब आप मैक्सिमम भी जानते हैं और मिनिमम भी जानते हैं। तो यहाँ पे किसी एक सैंडी सॉइल के लिए जो आपसे यूनिफॉर्म थ्योरेटिकल वॉइड रेशियो पूछा गया है वो कितना है, 0.91, मतलब जो आपका ऑप्शन बनता है वो सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन पे। द नेचर वाटर कंटेंट लिख गया है, ये नेचुरल वाटर कंटेंट है। द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल वाज फाउंड टू बी 40%। कि भाई एक सॉइल सैंपल है जिसका नेचुरल वाटर कंटेंट आपको कितना मिला, 40% मिला। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एंड वॉइड रेशियो 1.2। देन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल विल बी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा गया है। बहुत तीन क्या क्या गिवन है, मैं फिर से लिख लेता हूँ। मेरे को जो गिवन है वो गिवन है वाटर कंटेंट 40%, वॉइड रेशियो 1.2, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछा गया है। देखूं तो फिर से वही याद आ जाता है, SE = WG, मतलब S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, WG/E। मैं W और G और E की अगर वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो मेरे पास एक आंसर निकल के आता है, और वो कितना है, कुछ 0.9 निकल के आएगा। वैल्यू रख देता हूँ चलो आपके लिए 0.4, 2.7, E की वैल्यू 1.2, तो 0.9 मतलब 90%। क्लियर रहेगी बात। तो 90% आ रहा है, तो मतलब बहुत अप्रॉक्सीमेटली D इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट अगर कोई आंसर मैच करता है तो वो D ऑप्शन मैच करता है। ठीक है। तो एक चीज़ और भी याद ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है। मोस्ट जो आपकी जो वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू आपने निकाली है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक की वैल्यू हो। ऐसा भी हो सकता है कि 0.91 की जगह सिर्फ 90 ही निकल के आए जैसे अभी आया है, तो आपको तब डी ऑप्शन क्या करना है, चूज़ कर लेना है। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 23 क्वेश्चन पे, सन 2012 का क्वेश्चन ईएससी का। व्हाट इज द ड्राई यूनिट वेट ऑफ क्ले सॉइल व्हेन द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल देयर इज 0.5। ठीक है, वॉइड रेशियो जो सैंपल का है वो 0.5 है, तो वो पूछ रहा है कि उसका ड्राई यूनिट वेट कितना होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो मैं फिर से गिवन लिख लेता हूँ 0.5 और गामा डी मुझसे पूछा गया है। ठीक है, द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 70%। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन गिवन जो है वो 70% है। उसके बाद कहता है एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स, सॉइल ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितनी है, 2.7 है। गामा ऑफ वाटर कह रहा है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ले लो गामा डी बता दो। तो भाई जो मुझे गिवन है फिर मैं उसी को देखूंगा और उस क्वेश्चन मार्क तक मुझे कैसे पहुंचना है, सिर्फ इसके ऊपर दिमाग चलाना है कि गिवन से, इस गिवन पार्ट से मैं इस क्वेश्चन मार्क तक कैसे जाऊं। तो देखते हैं इसको कैसे ले जाया जाए वहां तक। क्वेश्चन नंबर 23। तो मेरे को सब कुछ गिवन है, मैं एक जानता हूं बात कि गामा बल क्या होता है, जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है, ये तो मैं जानता हूँ। क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे गिवन है, गिवन है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन गिवन है, वॉइड रेशियो गिवन है, मतलब मैं गामा बल्क निकाल सकता हूँ। गामा बल्क निकाल लिया तो उससे क्या मिलेगा, गामा बल्क की मदद से, क्योंकि मैं जानता हूँ गामा डी क्या होता है, गामा बल्क अपॉन वाटर प्लस वाटर कंटेंट होता है। अगर मैं वाटर कंटेंट और गामा बल्क पता कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, गामा डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो गामा बल्क तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ 2.7 प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, फिर से मैं डेसिमल में रखूँगा, ई की वैल्यू 0.5 रख देता हूँ, गामा डब्ल्यू की वैल्यू उन्होंने 9.81 बोली है रख देते हैं, प्लस 1 प्लस ई की वैल्यू 0.5, मतलब गामा बल्क जो आपका निकल के आता है वो कुछ आता है 19.947 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सही है, लेकिन मुझे वाटर कंटेंट भी तो निकालना है अभी, और उस वाटर कंटेंट को निकालने के लिए फिर वही दिल का फॉर्मूला एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, एस ई बाय जी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन 0.7, वॉइड रेशियो 0.5, जी की वैल्यू आपको गिवन है 2.7। कैलकुलेट करेंगे, वाटर कंटेंट जो आपका आता है वो निकल के आता है 0.129। इसको आप चाहें तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे आगे फॉर्मूले में रखना है इसलिए कन्वर्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे रख देता हूँ गामा बल की वैल्यू जो कि आ रही है 19.947 अपॉन 1 प्लस 0.129। अगर आप कैलकुलेट करें तो गामा डी की वैल्यू निकल के आ जाती है कुछ 17.658 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए क्या ऑप्शन में है, तो 17 पॉइंट समथिंग तो ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ये तो कुछ गलत होने के आसार आ गए। लेकिन आप देखें तो बल्क यूनिट वेट का जो वैल्यू है 19.95 वो कुछ मैच कर रहा है, हमने अभी निकाला है, ये रहा। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इसलिए आपको वहाँ पे भी अपनी आँख कान को खुला रखना है और सही आंसर को चूज़ कर लेना है। तो बिल्कुल जो सबसे एग्जैक्ट आंसर अभी आपको मिलता है वो बी ऑप्शन मिलता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए 24 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टू द टू डेथ ऑफ रिमोल्डेड सैंपल। कि भाई अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है एक सॉइल की, किस केस में, अनडिस्टर्ब्ड केस में, और एक अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक सॉइल की है रिमोल्डेड स्टेट में। उसका जो रेशियो है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड स्टेट ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। इसकी बात भी हम कर चुके हैं। तो मतलब डी इज़ द राइट आंसर। और ये किस में पूछा गया था, गेट 1997 में पूछा गया था। बिल्कुल, तो गेट के जो सवाल हैं वो भी थोड़े, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहे हैं। तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए, इसको देखना है क्योंकि ये आसार हैं कि रिपीट हो सकते हैं। बिल्कुल 25th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट इट विल शो। अगर एक सॉइल को श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड भी आप क्या कर दें, ड्राई कर दें, तो क्या उसमें लार्ज वॉल्यूम चेंज होता है या मॉडरेट होता है या लो होता है या नहीं होता। तो आप जानते हैं कंसिस्टेंसी कर्व आप पढ़ चुके हैं, ये कुछ था और यहाँ पे कुछ आपको श्रिंकेज लिमिट देखने को मिल रही थी। इसके बियॉन्ड अगर वाटर कंटेंट कम भी हो रहा था तो आप ये देखिए जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नो वॉल्यूम चेंज, मतलब डी इज़ द राइट आंसर। अगेन नो वॉल्यूम चेंज, अगर आप श्रिंकेज लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं, वाटर कंटेंट कम करते हैं, तो ना वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कोई चेंज आएगा, ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कोई चेंज आएगा, ना आप वाटर कंटेंट कम होने के साथ वॉइड पोरोसिटी कम होगी, ना वॉइड रेशियो में कोई चेंज आएगा। क्लियर रहेगी मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन पे। ये भी गेट 1999 का क्वेश्चन है। बहुत लोग इस छोटा सा सिंपल सा सवाल जो है ये नहीं करके आते हैं, इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। देखिए, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द रिलेशनशिप बिटवीन सबमर्ज यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इज़ बेस्ड ऑन। तो किस प्रिंसिपल पे जो रिलेशनशिप है वो सबमर्ज और सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल की डिपेंड करती है, क्योंकि जो रिलेशन आपके पास है वो गामा सबमर्ज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू था। तो ये किस रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है? तो भाई सीधी सी बात है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सैचुरेटेड और सबमर्ज कंडीशन कौन सी है। मैं मान लेता हूँ ये ग्राउंड लेवल है और इसमें ये कुछ ग्राउंड लेवल है, इसमें वाटर टेबल भी कुछ यहीं है। तो अभी सॉइल क्या है, इसके नीचे ये पूरा सैचुरेटेड है, लेकिन अगर यही वाटर टेबल इस ग्राउंड लेवल से कुछ यहाँ आ जाए, ऊपर आ जाए, तो ये सॉइल कैसा हो जाएगा, सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो ये कहता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बाल्टी ले लीजिए पानी की, उसमें मग डाल दीजिए, जैसे ही मग उसमें डुबाने की कोशिश करेंगे पानी क्या लगा देता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किस प्रिंसिपल में बताई गई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताई गई है। तो ये सॉइल में भी क्या करता होगा, जब सॉइल सबमर्ज हो जाता है तो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायेंसी फोर्स लगाता है, उस बायेंसी फोर्स को कौन बताता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट करता है। तो बी इज़ द राइट आंसर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर रहेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी गेट 2002 का सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछता है। अब देखिए, बहुत सीधी तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया गया, थोड़ा सा घुमाया गया है। तो गेट के क्वेश्चंस की एक खास बात ये होती है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। कैसे, समझते हैं। द वॉइड रेशियोज एट द डेंसेस्ट कॉमा लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट्स ऑफ द सॉइल डिपॉजिट आर 0.2 कॉमा 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द डिपॉजिट इज, तो हमने रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोल दिया था, डिग्री ऑफ डेंसनेस भी बोला था, साथ के साथ हमने और क्या बोला था, इसे डिग्री ऑफ डेंसनेस, रिलेटिव डेंसिटी, और भी हमने एक नाम से और बोला था, डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी के नाम से पूछ लिया गया है। अब मेरे से कहता है कि एक सॉइल है जो डेंसेस्ट स्टेट में उसका वॉइड रेशियो 0.2 है। तो भाई डेंसेस्ट स्टेट में उसका वॉइड रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, ये भी सोचना है। लेकिन हमें तो आईडी निकालना है ना। आईडी क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ई मैक्स, ई मिनिमम और ई डिसाइड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई डेंसेस्ट स्टेट में तो हम जानते हैं कि सॉइल पूरी तरह से क्या हो चुका होगा, दब चुका होगा, जो उसके अंदर वॉइड का साइज होगा वो छोटे से छोटा होगा, छोटे से छोटा होगा, मतलब ई मिनिमम होगा। मतलब डेंसेस्ट स्टेट में उसकी जो वैल्यू मिलेगी ई की वो कैसी होगी, ई मिनिमम की होगी। लूजेस्ट स्टेट में वो कैसी होगी, ई मैक्सिमम की होगी, कि लूजेस्ट स्टेट में वो खुला होगा, जगह ज़्यादा होगी, तो वॉइड रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज़्यादा होगा, तो वॉइड रेशियो भी ज़्यादा होगा, मतलब ई मैक्स की वैल्यू 0.6 और नेचुरल तीसरी बच जाती है 0.4। रख देते हैं वैल्यू उसको 0.6 माइनस 0.4 अपॉन 0.6 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व करते हैं तो कुछ वैल्यू आ जाती है 50%, और जब 50% आ जाती है तो ऑप्शन की मैच करती है, बिल्कुल करती है, सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी मेरी बात। ठीक है, तो इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है, कंसेप्ट को नहीं भूलना है, बस यही याद रखना है और कुछ नहीं करना। तो 28 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा 2014 का सवाल है। 28 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्वेश्चन गिवन है क्या गिवन कोहेजनलेस सॉइल हैज़ ई मैक्स 0.85 ई मिनिमम 0.50 इन द फील्ड द सॉइल हैज़ कॉम्पैक्टेड टू अ मास डेंसिटी ऑफ 1800 kg पर मीटर क्यूब एट अ वाटर कंटेंट ऑफ 8%। तो जितना भी पार्ट गिवन है वो मेंशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। फिर मास डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया गया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 और रिलेटिव डेंसिटी पूछता है। रिलेटिव डेंसिटी भाई मैं जानता हूँ कि ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम होता है मल्टीप्लाई बाय 100। ई मैक्स तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ई मिनिमम भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मतलब क्या ई वैल्यू मुझे निकालनी होगी बाकी के गिवन पार्ट से, क्योंकि ई मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन है। मतलब ये जितना गिवन पार्ट है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप क्या निकाल सकें, इस वर्ड रेशियो ई की वैल्यू निकाल सकें। तो ई निकालने के लिए मेरे पास जितनी भी वैल्यू गिवन है मैं उससे देखूं भाई गामा बल्क दिल का फॉर्मूला फिर से आ गया जी प्लस एस ई गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। क्या मुझे डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन है? नहीं गिवन है, मतलब कुछ इसमें चेंज कर लूँ तो काम बन सकता है। देखते हैं तो जी एस ई इक्वल्स टू डब्ल्यू जी तो मैं जानता हूँ, एस ई को अगर डब्ल्यू जी लिख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, लिख दिया मैंने भी। तो जी कॉमन है निकाल लेता हूँ, तो 1 प्लस वाटर कंटेंट जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। सही बात है, वाटर कंटेंट तो गिवन था ना 8%, तो 0.08। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो गिवन है, कितनी है 2.7। साथ में गामा डब्लू की वैल्यू कह रहा है कि 1000 रख लो, रख ली। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी मुझे गिवन है, स्पेसिफिक सॉरी वर्ड रेशियो तो मुझे निकालना है, बल्क यूनिट वेट मुझे गिवन है 1800 kg पर मीटर क्यूब रख लेता हूँ और ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ई की वैल्यू सॉल्व करने पे आती है कुछ 0.62। जब 0.62 वैल्यू आ गई, अब वर्ड रेशियो आ चुका है, वैल्यू यहाँ रखूँगा और कैलकुलेट कर लूँगा। ई मैक्स 0.85 दिया गया है, ई मैंने निकाल लिया 0.62, ई मैक्स 0.85 दिया गया है और ई मिनिमम की वैल्यू 0.50 दी गई है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। आई डी की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाती है जो कि कितनी आ रही है, जो कि आ रही है 65.71%, मतलब D इज़ द राइट आंसर। क्लियर रहेगी बात? तो जितने भी ऑप्शंस हमें गिवन हैं उसमें से एक ना एक ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अगर आप राइट अप्रोच से करते हैं उसको। क्लियर रहेगी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। फाइन ग्रेन सॉइल है 60% बाय वेट सिल्ट कंटेंट। एक फाइन ग्रेन सॉइल है जिसमें 60% तो क्या है सिल्ट कंटेंट। सॉइल बिहेव्स एज अ सेमी सॉलिड व्हेन वाटर कंटेंट भी इज बिटवीन 15% to 28%। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद कहता है कि द सॉइल बिहेव्स फ्लूइड लाइक व्हेन द वाटर कंटेंट इज मोर देन 40%। अगर 40% या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है। देन एक्टिविटी ऑफ द सॉइल इज, एक्टिविटी पूछ रहा है तो भाई एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी की अगर मैं बात कर लूँ तो एक्टिविटी इज नथिंग बट प्लास्टिसिटी इंडेक्स बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। क्या क्ले पार्टिकल्स गिवन है? नहीं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है? नहीं। मतलब कुछ तो गिवन होगा, देखते हैं भाई। पहले तो मैं कंसिस्टेंसी कर्व बनाना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि भाई मुझे ये बोला गया है कि भाई ये सॉइल जो है वो सेमी सॉलिड की तरह बिहेव कर रहा है। कब तक? ये सेमी सॉलिड स्टेज थी, तो भाई 15%, जब 15% से लेके कहाँ तक 28% तक, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फ्लूइड की तरह भी बिहेव करने लग जाता है जब ये वाटर कंटेंट 40% से पार हो जाता है। तो भाई मैंने बना लिया इसी लिमिट को। जब ये सेमी सॉलिड स्टेज में आता है तब तो इसको क्या बोला जाता था? श्रिंकेज लिमिट। जब ये प्लास्टिक स्टेज में आता था इसी को क्या बोला जाता था? प्लास्टिक लिमिट। इसी को लिक्विड लिमिट बोला जाता था, जब वो वाटर कंटेंट उसमें इंड्यूस होने के बाद सॉइल को क्या बिहेव करने पे मजबूर कर देता था? लिक्विड की तरह बिहेव करने के लिए मजबूर कर देता था। अब मुझे लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू पता है, तो मैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल सकता हूँ जो कि WL माइनस WP होता है। और अभी भी मुझे परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स नहीं पता। लेकिन एक बात ये पता है कि ये सॉइल कैसा है, फाइन ग्रेन सॉइल है। और फाइन ग्रेन सॉइल कौन कौन से होते हैं? सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट का परसेंट अगर 60% है तो भाई बचा हुआ क्या होगा? क्ले होगा। मतलब क्ले परसेंटेज कितना होगा? 100% में से 60% तो सिल्ट थी तो माइनस कर दी, तो 40% क्या है? क्ले है। तो परसेंटेज ऑफ क्ले रख दूंगा, ठीक। तो मतलब एक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो गई? एक्टिविटी की वैल्यू हो गई WL तो मैं जानता हूँ 40, WP मैं जानता हूँ 28, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स मैं जानता हूँ 40, मतलब 12/40 जो कि आ जाएगा 0.3। इसका मतलब ये बनता है कि C इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपका अप्रोच जो है वो बहुत बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल अप्रोच के साथ काम करेंगे तो हर क्वेश्चन क्या है? आसान है। 30 सेकंड बहुत ज़्यादा 60 सेकंड में हर क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर रहेगी। तो आज का लास्ट सवाल जो गेट 2016 से है, कहता है द पोरोसिटी एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल सैंपल आर 0.7 एंड 40%। पोरोसिटी आपको दी गई है 0.7 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 40%। इसके बाद कहता है कि जो वॉल्यूम है सॉइल की वो 100 मीटर क्यूब है। मुझे क्या बता दीजिए? मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर मुझे बता दीजिए। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। ये वॉल्यूम ऑफ एयर किस में होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड में होती है। मतलब किसी तरह अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाल लूँ तो मैं वॉल्यूम ऑफ एयर तक भी पहुँच सकता हूँ। देखते हैं कैसे पहुँचा जा सकता है। मैं जानता हूँ पोरोसिटी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम तो गिवन है VT, तो भाई 0.7 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय 100। मतलब ऑफ वॉइड कितना हो गया? 70 मीटर क्यूब हो गया। तो वॉइड रेशियो मेरे पास आ चुका है और वॉइड रेशियो निकाल लिया। अब मैं वॉल्यूम ऑफ एयर तक पहुंच सकता हूं। तो मेरे पास और क्या गिवन है? वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैं जानता हूं वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, जो कि 40% दिया है। परसेंट हटा देते हैं तो 100 भी हटा दिया जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल्स टू 40, यही होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड मैंने यहाँ निकाला हुआ है, अलग लिख लेता हूँ 70। इसको ब्रेक कर देते हैं तो 1 माइनस VA बाय VV इक्वल्स टू 40 लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड 70 निकाला था तो यहाँ पे लिख देता हूँ 70 इक्वल्स टू 40। सॉल्व करूँगा तो वॉल्यूम ऑफ एयर 42 मीटर क्यूब निकल के आ जाता है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इस सॉइल के अंदर कितना है? 42 मीटर क्यूब है। बिल्कुल। तो ये सारे के सारे क्लासिक क्वेश्चंस जो हैं वो गेट एंड ES में पूछे जा चुके हैं। और अब हमें चांसेस यही लगते हैं कि आने वाले समय में ये JEE लेवल में भी पूछे जाएंगे या किसी AE लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें सारे के सारे जो फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं वो दिल के फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। और इन सारे सवालों को अगर आप दिल से लगाते हैं तो बिल्कुल एग्ज़ाम के अंदर नंबर एक नंबर के आएंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू सक्सेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियोज़।